वेलकम टू एग्रीकल्चर आ जाओ सभी लोग फटाफट फड़ से सेशन को लाइक कर दो शेयर कर दो और जो लोग नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब ठीक है तो ये मैराथन स्टार्ट होगी अभी से और ये लगभग चलेगी दो से तीन बजे तक तो बने रहना है कंटिन्यू क्लास को देखना है आपको ठीक है हाँ और आपने एक शुरुआत में एक प्रोमो देखा होगा एक ट्रेलर देखा होगा ठीक है जो कि आपको कल आकाश सर को सरप्राइज देंगे जो जो कि इसी चैनल पे होगा तो सभी लोग कल 12 बजे जुड़ेंगे और अपने दोस्तों को भी खबर कर देंगे भाई कि सभी को आना है बात सुन मारी है तो फटाफट से एक बार सेशन को लाइक कर दो सभी लोग सभी लोग सेशन को लाइक कर दो शेयर कर दो और सभी दोस्तों में जो लोग सी डब्ल्यू सी का एग्जाम देने वाले हैं सभी लोगों के पास ये सेशन होना चाहिए फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ठीक है फिर फैकल्टी भाई एक घंटे में चेंज होगी चालीस से पैंतालीस मिनट या एक घंटे के बाद दूसरी फैकल्टी आएगी फिर तीसरी यानी कि ऐसी सारी फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है, है ना तो एक ही सेशन में जो है पूरा सिलेबस कवर होगा ठीक है तो बने रहना है आपको ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर देखना है फिर गायब हो जाना है फिर थोड़ी देर बाद आना है ऐसा मत करना क्योंकि अगर आप एग्जाम देने वाले हो इट मीन्स आप सीरियस हो और सीरियस हो तो यह सेशन आपके लिए ही प्लान किया गया था हाँ ओके okay. ओके okay, आ जाओ भाई फटाफट से आ जाओ हाँ ठीक <coughs> है चलिए स्टार्ट किया जाए फिर ना और कल बारह बजे नहीं आना भूलिएगा सभी लोग ठीक है कल सभी लोग बारह बजे आएंगे और अपने दोस्तों को भी लाएंगे ओके चलिए देखो पहला क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं हरवी साइड देखो वीड साइंस के क्वेश्चंस कराएंगे क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे वीड साइंस के क्वेश्चन और हरवी साइड से रिलेटेड वीड से रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे तो केयरफुली सुनना है और आंसर उनका देखना है ठीक है आंसर हम बताएंगे लिखने की जरूरत नहीं है सिर्फ आपको क्या करना है इस क्वेश्चन को देखना है ठीक है और आंसर करना है अगर गलत हो रहा है कोई दिक्कत नहीं आंसर सभी लोग करेंगे बात समझ सतमारी क्या कह रहे हैं हाँ स देखो ऐसा कोई क्लियर नहीं है कि कौन कितने मार्क्स का आएगा जैसे क्रॉप प्रोडक्शन है आपका क्रॉप प्रोडक्शन में वीड मैनेजमेंट भी आता है तो क्रॉप प्रोडक्शन वाला पार्ट जो वीड के अलावा वाला पार्ट है वो संदीप सर आपको पढ़ाएंगे जो छोटी सी यूनिट है वीड साइंस उसको हम मैं कवर करूंगा ठीक है चलिए तो क्या दिया है हर्बिसाइड इज अ केमिकल विच इज यूज टू डिस्ट्रॉय वीड डिस्ट्रॉय क्रॉप डिस्ट्रॉय बोथ वीड एंड क्रॉप एंड नन ऑफ दीज तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा डिस्ट्रॉय वीड तो जो आपके हरबी साइड केमिकल्स हैं जो हरवी साइड है जनरली जो केमिकल हैं वो किसमें यूज किए जाते हैं तो वीड को डिस्ट्रॉय करने के लिए किसको वीड को डिस्ट्रॉय करने के लिए या वीड को किल करने के लिए जो भी केमिकल हम यूज करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं हरबी साइड कहलाते हैं सिंपल है हरबी साइड कहलाते हैं ओके okay? चलिए अगला क्वेश्चन

जब मिल जाए तो आंसर कर दो ना तुरंत क्लिक करना है थोड़ा सा प्रोसेस करने के लिए आपको टाइम चाहिए वो हम दे हम देंगे आपको पांच से दस सेकंड का समय ठीक है उसके बाद आपको आंसर लगाना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है क्लियर हाँ समझ में रही बात ओके हाँ अभी तक जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है सेशन को लाइक करो पहले क्लियर है हम्म ओके ठीक है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा डायरेक्ट सीडेड क्रॉप्स तो डायरेक्ट सीडेड क्रॉप्स है या डायरेक्ट सीडेड राइस है इसमें क्या होती है वीड की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और इसी में एक और प्रैक्टिस ब्राउन मेन्योरिंग याद रखना ब्राउन मेन्योरिंग किस में की जाती है डायरेक्ट सीडेड राइस में की जाती है डायरेक्ट सीडेड लो लैंड राइस में की जाती है ये याद रखना ब्राउन मे्योरिंग होती क्या है कि हम डायरेक्ट सीडेड राइस की जब हम सोइंग करते हैं उसके साथ साथ ससवेनिया और उसटाटा को भी ग्रो कर देते हैं उसके ग्रो करने के बाद दोनों को एक साथ हमने सोइंग कर दी सोइंग करने के लगभग थर्टी टू थर्टी फाइव डेज बाद हम क्या करते हैं टू फोर डी अप्प्लाई कर देते हैं जो कि एक सेलेक्टिव हर्बिसाइड है तो ये क्या करता है जोसस वेनिया रोस्टाटा जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप है इसको नॉक डाउन कर देता है ये सोइल में मिक्स हो जाती है इससे बीड भी मैनेज हो जाते हैं मल्च का भी काम करती है और और भी बहुत सारे फायदे होते हैं इससे क्लियर हाँ ओके नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यूरिया हरबीसाइड अंडरगो कंजंक्शन विद तो देखिए जो आपके यूरिया हरबीसाइड हैं ये क्या होते हैं प्लांट के अंदर जाते हैं और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं या डीटॉक्सी कह सकते हो तो ये किसके साथ कंजुगेट होते हैं हैं ये सिंपल बताना है आपको, है आपको ना किसके साथ साथ मिक्स हो हो जाते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या क्या जाएगा प्रोटीन के साथ. क्या? प्रोटीन के ओके चलिए अगला क्वेश्चन मोस्ट कॉमन हर्बिसाइड यूज इन व्हीट क्रॉप बताना है आपको कि इसमें कौन सा हर्बिसाइड है जो जनरली यूज किया जाता है किसमें वीड में वीड में सबसे आ, वीट वीट सॉरी वीट में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला हर साइड बताओ अप्लाई करते हैं अप्लाई करते हैं अप्लाई करते हैं या पेंडीमेथलीन अप्लाई करते हैं बोलिए है, सही उत्तर क्या होगा सही उत्तर क्या होगा क्लियर हाँ समझ में आ रही है बात क्लियर है ओके तो क्या हो जाएगा टू फोर डी टू फोर डी एक फर्स्ट अरबी साइड है यह भी याद रखना और कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है या ऐसा कौन सा अरबी साइड है जो हार्मोन के फॉर्म में भी यूज किया जाता है या ऐसा कौन सा हार्मोन है जो अरबी साइड के फॉर्म में भी यूज किया जाता है क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है तो देखो जब हम टू फोर डी की क्वांटिटी जो है वो लेस देन ट्वेंटी पीपीएम रखते हैं जब इसका कंसंट्रेशन लेस देन ट्वेंटी पीपीएम रखते हैं तो ये किसका हार्मोन का, का काम करता है और जब ट्वेंटी पीपीएम से ज्यादा कंसंट्रेशन रखेंगे टू फोर डी का सोल्यूशन में तो ये किसका काम करेगा हरवी साइड का काम करेगा और जनरली टू फोर डी जो है ब्रॉड ली वीड किलर के नाम से जाना जाता है मतलब कि जो पत्ती वाले खरपतवार हैं उनको मारने के लिए हम क्या यूज करते हैं टू फोर डी बात है क्लियर हाँ। है? हाँ। समझ में आ गई बात ठीक है क्लियर तो सही उत्तर क्या हो जाएगा टू फोर डी रन बैन हो चुका है Which of the following is a selective

लोगों ने अभी तक को शेयर नहीं किया है फटाफट से को शेयर कर दो क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे दोस्तों में तब तक जो है आ, सभी लोग नहीं आ पाएंगे फायदा होना चाहिए इस क्लास का बात है? ओके, मैं भी एक दो जगह और शेयर कर देता हूं जिससे कि प्रॉपरली सभी लोग ज्वाइन कर सके इस क्लास को ठीक है समझ में आ रही बात ठीक है चलिए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर तो बताओ भैया आंसर करो एट्राजिन हो जाए होगा कि नहीं एट्राजिन ही होगा होगा यस ओके चलिए एक सेकेंड ओके okay, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा एट्रेजन बाकी पैराक्ट डाइक्वाइट एंड ग्लाइफोसेट जो है वो आपके नॉन सेलेक्टिव है ये नॉन सेलेक्टिवली या इनडिसक्रिमिनेटली जितनी भी वेजिटेशन होती है सबको किल कर देते हैं जो भी इसके कांटेक्ट में आती है सिंपल सी याद रखना जो सभी प्लांट के प्लांट को या सभी वीड को या सभी प्लांट की स्पेशीज को या सभी प्लांट के ग्रुप को किल कर देते हैं वो नॉन सेलेक्टिव तो नीचे जो लिखे हुए हैं वो क्या कहलाते हैं आपके नॉन सेलेक्टिव तो ये नॉन सेलेक्टिव है क्लियर हाँ एक हजार ग्रुप में शेयर कर दिए और क्या चंद्र घोष इतना भी झूठ मत बोलो है ना सुबह सुबह झूठ बोल रहे अपने मास्टर साहब से है <laughs> चलिए अगला क्वेश्चन बताओ बताना है टू फोर डी किस तरह का हरबी साइड है तो टू फोर डी सेलेक्टिव सिस्टमिक है या नॉन सेलेक्टिव है या कॉन्टेक्ट है या नन ऑफ दीज तो ये जो टू फोर डी है ये सेलेक्टिव और सिस्टमिक हर भी साइड है कैसा है सेलेक्टिव और सिस्टमिक हर भी साइड है सेलेक्टिव का मतलब सेलेक्टिव पॉपुलेशन को किल करता है या फ्यू प्लांट को किल करता है जैसे ब्रॉडली वीड किलर है ये यानी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारता है और सिस्टमिक का मतलब है कि अगर हम एक किसी भी एक पार्ट पे प्लांट के पार्ट पे अप्लाई कर दें तो ये पूरी प्लांट की बॉडी में आसानी से ट्रांसलोकेट होके जो इसका मोड ऑफ एक्शन है उस मोड ऑफ एक्शन के माध्यम से साइट को बंद कर देता है और वीड को किल कर देता है बात समझ मारिये क्या कह रहे हैं ठीक है तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा सिलेक्टिव एंड सिस्टमिक हर वी अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बताओ फटाफट से आंसर करो मिमिक्री वीड ऑफ वीट गेहूं का मिमिक्री वीड कौन सा है गेहूं का मिमिक्री वीड बताना है आपको मिमिक्री वीड का मतलब आपको पता होगा जो क्रॉप जैसे ही प्रटेंड करते हैं मतलब कि मिमिक्री जो होती है वो सीड वीड कई कई प्रकार की होती है फॉर एग्जांपल वेजिटेटिव मिमिक्री वेजिटेटिव मिमिक्री क्या होती है प्लांट के स्टेम और लीफ सेम होता है सिमिलर होता है क्रॉप जैसा मतलब कि जैसा क्रॉप का लीफ होगा क्रॉप की क्रॉप uh, का स्टेम uh, होगा वैसे ही क्या होता है वीड का तो इसको कहते हैं वेजिटेटिव मेमिक्री तो वेजिटेटिव मेमिक्री ये हो गया सीड में मिक्री वीड आपको पता होंगे सीड में मिक्री वीड का मतलब क्या है कि ऐसे वीड सीड जिनका सीड जो है जिनका या वीड सीड जो मैच करते हैं अदर क्रॉप के सीड के साथ ये पर्टिकुलर क्रॉप के साथ जैसे मस्टर्ड क्रॉप का अगर हम बात करें सीड में मिक्री वीड कौन सा है तो वो है सत्यानाशी अगर सत्यानाशी अर्जुमोन मैक्सिकाना का आप सीड देखोगे तो सिमिलर दिखाई देता है मस्टर्ड जैसा सिंपल सी बात है हाँ क्लियर

चलिए अगला क्वेश्चन बोलो अगला क्वेश्चन बताना है आपको क्या ट्रैप क्रॉप ऑफ की ट्रैप क्रॉप का नाम बताना है क्या है एक parasitic weed है आपको क्या एक पैरासिटिक वीड जो कि टोटल पैरासाइट के नाम से जाना जाता है टोटल रूट पैरासाइट के नाम से जाना जाता है टोटल रूट पैरासाइट और इसके होस्ट प्लांट सोलिनिशियस फैमिली के प्लांट हैं और इनके अलावा बहुत सारे सफ्लावर हो गया काउपी हो गया और फावाबीन हो गया ये सारे भी हैं इसके उस प्लांट लेकिन इस किस क्रॉप के द्वारा इसको ट्रैप किया जा सकता है इसको इसको कंट्रोल किया जा सकता है तो लिंसीड है सनहम पैचिली है या ऑल ऑफ दीज है बोलिए राइट आंसर क्या होगा फटाफट से आंसर करो आप लोग जितना ज़्यादा आंसर करोगे उतनी क्लियरिटी होगी है ना जितनी क्लियरिटी होगी उतना ही अच्छा एग्जाम में करके आओगे ठीक है और मेरी शुभकामनाएं सभी लोगों के साथ हैं जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं ठीक है पेशेंस रखना है पेशेंस का मतलब यह है कि हड़बड़ा नहीं जाना है क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है पहली बात कभी कभी क्या होता है देखो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कभी कभी क्या होता है आपने एग्जाम में देखा होगा कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन कभी कभी स्टार्टिंग वाले टफ रखे होते हैं ऐसा आपने देखा होगा कई बार आपको ये चीज फेस करने को मिली होगी कि हमने कोई पहला क्वेश्चन देखा जैसे हमने पेपर खोला वैसे पहला क्वेश्चन इतना कठिन था कि हमको समझ में नहीं आया या कठिन था समझ में नहीं आया तो हमने स्किप कर दिया छोड़ दिया अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए अब देखो अ, कभी कभी क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकंड क्वेश्चन भी क्या होता है नहीं होता है आपसे या थोड़ा सा मान लो कठिन है तो आप सोचो लगातार दो क्वेश्चन नहीं हुए अब तीसरे में आपकी हालत क्या होगी फॉर एग्जाम्पल तीसरा भी नहीं आता है आपको फिर आप चौथे में टेम्परामेंट खो देते हो अब दिमाग में ये आता है कि अब चौथा करना ही करना है भले गलत करें सेटिस्फैक्शन के लिए हम वो क्वेश्चन गलत लगा देते हैं या हड़बड़ी में पता भी होता है तब भी हम गलत लगा देते हैं तो यही करना है आपको लगाना नहीं है ये नहीं करना है मेरे कहने का मतलब है तो करना क्या है आपको पेशेंस रखना है अपने माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल रखना है कि नहीं कोई बात नहीं आगे के सरल होंगे सब थोड़ी ऐसे होंगे और कौन सा तीन क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे हैं तो सबको आ रहे होंगे ऐसा जरूरी थोड़ी है तो आराम से करना आराम से करना कोई टेंशन नहीं है कोई टेंशन नहीं है बात रही है? हम्म, क्लियर? कोई टेंशन नहीं आराम से हो जाएगा डन है ठीक तो कॉन्फिडेंस लूज yes, नहीं करना है यस कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है पेशेंस रखना है आराम से करने क्वेश्चन जो बहुत टफ हैं जो आपसे नहीं हो रहे हैं उनके चक्कर में जो इजी या मॉडरेट क्वेश्चन है उनको गलत नहीं करना है कभी कभी उनको देख के हम घबरा जाते हैं और जो सरल क्वेश्चन है उनको गलत लगा देते हैं और या उनको छोड़ ही देते हैं बात समझ मारिए तो ये नहीं करना है ओके इज दैट क्लियर तो ये सभी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज लिंसिड सनेम एंड मस्टर्ड ओके चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया है स्ट्राइगा इज एसोसिएटेड विद बताइए स्ट्राइगा जो है वो किससे एसोसिएटेड है

और सेशन को लाइक कर दो जितने लोग देख रहे हैं उतने लाइक्स होने चाहिए उतने लाइक्स होने चाहिए जितने लोग देख रहे हैं सेशन को समझ में आ रही है बात को ज्यादा भेजे में कि नहीं कहते जात रहा गिरी जी लेकिन हम मानते नहीं है हम तो मानते किसी की नहीं है आप तो क्या ही हो <laughs> तो क्या हो जाएगा स्वर्गम एंड मेज बोध है स्वर्गम एंड मेज दोनों सही कर लेना है यहाँ पर स्वर्गम मेज बाजरा हो गया काउपी हो गया ये सभी जो है आ, इस वीड से रिलेटेड है बात समझ समझवा तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो कोई ना कोई एक ऑप्शन जो है वो मिसिंग होगा या तो मेज नहीं होगा या तो स्वर्गम नहीं होगा बात समझवा रही है तो ए बी बोथ है क्या हो जाएगा ए बी बोथ डन है तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सही कर लेंगे वो मेरे से ही मिस्टेक हो गई है हम मानते हैं इस बात को ठीक है हाँ चलिए ओके okay, कोई बात नहीं अगला क्वेश्चन देख लो ट्रैप क्रॉप और स्ट्राइगा स्ट्राइगा की ट्रैप क्रॉप का नाम बताना है आपको स्ट्राइगा की ट्रैप क्रॉप का नाम बताना है कि भैया किस क्रॉप के द्वारा हम स्ट्राइगा को ट्रैप कर सकते हैं हम कंट्रोल कर सकते हैं ये बताना है आपको तो फटाफट से आंसर करो सभी लोग हाँ फटाफट से आंसर करो है ना हा फिर तुमको एक एक कैंडी प्रोवाइड करेंगे ठीक है एक टॉफ़ी देंगे फिर लास्ट में ठीक है जितने लोग देख रहे हैं उतने लाइक करो पहले फिर तुमको एक छोटा सा गिफ्ट देंगे हम लास्ट में सबके घर भिजवाएंगे ठीक है हाँ वो एक रुपए की चार टॉफ़ी आती हैं अब तो आती भी नहीं होंगी अब तो बड़ी महंगी आती हैं ये पाँच रुपए की एक है ना पहले आती थी एक रुपए की चार उसमें स्टिकर भी मिलता था जो ऐसे जैसे नहीं उसे लगा के ऐसे ऐसे चिपकाते थे है ना हाथ पे कहीं कहीं यहीं है तो वो वाली हम चार भिजवाएंगे कहीं से ऑर्डर करवाएंगे <laughs> चलिए ओके okay, डन है चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा ऑल ऑफ तो इस की इसमें सभी क्रॉप जो है ट्रैप क्रॉप के ए, क्रॉप ट्रैप क्रॉप का एग्जाम्पल है सनफ्लावर काउपी एंड कॉटन इज दैट क्लियर हम्म हाँ <laughs> प्रॉमिस कर रहे हैं हंड्रेड परसेंट झूठ अरे यार तुम लोगों को एक तो मेरे भरोसा नहीं है ये इस, इस मामले में जैसे आप लोग देखो मेरे सेशन जब देखते हो तो ट्रस्ट कर लेते हो कि सर कृष्णा सन ने कहा है तो ये बात सही होगी है ना उन्होंने कहा है कि ये सेशन सफिशियंट है इट मीन सफिशेंट है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम हम सेशन को कोई लेते हैं और हमें मुझे लगता है कि ये सफिशियंट नहीं है तो मैं साफ साफ बोल देता हूँ कि इस सेशन को देखने के बाद आपको और भी सेशन की रिक्वायरमेंट होगी या आपको इस किताब से पढ़ना है ठीक है तो जैसे मैं वो बात बोलता हूँ वैसे ये भी मान लिया करो यार क्या बात कर रहे हो हाँ रिलेवेंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन एनिमल हस्बेंड्री अरे तो हमने श्रीनाथ बताया तो है क्रॉप प्रोडक्शन में वीड साइंस नहीं आएगा मैं क्रॉप प्रोडक्शन में वीड प्रॉब्लम नहीं होगी क्या क्रॉप प्रोडक्शन राइस को ग्रो कर रहे हो वीड कंट्रोल नहीं होगा क्यों तो वीड कंट्रोल होगा तो वीड कहाँ से बढ़ोगे आप कभी कभी कुछ कुछ चीजें कहीं नहीं जाती हैं जैसे अब अब अगर आप जो आपकी जी है जी के है ना जैसे हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री लिख दी जाती है तो मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब है पूरा इतिहास का खोलो ठीक है तो उसमें लाइन इतनी लिखी होती है लेकिन मतलब बहुत होता है उसका समझ में आ गई बात और तुम हमको बता रहे हो चलिए सॉयल एक्टिव हर्बी साइड आपको बताना है फ्लू क्लोरालिन पैराक्ट या ग्लाइफोसाइड या सभी है तो इसमें सोयल एक्टिव हर्बी साइड क्या है फ्लू क्लोरालिन है क्या है फ्लू क्लोरालिन बात समझ में आ रही है हम्म ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं पैरासिटिक वीड ऑफ लूसन लूसन का पैरासिटिक वीड बताना है आपको तो लूसन का कसकुटा है ओरोबैंकी है स्ट्राइगा है या लॉरेंथस है बोलिए राइट आंसर क्या होगा फटाफट से आंसर करो लूसन लूसन क्या है एक फॉर्डर क्रॉप है या जिसे अल्फा अल्फा भी कहते हैं क्या कहते हैं अल्फा अल्फा तो बताइए लूसन जो है वो किस लूसन का वीड कौन सा है पैरासिटिक वीड बोलो तो क्या है कसकुटा तो कसकुटा जो है वो इसका पैरासिटिक वीड है इज दैट क्लियर हाँ अगला मिथाइल क्या दिया है हरबी कॉमनली अवेलेबल एज फ्यूमिगेंट फ्यूमिगेंट के फॉर्म में कौन सा हरबी जो है वो अवेलेबल है मिथाइल ब्रोमाइड पेंडी मेथलीन आ, टू फोर डी या एट्राजिन बोलिए सही उत्तर क्या होगा फटाफट से आंसर करो आप लोग हाँ. बोलिए

अप्लाइड आपको बताना है कि किस क्रॉप में, में क्रॉप में टू फोर डी नहीं करेंगे बारले हो गया, वीट, सुगर -केन, वाला है। है आपको पढ़ाएंगे उसमें ठीक है जो आएगा होगा और जो भी वो पार्ट पढ़ाते हैं वो आपको मिलेगा अगर इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स भी वो पढ़ाएंगे समझ मारी बात बोलो <laughs> सर जी की जय हो अच्छा। कैसा लग रहा है एनर्जी लग रही है कि नहीं कुछ मतलब लग रहा है कि पढ़ रहे हैं देखो क्वेश्चन इजी रखेंगे इसमें ज्यादा लैंग्वेज डिटेल में नहीं आएगी डोंट वरी जैसे क्वेश्चन है वैसे ही नॉर्मली रहेंगे आपके एग्जाम में भी सिंपल है हाँ चलो तो क्या हो जाएगा कपास यस yes. तो करेक्ट आंसर है यहां पर कपास कॉटन कॉटन में टू फोर डी नहीं करेंगे इवन ब्रोमोजाइनल भी नहीं करेंगे ग्लाइफोसेट भी नहीं करेंगे अगर हम कॉटन में टू अप्लाई अप्लाई कर देते हैं टू फोर को अप्लाई कर देते हैं तो कॉटन में एक डिसऑर्डर हो जाता है जिसका नाम है जिसका नाम है फिंगर लीफ डिजीज फिंगर लीफ डिजीज हो जाता है इसके है ना नवनीत कुमार कह रहे हैं हेलो सर मैं ट्रेन में बैठ गया हूं एग्जाम देने जा रहा हूं सी डब्ल्यू सी का बहुत बढ़िया और तुम सेशन को भी देख रहा है ये भी आ, ये ये आपकी एनर्जी को दिखाता है कि आप अपने एग्जाम के लिए कितने आ, हम कह सकते हैं कि अब एग्जाम को लेकर कितने सीरियस हैं, ठीक है ये है ये लगन कहते हैं बात है? हाँ। और आ, कुछ लोग घर पे पड़े होंगे वो सोच रहे होंगे देख लेंगे। टू एक्सपेरे यार, क्या ही समय लगाना उतनी देर में रीलें पता नहीं कितनी देख लेंगे है ना रील्स चलिए हाँ हाँ, हाँ। <laughs> सर आप पढ़ा रहे हो तो पढ़ रही है अच्छा ठीक है ओके okay. चलिए आगे बढ़ते हैं यह हो जाएगा बाकी अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू रिड्यूस टॉक्सिसिटी ऑफ हरवी साइड हरवी साइड की टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए क्या यूज करते हैं उसमें क्या ऐड करते हैं तो बताइए रिडक्टेंट हो जाएगा सेफनर बताइएगाब्जॉर्बेंट absorb, uh, या इनमें से कोई नहीं या नन ऑफ दीज बोलिए राइट आंसर क्या होगा फटाफट से आंसर करो हम बोलो भाई फटाफट से उत्तर करो सभी लोग हमने बताया भी है कि देखो जितने ज्यादा आंसर आएंगे है ना उतनी ज्यादा तुम लोगों को गिफ्ट्स मिलेंगे उपहार है ना उपहार में देखो जैसे हमने अभी एक रुपए में चार टॉफी वाला ऑप्शन रखा है है ना और भी बढ़ाएंगे और भी बढ़ाएंगे अगर आप लगन दिखाते हो तो तो क्वांटिटी और बढ़ेगी डोंट वरी दो कर देंगे ठीक है मतलब आठ कर देंगे चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है वीड स्प्रेड इज़ देखो किस वीड जो है किस वीड की वजह से अस्थमा फैलता है अस्थमा होता है तो अस्थमा किससे होता है कैलोट्रोफिस से पार्थेनियम से कंच वीड या कॉमन ग्रास वीड बोलिए सही उत्तर क्या होगा फटाफट से आंसर करो है ना हुँ. और एक क्लास होती है अर्जुन क्लास जो कि बारह बजे होती है डेली बारह बजे होती है संडे को छोड़ के डेली बारह बजे आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा एक बिना पीपीटी वाली क्लास होती है जिसमें हम प्लांट न्यूटर डिस्कस कर रहे हैं ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कवर कर चुके हैं और ड्राई लैंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो टिलेज है उसको भी हम कवर कर चुके हैं तो बिना पीपीटी वाली क्लास एवरी ट्यूजडे थर्सडे और सैटरडे को होती है सुबह नौ बजे तो ज्वाइन करना ना भूलें बात समझ मारिए वो क्लास ज्वाइन करें और अगर आपको एम प्रैक्टिस करनी है तो अर्जुन क्लास में मिलो बारह बजे हमसे इसी चैनल पर ठीक है ओनली ऑन on इसी चैनल एग्रीकल्चर <laughs> अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन ठीक है okay. तो क्या हो जाएगा सही उत्तर पार्थेनियम सही उत्तर क्या हो जाएगा पार्थेनियम बात समझ में आ रही है सुन पहले का आंसर नहीं बताया सेफनर इसका सही उत्तर क्या होगा सेफनर ये सेफनर होगा ये सेफनर होगा और इसका होगा पार्थेनियम चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है ब्यूटा क्लोर बिलोंग्स टू व्हिच ग्रुप ऑफ हर्बिसाइड इस में आपको बताना है कि ब्यूटा क्लोर जो है वो किस हर्बिसाइड के ग्रुप से बिलोंग करता है यानी ब्यूटा क्लोर का आपको ग्रुप का नाम बताना है ब्यूटा क्लोर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है राइस में जिसका ट्रेड नेम है मचेटी जिसका ट्रेड नेम है मचेटी ठीक है बता तो दिया है आंसर बता तो दिया है सेफनर हम्म और कैसे बताएं ठीक है तो सुबह नौ बजे वाली क्लास किया करो बिना पीपीटी वाली क्लास जो कि होती है आपकी ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को तीन दिन मिलेगी हफ्ते में कंसेप्चुअल क्लास होती है टॉपिक वाइज हम पढ़ाते हैं उसमें ठीक है एमसी नहीं होते हैं उसमें थ्यूरी लिखाते हैं नोट्स देते हैं उसके ठीक है फ्री ऑफ कॉस्ट है कोई पैसा नहीं लग रहा है उसका कोई पैसा नहीं लग रहा बात समझ है उसको ज्वाइन करो चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा एमाइड तो ब्यूटा क्लोर जो है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है एमाइड ग्रुप से ठीक है हुँ. सर जी लास्ट क्वेश्चन का आंसर पार्थेनियम बताया तो चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है एप्लीकेशन रेट ऑफ क्लोरी क्लोरी म्यूरोन इन सोयाबीन। सोयाबीन में अगर हम यह हरवी साइड अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी कितनी रखेंगे उसकी क्वांटिटी कितनी रखेंगे बोलो फाइव ग्राम पर हेक्टेयर नाइन ग्राम पर हेक्टेयर फिफ्टी ग्राम पर हेक्टेयर या नाइनटी ग्राम पर हेक्टेयर हाँ आज क्लास कब तक चलेगी दो से तीन बजे तक चलेगी ठीक है दो से तीन बजे तक यह क्लास मिलेगी आपको डन है चलिए आगे बढ़ा जाए तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा नाइन ग्राम पर हेक्टेयर तो अगर हम सोया सोयाबीन में यह अरबी साइड अप्लाई करते हैं तो कितनी क्वांटिटी रखेंगे सिर्फ नाइन ग्राम लेंगे हम एक हेक्टेयर फील्ड में और एक हेक्टेयर मतलब दस हजार मीटर स्क्वायर एरिया हाँ हम्म ठीक है नाइन ग्राम चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन देखो विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन सेलेक्टिव हरबी साइड बताओ भैया इसमें नॉन सेलेक्टिव हरबी साइड कौन सा है नॉन सेलेक्टिव हरबी साइड हम बोलो <coughs> लेकिन तुम लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है नॉन सेलेक्टिव हरबी साइड बोलो टू फोर डी एट्रोजिन फ्लू क्लोर तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा ग्लाइफोसेट तो ग्लाइफोसेट जो है वो नॉन सेलेक्टिव है और एक चीज और याद रखना जब जीरो हम, जीरो टलेज टलेज हम करते हैं लंबे समय तक तो उससे पहले सोइंग से पहले हमें नॉन सेलेक्टिव अर्बी साइड यूज करने पड़ते हैं है ना और ये हमने टलेज वाली क्लास में बिना पीबिटी वाली क्लास में पढ़ाया है ठीक है तो बिना पीबिटी वाली क्लास ज्वाइन जरूर करना है ठीक है उसको छोड़ना नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट खबर यह है आपके लिए ठीक है चलिए आगे तो यह क्या हो जाएगा ग्लाइफोसेट अगला, अगला क्वेश्चन बोलो अगला क्वेश्चन बताओ विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इज नॉट अ माइको हर्बिसाइड इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक माइको हर्बिसाइड नहीं है ऐसा हर्बिसाइड जो जिसमें फंगस का यूज किया गया या फंगस फंगस के के माध्यम माध्यम से से जिसको आ, मतलब हम वीड को कंट्रोल करते हैं कोई कोई ना कोई डिजीज करके तो इसमें कौन सा माइको हर्बिसाइड नहीं है बायोमल क्या माइको हर्बिसाइड है तो यस कोलेगो क्या माइको हर्बिसाइड है यस क्या डिवाइन माइको हर्बिसाइड है डिवाइन तो फर्स्ट माइको हर्बिसाइड है तो बचा क्या टू फोर्डी टू फोर्डीज एक केमिकल हर्बिसाइड है माइको हर्बिसाइड नहीं है बात समझ आ रही है ये केमिकल हर्बिसाइड है ये माइको हर्बिसाइड नहीं है ये बात याद रखेंगे सिंपल है क्लियर हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़े डन है अगला क्वेश्चन बोलो अगला क्वेश्चन है क्लोरी म्यूरॉन इथाइल इज सूटेबल टू कंट्रोल बताओ ये हर्बिसाइड जो दिया है क्लोरी म्यूरॉन हर्बिसाइड जो है क्लोरी म्यूरॉन इथाइल ये हर्बिसाइड का यूज किस तरह के वीड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है या किस तरह के वीड को ये कंट्रोल करता है ब्रॉडलीफ वीड ग्रासेस सेज या नन ऑफ दीज बोलिए राइट आंसर क्या होगा फटाफट से आंसर करो सभी लोग बोलो Hmm. क्या आप क्या जीपी भी पढ़ाते हैं सर नहीं हम जीपी भी नहीं पढ़ाते हैं, हम हाँ हम जो पढ़ाते हैं वो आपको पता होगा आई थिंक हाँ चलिए ओके चलिए अगला क्वेश्चन हु इज नोन एज फादर ऑफ सेफ नर्स सेफ नर्स क्या होते हैं हमने आपको बताया था कि हर भी साइड की टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए जो जिस सब्सटेंस का हम यूज करते हैं दैट इज सेफनर ठीक है तो बताओ भैया सेफनर का यूज वो सेफनर के फादर कौन कहे जाते हैं फादर ऑफ सेफनर्स बोलो फादर ऑफ सेफनर्स बोलो फटाफट आंसर करो क्लियर हम्म एक क्वेश्चन स्किप हो गया हाँ तो ये अच्छा अच्छा ठीक है वैसे हम बाद में कर लेंगे ये देख लो पहले हाँ ये देख लो पहले हॉफमैन ड्यूक या दुर्गेशा या दुर्गेशा नन ऑफ दीज बोलिए हाँ अच्छा गजब लिखे हैं <laughs> एक तो तुम लोग शॉर्ट मत लिखा करो ये क्या है मतलब तुम लोग इतनी ज्यादा चैट करते हो क्या बताएं कि अब तुम लोगों को छोटी लैंग्वेज का यूज कर रहे तो पूरा लिखा करो तो जल्दी में पढ़ रहे हैं जीपीवी मुझे ऐसा लगा कि जीपीवी लिखा होगा है ना लास्ट बी था स्टार्टिंग में जी, जी था तो हमने कहा लास्ट बी बीच में पी होगा है ना महाराज तो यार हॉफ मैन तो ये क्या कहलाते हैं फादर ऑफ सेफनर हॉफ मैन ओके चलिए ठीक है ये क्वेश्चन ये भी छूट गया है क्यूजा, क्यूजा लो फोप क्यूजा लो फोप इथाइल इज सुटेबल टू कंट्रोल यानी कि सर्वी साइड का जो क्यूजालोफोप इथाइल है इस हर्बी साइड का यूज किस तरह के वीड को कंट्रोल करने में किया जाता है हाँ <laughs> एक तो देखो तुम लोग ये छोटी लैंग्वेज यूज मत यूज मत किया करो और रीज़न ये है कि देखो हम मैं थोड़ा जल्दी में पढ़ लेता हूँ मुझे लगता है कि यही होगा है ना हम मिक्स कर दिया ठीक है लेकिन क्वेश्चन सही से पढ़ा करो तुम है ना बाकी ये तो चेंज भी हो जाएगा ठीक है चलिए धन्यवाद वैसे है ना हाँ 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 थैंक यू नीलम ठीक है तो ये क्या हो जाएगा एनुअल ग्रास एनुअल ग्रासेस को कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं सर्विसाइड का यूज करते हैं सिंपल है उसमें जोलॉजी वोट नहीं आती देख सकते, हो, आ, देख सकते हो देख सकते हो देख सकते हो चलिए हो जाएगा ओके okay. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन ये हो गया है अगला क्वेश्चन देख लो फर्स्ट हर्बिसाइड प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड इज विश्व में बना पहला हरवी साइड बताइए कौन सा है विश्व में बना पहला हरवी साइड बोलो भाई विश्व में बना पहला हरवी साइड विश्व में पहला हरवी साइड कौन सा बना है टू फोर डी टू फोर फाइव टी एट्राजिन सिमाजिन बोलिए सही उत्तर क्या होगा हाँ आ, सर आर यू गोइंग overall subjects except एक्सेप्ट एग्रीकल्चर लाइक केमिस्ट्री फिजिक्स देखो मैं सिर्फ वीर साइंस पढ़ाऊंगा बाकी सारी फैकल्टी सारे सब्जेक्ट पढ़ाएगी एक एक करके जो जिस जो जिसका सब्जेक्ट है वो उसको डिलीवर करेगा बात सुन मै हम्म क्लियर है समझ में आ रहा है हाँ <laughs> चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है सेटन इज अ कॉमर्शियल नेम ऑफ विच हर साइड बताइए सेटन जो है हाँ बॉटनी जुलॉजी बॉटनी अकाश सर आई थिंक बॉटनी का कुछ पार्ट अकाश सर पढ़ाएंगे कुछ पार्ट संदीप सर पढ़ाएंगे वो सॉरी सुधांशु सर पढ़ाएंगे आपको और कुछ पार्ट जो है आ, ये दो दो लोग और प्रतिभा मैम भी कुछ पार्ट पढ़ाएंगे जिसमें सेल वगैरह आएगा हाँ ठीक है तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा बैंथियोकार फर्स्ट अरवी साइड टू फोर डी फर्स्ट अरवी साइड जो है वो टू फोर डी है ना और सुप्रतिम दास नाराज हो गए कह रहे आंसर बताया करो यार कैसी बातें कर रहे हो तुम आंसर भूल जाते हो आंसर तो भूल जाते हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम आंसर बताए हैं <laughs> चलिए ओके आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन बोलो लॉरेंथस लॉन्गी फ्लोरस लोरेंथस लॉन्गी फ्लोरस जो है वो एक स्टेम पैरासाइट है किसका लूसन का है मैंगो का है ऑरेंज का है या आ, क्या दिया है? लास्ट ऑप्शन मैंगो हाँ ठीक है मैंगो दो बार लिख गया कोई बात नहीं है लॉरेंथस लॉन्गी फ्लोरस बताओ भैया सही उत्तर क्या होगा इसका बंथियों का दे तो दिया हम्म हाँ अरे यादव जी यार यार नाराज ना हो यार थोड़ा सबर करो कभी कभी हमारे दिमाग में कच कुछ और बताने लगते हैं हम तो वो छूट जाती चीज हम स्किप कर देते हैं ठीक है हाँ आंसर बता देंगे अगर कोई छूट गया है आ, आ, ये तो मैंने बताई दिया है टू फोर डी है इसका और इसका हॉफमैन बताया था ठीक है और इसका बेंथियो कार्ब तो हमने बताया है चलिए ये बताना है आपको लूसन मैंगो हाँ चलिए तो मैंगो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है लोरेंथस लॉन्गी फ्लोरस लोरेंथस लॉन्गी फ्लोरस जो है वो एक क्या है एक सेमी स्टेम पैरासाइट है क्या है सेमी स्टेम पैरासाइट है जो स्टेम से क्या करता है न्यूट्रंट को एब्सोर्व करता है या स्टेम पे स्टेम इस, इस पर ही इसका अटैचमेंट रहता है बात समझ मारिये हा क्लियर इलेक्शन का रिजल्ट अच्छा <laughs> चलिए आगे बढ़े तो देखो पैरासिटिक वीड आप लोग जान लेना पैरासिटिक वीड क्या होते हैं इनके एग्जाम्पल क्या है ये पढ़ के जाना आप लोग ठीक है और मैं तो कहता हूँ सारे सिलेबस को ना एक बार अभी देखो कल एग्जाम है आप लोगों का ठीक है कुछ लोग तो ट्रेन से सफर करेंगे कुछ लोगों का पास में ही होगा ठीक है अब तो खैर मौका ज़्यादा नहीं है अब मैराथन ही आपका एक ऑप्शन है या आपने कोई एक शॉर्ट नोट बनाया हो आपने शॉर्ट में लिखा हो उसको नोट बनाया हो जो दो से तीन घंटे में या रिवाइज हो सके तो उसको भी रिवाइज कर लेना आप लोग क्योंकि नोट्स इसी लिए बनाए जाते हैं कि लास्ट समय में उन्हें आप रिवाइज कर सकें बात समझा रही नोट्स इसलिए नहीं बनाए जाते हैं कि लोग अच्छा सोचें मेरे बारे में लोगों को लगे कि मैं लिखता रहता हूं लोगों को लगे कि मैं अच्छा अच्छा नोट बनाता हूं तो इसलिए नोट्स नहीं बनाए जाते अच्छा लगने के लिए नहीं बनाए जाते ठीक है चलिए आगे बढ़ें चलिए क्वेश्चन तो यहीं तक है हाँ बाकी हम एक दो चीज़ें और रिवाइज़ कराएंगे ठीक है बाकी एक दो चीज़ें और रिवाइज़ कराएंगे आप लोगों को जाना कहीं नहीं है अभी सर आने वाले हैं आपके ठीक है इसके बाद आकाश सर पढ़ाएंगे आपको है ना हाँ बात सुन रही है <coughs> चलिए तो हम तो कुछ रिवाइज करा देते हैं पहले ठीक है हुँ. जैसे कि आपको पता होगा कुछ केमिकल्स के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि प्री इमरजेंस सर्विसाइड कौन से होते हैं पोस्ट इमरजेंस सर्विसाइड क्या होते हैं तो आपको याद रखना है भेजो आकाश सर को क्लियर तो देखो मैं बता दूंगा आपको जैसे प्री इमरजेंस पोस्ट इमरजेंस प्री प्लांट इनकार हरवी में एक बार डिस्कस कर लेते हैं आपको बने रहना है आप लोगों को जाना नहीं है आकाश सर आने वाले हैं रास्ते में है थोड़ा सा ठीक है तो देखिए प्री प्लांट इनकापरेटेड हर्बिसाइड क्या होते हैं ऐसे हर्बिसाइड जो सोइंग से पहले दिए जाते हैं सोइंग से पहले दिए जाते हैं या हम कह सकते हैं सोइंग के टाइम पे या सोइंग के एक दो दिन पहले हम अप्लाई कर देते हैं ये क्या कहलाते हैं प्री प्लांट इनकापरेटेड हर्बिसाइड या प्री प्लांटिंग हर्बिसाइड कहते हैं दैट क्लियर इसके बाद जो है इसके इसके बाद प्री इमरजेंस हर्बिसाइड प्री इमरजेंस सर्विस साइड जो है वो आ, क्या होते हैं सोइंग के बाद दिए जाते हैं एक दो दिन बाद हम अप्लाई करते हैं और क्रॉप और वीड के इमर्ज होने से पहले दिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके प्री इमरजेंस सर्विस साइड कहलाते हैं ठीक है पोस्ट इमरजेंस सर्विस साइड सोइंग के बाद दिए जाते हैं सो लगभग पंद्रह से तीस दिन बाद दिए जाते हैं ये क्या कहलाते हैं आपके पोस्ट इमरजेंस सर्विस साइड पोस्ट इमरजेंस का मतलब ही होता है वीड और क्रॉप के इमर्ज होने के बाद वीड और हाँ लॉरेंथसी हाँ लॉरेंथस अरे महाराज कह रहे हैं लॉरेंथस नहीं लॉरेंथस है वो सर हाँ हम तो अंधे हैं हमें तो पता ही नहीं लॉरेंथस होता है कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक भी होती है है ना ओ की जगह ये लिख गया है लेकिन तुम हैं तुम्हें तो ना मजा आता है अरे ग्री दिन गलती कर दी है फंसा दिया ना मैंने <laughs> इन सब में मतरा करो लॉरेंथस ही है वो है ना तो हमने पढ़ा लोरेंथस ही है ठीक है चलिए तो ये याद रखना प्री इमरजेंस पोस्ट इमरजेंस और प्री प्लांटिंग हर्बिसाइड क्या होते हैं इसके अलावा और नॉन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और भी याद रखना जैसे हर्बिसाइड हर्बिसाइड क्या होते हैं रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी होती है प्लांट में बहुत कम मोबाइल होते हैं तो जिस प्लांट पार्ट पे हम डालते हैं उसी पे पड़े रहते हैं ये तो हमें क्या करना पड़ता है जब भी हम कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड अप्लाई करेंगे तो पूरे प्लांट पार्ट को हमें वेट करना पड़ता है भिगोना पड़ता है बात समझ सुनमारी हाँ बात चलिए और कुछ किसी को कुछ जानना है हाँ चलिए ठीक है और कुछ किसी का को कोई सवाल है सर एग्जाम्पल देखो जित प्री पीपीआई के एग्जाम्पल जैसे कि आपका पीपीआई का एग्जाम्पल हो गया फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो

क्या हो गया वाहन का वो वाहन पंक्चर हो गया बाहर खड़ा है <laughs> खिंच के लाना पड़ा है <laughs> चलिए कोई बात नहीं है ठीक है सर संभालो आप बिल्कुल 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 थैंक okay. यू सम्भाल <laughs> पता नहीं इन लोगों ने ही बोल दिया होगा अरे सर लेट हो जाए वो नहीं हुँ. पहले हम लोग को, कोशिश करते थे कॉलेज में कि मैथ वाले सर लेट हो जाए मैथ वाले सर एक घंटा निकल जाए बात खत्म ये ऊपर नहीं होगी क्या चलो yes, देखो अब आप जो आप आपको मैं बताने वाला हूं तो बॉटनी आपकी दो पार्ट में डिवाइड है कुछ आपको खुद भी करवाएंगे रिस्पर फोटोसेंसिस वाला पोर्शन और मैं जो आपको करवाऊंगा वो टिश्यू वाला थोड़ा पोर्शन और सेल वाला पोर्शन ठीक है ये पोर्शन आपको करवा दिया जाएगा हाँ गुड मॉर्निंग ओके चलिए शुरू आ, शुरू करते हैं हाँ कभी कभी नहीं जब जल्दी में होते हैं, तब लेट होने के चांस होते हैं। नहीं। चलो समय से पहुंच गए लेकिन बार खड़ी है सर <laughs> चलिए तो सेल मेम्रेन जो होती है मेनली किसकी बनी होती है जैसे कि आपको पता है कि आ, जो हमारी बॉडी है ठीक है वो बहुत जी जो सेल हैं वो सेल जब बहुत सी से सेल एक साथ आती हैं तो वो क्या बनाती हैं टिश्यू का निर्माण करती हैं ठीक है ठीके? और जब बहुत सी से सेल टिश्यू का निर्माण करती हैं ठीक है ठीके? तो वही जब बहुत से टिश्यू मिलते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लेते हैं ठीक है ठीके? तो इस तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी या किसी प्लांट की बॉडी बन जाती है ठीक सेल मेनली क्या होती हैं दो प्रकार की होती हैं पहली होती है प्लांट सेल और दूसरी होती है एनिमल सेल हम लोग मेनली जो पढ़ने वाले हैं वो प्लांट सेल पढ़ने वाले हैं ठीक है एनिमल सेल के बारे में ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे वो आपको जूलॉजी वाले प्रश्न में थोड़ा बहुत बताया जाएगा ठीक यहाँ पर जब तक आप आंसर दीजिए तब तक तो तो मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूँ नहीं तो फिर काफी फर्जी डायरेक्ट स्टार्ट कर दिए बेसिक लगता है आपने पेन भी सिलेक्ट नहीं किया था सर बिना के पढ़ा दिया आज इज <laughs> बहुत रेयर होता है देखो मिली अगर आपको बताएंगे तो देखो ये दो प्रकार की आपकी सेल होती हैं ठीक है पहली हमारी कौन सी है प्लांट सेल है और दूसरी हमारी कौन सी है एनिमल सेल है हल्का सा आप अगर अंतर जान लोगे तब भी आपका काम चल जाएगा देखिए जो हमारी प्लांट सेल होती है उसमें आपको देखना बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं यानी कि जो वैक्यूल्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं तो वैक्यूल्स काफी बड़े बड़े होते हैं एनिमल सेल में वैक्यूल ना के बराबर होते हैं या बहुत ही इंसिपियट वैक्यूल्स पाए जाते हैं बहुत ही मतलब छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं ठीक है इन वैक्यूल्स का काम का क्या होता है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था से दो क्वेश्चन आते हैं पहला क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि वैक्यूल्स की जो वॉल होती है उसे क्या बोलते हैं तो वैक्यूल्स की जो वॉल होती है उसे हम टोनोप्राफ्ट बोलते हैं और ये टोनोप्राफ्ट भी एग्जाम में पूछा गया है ठीक है दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था <laughs> वो पूछा गया था कि जो हमारी वैक्यूल्स होती है उसका काम क्या होता है वैक्यूल्स का मेनली काम होता है ठीक है विक्यूल्स का मेनली काम क्या होता है कि ये भोजन को संग्रह करने का काम करती हैं और भोजन संग्रह के साथ साथ ये एक काम और करती हैं ये वाटर को रेगुलेट करती हैं यानी कि आपकी बॉडी के अंदर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है या प्लांट के अंदर साठ से सत्तर परसेंट तक पानी होता है कुछ जैसे कि वाटर मेलन है कुकुम्बर है इनमें नाइन्टी सेवन परसेंट तक पानी होता है वाटर मेलन में नाइन्टी थ्री परसेंट होता है अब नब्बे परसेंट से ज़्यादा मात्रा में पानी ही है तो ये पानी कहाँ है अथवा तो होता नहीं है कि आपने ऐसे ही जैसे ही कुकम्बर को काटा उसमें भल बल भलबल पानी पड़ा ठीक है कि हाँ अगर एक किलो कोकोमल ले लिया तो उसमें जो है एक किलो एक लीटर पानी आ गया ऐसा नहीं होता है तो पानी जो है उनके अंदर वैक्यूल्स होती हैं उन वैक्यूल्स के अंदर जो है पानी रहता है ठीक है सिंपल सी बात है चलिए तो याद रखिएगा अच्छा आपसे एक और प्रश्न पूछ सकता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न क्या पूछ सकता है कि भैया जी एक बात बताइए कि जो प्लांट सेल होती है उनमें क्या होता है प्लांट सेल के अंदर माइट्रोकंडिया वेल डेवलप्ड होता है इनके अंदर डेवलप्ड होता है प्लांट सेल के अंदर क्या होता है क्लोरोप्लास्ट होता है ठीक है एनिमल सेल के अंदर क्या होता है क्लोरोप्लास्ट की मात्रा नहीं पाई जाती है ठीक तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि एनिमल सेल के अंदर क्या होता है और प्लांट सेल के अंदर क्या होता है ठीक है ये क्वेश्चन क्लियरली एग्जाम में पूछ सकता है ठीक एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो ये है कि एनिमल सेल के अंदर जो है वो फेंट्रोसोम पाया जाता है सेंट्रोसोम क्या होता है तारक का तारक का काम क्या का होता है ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है मेनली जो सेल तेजी से डिवाइड होती है वो कौन सी होती है वो हमारी एनिमल सेल की सेल तेजी पर डिवाइड होती है डिवाइडिजन का हम एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे कि आपसे मुझे एक बात बताओ जैसे कि कोई प्लांट है अगर उसको आप किसी छुरी से हल्का सा चीरा लगा दो उसके किसी पार्ट को काट दो ठीक है जो ट्रंक वाला पार्ट है औ, और किसी मनुष्य के या किसी एनिमल के किसी पार्ट को हल्के से तो छील दो उगली छील दो हल्की सी आप देखना ना कि एनिमल का जो घायल वाला उतक है वो जल्दी भर जाएगा एज कंपेरिजन टू प्लांट क्यों क्योंकि एनिमल के अंदर क्या है सेल डिवीजन तेजी से होता है जब सेल डिवीज़न तेज़ी से होता है क्यों क्योंकि उनके अंदर काय होता है ठीक है एनिमल के अंदर दिमाग के अंदर यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है हमारे दिमाग के अंदर सेल डिवीज़न नहीं पाया जाता है मतलब तो नहीं होता है क्यों क्योंकि वहाँ पर तारक का नहीं होता है ठीक है सेंट्रोसोम से हो ऑब्सेंट होता है इसीलिए दिमाग की सेल जो होती है वो तेज़ी से डिवाइड नहीं होती है ठीक है अच्छा आपने सुना होगा कि देखो अगर दिमाग पे कोई चोट लग जाए तो वो इजीली ठीक नहीं होती आई बात आपने ध्यान दी है अगर आपके दिमाग पे कोई चोट लग जाएगी तो वो इजीली ठीक नहीं होती है ठीक लोग कहते हैं यहाँ पर मत मारा करो ठीक है जब बचपन में कोई टीप मार देता खींच के तो यहाँ मत मारो बाकी हमारे यहाँ पर दिमाग होता है तो दिमाग पर अगर छोटा सा भी घाव लगे वो जल्दी ठीक नहीं होगा जल्दी कम ठीक ही नहीं होगा ठीक बाकी बॉडी के कहीं भी कोई पार्ट लग जाएगा वो ठीक हो जाएगा क्यों क्योंकि दिमाग पर सेंट्रोसोम नहीं होता फिर भी आपने एक और बात सुनी होगी वो ये सुनी होगी कि हमारे ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है दिया आपने ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है तो ब्रेन में ट्यूमर क्यों होता है ठीक है ट्यूमर का मतलब क्या है आ, कि जो सेल डिवाइड है वो अगर बहुत तेजी से हो जाए हाइपरप्लासिया हो जाए कि सेल जो है बहुत तेज़ी से डिवाइड हो जाए और अगर सेल बहुत तेज़ी से डिवाइड हो जाएंगी तब उसे हम क्या बोल देंगे तो उसे हम ट्यूमर बोल देते हैं ठीक है वही कैंसर को कॉल कर देते हैं आगे चल के है ना अब प्ला अब ह्यूमन के अंदर या मान किसी एनिमल के अंदर के जो दिमाग है उस दिमाग में कहीं भी सेंट्रोसोम तो होता नहीं है तो सेंट्रोसोम होता नहीं है तो सेल डिवाइड कैसे हो जाती है तो इसका भी आंसर सुन लो कि जो हमारा दिमाग है उसकी जो

कार्बोहाइड्रेट एंड फाफोलिप्यूट ठीक है यानी कि कंबाइंड इसका आंसर है आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन अगला है रफ एंडो प्लाजमिक रेटिकुलम मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉरफ एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये मेनली किससे बनी होती है प्रोटीन सिंथेसिस से सेल्वॉल फॉर्मेशन से लिपिड सिंथेसिस से या कोलेस्ट कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस से फटाफट बताइए हाँ फटाफट बताइए भाई सेशन को लाइक करते रहिए और देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है आपको ऐसे प्रश्न एग्जाम में एजिटिव देखने को मिलने वाले हैं अगर आप चाहते हो चीज़ें आपके लिए मेंटेन रहें क्लियर रहें तो आपको समय से इस क्लास को देखना पड़ेगा ठीक है एकदम आपके अंदर वो मेंटेन रखना पड़ेगा तो भाई देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये क्या काम करती हैं तो आपका एंसर सभी का ए आ रहा है बिल्कुल से अमृता सोनाली कंचन आ, अर्जु हाँ ये मैंने करवा भी होंगे देखो अब मैंने आपको बेसिक पॉइंट अगर पता है तो पता होगा आपको कि जो हमारी पूरी सेल है उसमें जो एक पूरी जालिका जैसा फैला रहता है ठीक है पूरी जालिका जैसा यानी कोशिका का जो पूरा कंकाल होता है वो कंकाल क्या होता है वो तो पूरा कंकाल होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये दो प्रकार का होता है पहला होता है रफ रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूद reticulum. क्या होता है? Reticulum और होता है 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 और दूसरा ठीक जो रफ रेटिकुलम होता है ठीक है बेटा धीरे लेकिन आपके अंदर मेंटेन रहे तो हम धीरे भी बोल लेंगे ठीक है हाँ अब देखो जो रफ रेटिकुलम होता है वो क्या काम करता है और जो स्मूद एंडोप्लाज्मिक होता है वो क्या काम करता है रफ के ऊपर रफ क्यों होता है क्योंकि रफ के ऊपर आपको छोटे छोटे क्या मिलेंगे राइबोसोम्स मिलेंगे तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होता है राइबोसोम्स पाए जाते हैं ठीक क्या होता है बच्चों राइबोसोम्स होते हैं और ये राइबोसोम्स का मेन काम क्या होता है इन्हीं राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना ठीक है क्या होता है भाई प्रोटीन का निर्माण करना तो प्रोटीन के फॉर्मेशन का काम कौन करते हैं यही राइबोसोम्स करते हैं बहुत सिंपल सी बात याद रखना ठीक है अच्छा तो जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं तो उस पर्टिकुलर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या हो गया प्रोटीन को सिंथेसिस करना और जो स्मूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो निर्माण करती है लिपिड्स का क्या करती है भाई लिपिड्स का निर्माण करती है तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बताइए भाई कि स्मूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है Rough endo, का काम क्या होता है? तो ये दोनों बातें आपको क्लियर हो जाएंगी ठीक है ठीक है इसमें इसमें होते होते हैं, हाँ, इसमें special divisions होते हैं, ठीक का, है? काफी कम होते हैं जैसे कभी कभी सेल क्या करती है अपने जो टिश्यूज वाले पार्ट होते हैं जो बाउंड को हील करते हैं उनसे धीरे धीरे अपने पार्ट्स को uh, आ, हील करने लगती है ठीक है हाँ. अब देखो

देखो अब एक गोल्जी का काम करते हैं गोलजी बॉडी का मेन काम क्या होता है वो समझिएगा उसका काम ये होता है कि ये पैकेजिंग का काम करते हैं क्या करते हैं भाई ये पैकेजिंग का काम करते हैं ठीक जिससे कि क्या होता है कि जब आ, कोई भी टिश्यू हमारा वाउंड हो जाता है ठीक है तो वहाँ पर जो न्यूट्रिशन है या कह सकते हैं वहाँ पर जो एनर्जी है वो पहुँचाने का काम कौन करता है गोलजी बॉडी करता है आप क्लास तो हॉर्टिकल्चर की लेते हैं सर लेके क्वेश्चन बेटा ये जेनेटिक्स का नहीं है बॉटनी के क्वेश्चन है लगता है आपने सी डब्ल्यू सी का आ, वो नहीं देखा तो अगर आपने सी डब्ल्यू सी का वो देखा है तो आपको ये भी पता होगा कि उसमें बॉटनी आती है ठीक है इसीलिए सिलेबस देख के क्लास किया करो बिना सिलेबस देख के क्लास मत किया करो इससे क्या होगा कि आपकी जो अन अवेयरनेस है वो शो हो जाती है और जब आप बॉटनी में जाओगे तो बॉटनी में आपको सेल पोर्शन मिलेगा बॉटनी में आपको टिश्यू पोर्शन मिलेगा आपने ये पढ़ा ही नहीं है और आपको ये लगता है ये जेनेटिक्स का पार्ट है ना ये बॉटनी का पार्ट है पापचे चीज और बॉटनी और जूलॉजी से ही मिलती है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग ठीक है अगर आपको ये बेसिक जानकारी होती तो आप यहाँ पर अपरिचित नहीं होते ठीक है इसीलिए सिलेबस देख के पढ़ना स्टार्ट करो अब तो चलो अब कल एग्जाम ही है तो कोई बात ही नहीं लेकिन सिलेबस देख के पढ़ा करो ठीक है इससे आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा है ना बिना सिलेबस देखे नहीं पढ़ा जाता है उसे दिक्कत हो जाती है ठीक है क्लियर है हाँ सिलेबस देखा करो पॉइंट क्लियर हो गया तो यहां से कभी यहा क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है माइट्रोकॉडिया जो है डीएनए कैसा होता है बताइए सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड या ऑल ऑफ दी ठीक है तो डीएनए जो है अलग अलग प्लांट में अलग अलग होता है इसे क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अब सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड होता है आगे देखो गोल्जी गोलजी फ्रॉम अब ये बताइए गोल्जी है ये कहां से ओरिजिन होते हैं बताइए गोल्जी ओरिजिन कहां से होते हैं ठीक है हॉर्टिकल्चर के लिए मैंने आपको पहले बताया है हॉर्टिकल्चर के लिए मैंने फाइव डेज चैलेंज लेके आया हूँ तो आपकी जो हॉर्टिकल्चर देखो ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास चालीस मिनट यहाँ पर है अब चालीस मिनट में आपको सब कुछ रिवाइज करा दूँ हॉर्टिकल्चर भी रिवाइज करा दूँ ठीक है ये भी रिवाइज करा दूँ तो हॉर्टिकल्चर के लिए सात बजे आज क्लास होगी रैपिड फायर रिविजन सात बजे ठीक है तो ऐसा हो जाएगा कि मैंने उसकी पाँच क्लास ली हॉर्टिकल्चर कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो एक क्लास में रिवाइज हो जाए ठीक है हाँ तो आपको समझना पड़ेगा तो हॉर्टिकल्चर के लिए सात बजे ऑलरेडी क्लास चल रही है आपने अगर उसको नहीं देखा तो आपकी गलती है ठीक है और मैं आज से नहीं जब से आपका सी डब्ल्यू सी का एग्जाम की डेट आई है तब से करवा रहा हूँ चार क्लास हो चुकी है पांचवी क्लास संडे को भी होगी ठीक है सात बजे होती है रैपिड फायर रिविज़न जो बच्चे देखते हैं जरा बताएंगे ठीक है तो वहां पर कंप्लीट रिविज़न हो रहा है और यहाँ पर आपका बॉटनी का हो रहा है ताकि आपको दोनों चीज़ें मिल जाए और समय से मिल जाएँ समझे बेटा चलो तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेरी गुड क्या हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छा अब देखो यहाँ पर एक काम और समझना पड़ेगा हमें जैसे कि अब यहाँ पर यह माइट्रोकांडिया है अब ये माइट्रोकांडिया कैसे वर्क करेगा देखो हमारी बॉडी के अंदर ठीक है ये हमारा क्या है माइट्रोकांडिया और ये माइट्रोकांडिया जो है ठीक है ये क्या है डबल स्टैंडर्ड है ठीक है तो माइट्रोकांडिया क्या है पहली बात तो ये है सबसे बड़ी बात कि इसमें डबल लेयर होती है ठीक है डबल लेयर होती है इस इस लेयर को बोलते हैं आउटर लेयर इसे बोलते हैं है? इनर लेयर क्या बोलते हैं इनर लेयर बोलते हैं अब आउटर और इनर के बीच में जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस तो आपसे यह भी क्वेश्चन एग्जाम में एक बार आया था कि भाई इनर और आउटर लेयर इनर लेयर और आउटर लेयर इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस को क्या बोलते हैं तो उस स्पेस को बोलते हैं पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस क्या बोलते हैं बच्चों पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस बोल देते हैं पॉइंट भी आपको बता होना चाहिए फिर यहाँ पर आपको यह, यहाँ से एग्जाम में आता है कि माट्रोक के अंदर जो उंगली के आकार की संरचना है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है या जो खांचे होते हैं ठीक है उन्हें क्या बोलते हैं तो उन्हें हम क्रिस्टी बोल देते हैं क्या बोलते हैं क्रिस्टी बोलते हैं और इनर लेयर पे ही ठीक है आपको एक स्पेशल स्ट्रक्चर मिलेगा वो स्पेशल स्ट्रक्चर क्या होगा इनर लेयर पे वो आपको एक स्पेशल स्ट्रक्चर मिलेगा और वो स्पेशल स्ट्रक्चर जो है उसे हम क्या बोल देंगे वो होगा एफ वन एफ जीरो ऑक्सी तो एफ वन एफ जीरो ऑक्सीसोम होगा अब ये एफ वन एफ जीरो ऑक्सीसोम क्या करता है समझो एफ वन एफ जीरो ऑक्सीसोम जो है ये मेनली सिंथेसाइज करता है ए टी पी और ए डी पी क्या करता है ए टी पी और ए डी पी करता है यानी कि एंडोसिन ट्राईफॉसफेट और डाइफॉसफेट और ये जो ये हैं इन्हें हम बोलते हैं एनर्जी क्वाइंस ये भी एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि इन्हें क्या बोलते हैं इन्हें हम एनर्जी क्वाइंस बोलते हैं और एनर्जी क्वाइंस क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को ट्रांसफर करते रहते हैं इसीलिए माइट्रोकांडिया को क्या कहा जाता है माइट्रोकांडिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है कि जो पूरी सेल है उसका पावर हाउस क्या है तो माइट्रोकांडिया जो है ये पूरी सेल का पावर हाउस है तो ये क्या है पावर हाउस ऑफ द सन क्या है बाबू पावर हाउस ऑफ द सन तो सल का जो पावर हाउस है वो क्या है वो हमारा माइट्रोकॉडिया है अब एक और क्वेश्चन माइट्रोकॉडिया से बनता है इसके साइंटिस्ट के बारे में आपने अगर कोई एग्जाम दिया हो तो आपको माइट्रोकांडिया के साइंटिस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे याद करोगे देखो इनके तीन साइंटिस्ट हैं जैसे कि अब ये पावर हाउस है तो ये जनरेटर है तरीके देखा जाए ठीक है जनरेटर है इंजन जनरेटर जन्ने... है

हाँ तो कितने केवे का जनरेटर है ठीक है तो कोलिकर वेंडा और अल्टाम यहाँ से प्रश्न बन सकता है अच्छा अब मुझे एक बात बताओ अब यहाँ पर हमने गोल्जी बॉडी लिखा हुआ है जो पैकेजिंग का काम कर रहा है जो कि एंडो प्लाजमी रेटिकुलम से जनरेट करवाया गया अब मेरी बात समझ लो बहुत ध्यान से समझो अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे हालांकि ये पॉसिबल नहीं होता कि चालीस मिनट में कॉन्सेप्ट समझा दिया जाए ठीक है लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा आप धैर्यपूर्वक बैठ के कोशिश करना सुनने की तो आपको और अच्छा लगेगा देखिए अब जैसे एक बात बताओ मैंने आपको हमेशा एग्जाम्पल दिया है कि इस समय मैं बोल रहा हूँ आप देखना कि जब आप बहुत तेज तेज बोलते रहते हो तो आपको हल्की हल्की थकावट होने लगती है आप इसको अपने में रिलेट करिए ठीक है ठेके? आप बहुत देर देर से बोल रहे हो आपका ये जबड़े दर्द करने लगेंगे आपको थकावट होती रहेगी लेकिन अगर बीच बीच में आप पानी पीते रहो पानी पी लो बहुत लोग क्या करते हैं गुड़ खा लेते हैं ठीक है ऐसी कुछ चीज़ आप आ, हर पंद्रह बीस मिनट में खा लो ठीक है तो आप देखना आपको थकावट नहीं होगी ऐसा आपने महसूस किया है बिल्कुल महसूस किया होगा अब होता क्या है देखो हम यहाँ पर अभी बोल रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो बिजी ऑर्गन है वो हमारी जीव है जीव फटाफट 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 जो है वोबलरी क्रिएट कर रही है ठीक है मस्तिष्क आइडिया दे रहा है और दिमाग और जीव ये सबसे ज्यादा इसमें बिजी पार्ट है क्योंकि कुछ पीपीटी को तो है नहीं कि पीपीटी देख के पढ़ दूँ वो भी दिमाग काम कर रहा है लेकिन अभी याद करना पड़ रहा है तो हो क्या रहा है कि जीव बहुत ज्यादा तेज काम कर रही है अब जीव इतना तेज काम कर रही है लेकिन जीव जीव के जो माइट्रोकांडिया है वो इतना तेज एनर्जी नहीं बना पा रहे हैं सिंपल सी बात है जीव के बाटरकोंडिया जो है इतना तेज़ एनर्जी बना नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम कोई पानी नहीं पानी भी नहीं पी रहे ना ही अभी कोई नाश्ता करके आए ठीक है ताकि यहाँ पर मामला ए, ए, एक्टिव रहो ठीक अच्छा अब हो क्या रहा है तो जब हमारी बॉडी के जो अन्य पार्ट है जो एकदम खाली बैठे हैं उन उनमें वो भी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं अब वो जो एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं ठीक है वो एनर्जी उनके यूटिलाइजेशन में काम नहीं आ रही है ठीक है तो जो एनर्जी बच जा रही है वो गालजी बॉडी के द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए मेरी जीव तक पहुँच रही है गोलजी बॉडी के द्वारा ठीक है वो हमारी जीप तक पहुंच रही है भाई जो भी जिस पार्ट को एनर्जी ज़्यादा चाहिए ठीक है उस पार्ट पर गालजी बॉडी फटाफट एनर्जी पहुंचाने लगता है एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लगातार बोलते बोलते थक जाएंगे और हम बैठ जाएंगे जब हम बैठ जाएंगे ठीक तब तो आप देखना बैठ के भी काफ़ी लंबे समय तक पढ़ा सकेंगे ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है जब हम बैठ जाएंगे और लगातार पढ़ाते रहेंगे तो जब बैठने पे क्या होगा कि हमारी पैर ठीक है हमारे पंजे इनके माइट्रोकॉन्डिया जो है इनको अब एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी पर ये एनर्जी तो बनाएंगे ही फिर जब ये एनर्जी बनाएंगे तो ऊर्जा के सिक्के जो है गोल्जी बॉडी के अंदर डाल के ये हमारे जीव को भेजते रहेंगे तो हम और थोड़ी देर तक बोल पाएंगे ठीक क्लियर बात है तो ये सब काम जो है गोल्जी बॉडी कर रहा है यानी कि पैकेजिंग का ट्रांसफर का काम करता है साथ ही साथ गोल्जी बॉडी जो है बॉडी के अंदर एक बनाने का काम भी करता है देखो अगर आप एनर्जी को बहुत वेस्ट ना करें मैं आपको बताता अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो एकदम शांत रहता है एनर्जी को वेस्ट नहीं करता है उसके अंदर सबसे मेन चीज यह है कि स्पर्म फार्मेशन तेजी से होता है क्योंकि ये एकम पर निर्माण तेजी से करते हैं गोल्जी बॉडी जो है इनका एक मेजर रोल प्ले होता है स्पर्म फार्मेशन में ठीक है और लेडीज में उनके जो ऑर्गन्स हैं है ना उनमें जो चीज़ें हैं उनको निभाड़ करने मुझे एक्जेक्ट याद नहीं आ रही लेकिन एक्रोसोन एक निर्माण में मेनली रोल प्ले कौन करता है गोल्जी बॉडी करता है तो जो लोग बहुत शांत रहते हैं मेडिटेट करते रहते हैं उनके अंदर एनर्जी तो बनती रहती है ठीक है लेकिन वो एक फॉर्म में तब्दील होती रहती है ठीक है और आपको ऊर्जा का अनुभव होता रहता है ठीक है और जो कि आपके अंदर विटामिन ई को सिंथसाइज तेजी से कर लेता है और जब विटामिन ई तेजी से सिंथसाइज हो जाती है तो आपके अंदर कभी भी मेल स्टेलिटी का मेल स्टेलिटी जैसी समस्या नहीं होगी साथ ही साथ आपकी ब्यूटी इंप्रूव होना स्टार्ट होती है ये बहुत बड़ी बात है ब्यूटी इंप्रूव होना स्टार्ट

ठीक है अच्छा इसकी जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी वो कैमिलो गालजी ने इसकी डिस्कवरी की थी ठीक है अच्छा न्यूक्लियस क्या काम करता है न्यूक्लियस क्या है ये दिमाग है ये सेल के अंदर का दिमाग है हमारे पूरे बॉडी का दिमाग दिमाग है लेकिन सेल का जो कंट्रोलर है वो कौन है न्यूक्लियस है और इसका जो है एक मैनेजर होता है मतलब इसका जो है एक असिस्टेंट होता है वो कौन है न्यूक्लियस का एक असिस्टेंट है जिसका नाम है लाइसोसोम्स अब ये भी बड़ा अच्छी चीज है समझना पड़ेगा आपने लाइसोसोम के बारे में सुना तो बहुत होगा आपने ये भी सुना होगा कि लाइसोसोम क्या करता है आत्महत्या की थैली होता है क्या कर रहा है आत्महत्या की थैली खुद को फाड़ देता है तो समझो मेरी बात को देखो लाइसोसोम्स क्या करता है लाइसोसोम क्या करता है देखो न्यूक्लियस जो है इसका एक चेला है मतलब इसका जो है एक असिस्टेंट है जिसका नाम है लाइसोसोम्स आप ऐसे कहानी के रूप में समझना ये क्या करेगा न्यूक्लियस क्या करता है ये पूरी सेल को कंट्रोल करने का काम करता है ठीक है हाँ हाँ अब जैसे ही न्यूक्लियस पूरी बॉडी कंट्रोल करेगा लेकिन भाई ब्रांच बांट देगा तो लाइसोसोम्स को एक काम देता है न्यूक्लियस वो तो ये काम है कि तुम सभी सेल सभी सेल ऑर्गनली पर नजर रखो कि भाई हर व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से कर रहा है कि नहीं कर रहा है ठीक है हाँ तो अब मेरी बात समझो ठीक है अब मेरी बात समझो हाँ, जितने आप सेशन बाद में देख लेना यह सभी जो चीजें हैं ये सभी आपके एग्जाम में आती हैं ये एक क्वेश्चन नहीं है एक दो तीन चार 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 क्वेश्चन समझा रहे हैं ठीक अगर आप उसी ट्रेडी पर है तो आप बाद में देख लेना ठीक है अभी मुझे पढ़ाना तो, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें निपटाई नहीं जा सकती अब देखो न्यूक्लियस क्या, क्या क्या करे क्या करेगा लाइसोसोम को काम दे दिया लाइसोसोम जो है ये रेगुलेट कर रहा है सभी सेल्स को कि देख रहा है भाई तुम काम कर रहे नहीं कर रहे हो कभी कभी क्या होता है कि जो लोग जो लोग जो है खाना नहीं खा रहे हैं उनके अंदर एनर्जी नहीं बनती है एनर्जी होती नहीं है तो मतलब कार्बोहाइड्रेट है नहीं कार्बोहाइड्रेट है नहीं तो माइट्रोकंड एनर्जी बनाएगा कैसे तो माइट्रोकॉन्डी काम नहीं करता है ठीक है और जब माइट्रोक काम नहीं करेगा तो लाइसोसोम क्या करेगा काम करने को फोकस करेगा वो काम नहीं कर पाएगा तो वो अपने अंदर इसके अंदर होता है हार्डोलिटिक एंजाइम ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ठीक है हार्डोलिटिक एंजाइम जो है वो क्या काम करता है हार्डोटिक एंजाइम जो है वो सभी सेल को प, पचा लेता है ठीक इसीलिए लाइसोसोम्स को क्या बोल देते हैं हम लोग आत्महत्या की थैली बोल देते हैं और इसके अंदर जो एंजाइम होता है वो हार्डोलिटिक एंजाइम होता है उसका पी कितना होता है फोर या फाइव के आसपास पास पीएच होता है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है ठीक तो ये मल्टीपल क्वेश्चन है जहाँ मैं क्वेश्चन आपको कभी क्वेश्चन आया हूँ पर यह सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जरूरी है क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो न्यूक्लियस का काम भी पता लग गया न्यूक्लियस की खोज किसने की थी थीर्ट ब्राउन ने की थी ठीक है ऑर्किड की जड़ों में की थी यह भी क्वेश्चन की रॉबर्ट हुक ने की थी क्वेश्चन तो जो मैंने आपको बता दिया आगे देखो विच आर दी फॉलोइंग प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड शेप टू द सेल अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है तो आप इसका आंसर बहुत ध्यान है हाँ तो आप इसका आंसर जो है ध्यान में दे दो फटाफट बोलो ठीक है भाई एक्सप्लेनेशन मत करो ठीक है भाई ठीक है ये एक्सप्लेनेशन वैसे नहीं था ये क्या था ये आपको जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये सभी क्वेश्चन थे जैसे कि अभी मैंने आपको पढ़ाया ये वही क्वेश्चन का आंसर है आप दे सकते हैं ठीक है लेकिन भैया आप लोगों को आदत पड़ गई है कि हमको पचास क्वेश्चन करा दो उसी में से फंस जाएगा हम ले दे देंगे पचास क्वेश्चन मेरे पास नहीं है ना ही पचास क्वेश्चन मैं उस चीज़ पर बिलीव करता रखता हूँ ठीक है चलिए कर लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल ठीक है हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा अब इसका आंसर बहुत लोग बी दे रहे हैं पता नहीं क्यों बी दे रहे हैं अब देखो बी आंसर क्यों आ रहा है भाई मैकेनिकल सपोर्ट तो इसका का कंकाल कौन है कौन है भैया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हाँ ठीक है चलो पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोलते हैं अब देखो ये अभी मैंने बताया है अब अगर आपको आता है तो आप दे फिर बोलिए अगर आपको आता है तो आप इसका आंसर जरूर दे देंगे बताइए भाई हाँ बिल्कुल हाँ बात मान ली हमने आपकी और बात मान ली ठीक है इसका आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा डोंट वरी ठीक है क्योंकि तो आप सभी को लगता है ना हाँ अब अ, अगर आपने अभी ध्यान से सुना है तो आप इसका आंसर धन से दे देंगे नहीं सुना है तो नहीं दे पाएंगे हाँ इससे पी डी नहीं मिलेगा आप हाँ नहीं मिलेगा बेटा ठीक है चलिए आंसर क्या रहेगा माइट्रोकॉंडिया तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलते हैं माइट्रोकॉंडिया का बोल देते हैं आगे देख एंजाइम एंजाइमिटी फाउंड इन दिस चालू कर अगर पता है तो आंसर दे दोगे अब आपको पता ही नहीं आडोलिटिक एंजाइम किस में होता है लट्टा लगाओगे क्लियर है लेकिन आपके अंदर आपको लगता है कि नहीं आप अभी पढ़ना स्टार्ट किए हो हम तीन चार साल से पढ़ा रहे हैं हमें पता है कि ये चीज मैं पहले पढ़ा देंगे ना तो आपको क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा अब इस क्वेश्चन में पाँच मिनट अगर निकालूँ तो आपको लगेगा करवा चुका हूँ ठीक है तो रिजल्ट आएगा जितेंद्र तो मुझे अपना रिजल्ट जरूर भेजना ठीक है बेटा अब अभी पढ़ाया मैंने अब अभी आप गलत नहीं करोगे क्योंकि आपको पता है उसके पीछे की कहानी क्या है छोटी तो सी कहानी पर रहेगा लाइसोसोम्स विच ऑफ सेल ऑरगेली रिलीज ऑक्सीजन कौन सी सेल ऑर्गनली ऐसी है ठीक उस है उसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है बताइए

देखो मैं मुझे कोई समस्या नहीं जब कोई एक बच्चा लिखता है ना मुझे मुझे उसकी वैल्यू रखनी पड़ती है है ना कि भाई वो बच्चा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है दूसरी चीज़ ये है कि फिर उस समय और कोई नहीं बोलता तो मुझे लगता है फायदो बच्चा सही कह रहा है आप लोग नहीं बोल पा रहे हैं ना बाकी मेरा चार साल का एक्सपीरियंस है मुझे पता है कि जो चीज़ मैं आधे घंटे में करा देता हूँ उससे पूरे पूरे क्वेश्चन फंस जाते हैं उसका रीज़न है कि मुझे पता है ये चीज़ ऐसे पढ़ानी है ठीक है कभी कभी आपको लगता है कि नहीं आपको सही सही लग रहा है ओके okay. आप सभी आंसर गलत हैं क्यों सही है देखिए है ये मेनली किससे बनता है ये मेली टिब्यूल से बनता है ठीक है रफ रेटिकुलम जो है है ठीक वो मेनली आपके वेसल से बनता है और पूरी जो रेटिकुलम है वो बनता है सिस्टोल वेसल्स से ठीक है अब ये चीजें आप क्लियर रखनी पड़ेंगी देखो अब ये क्वेश्चन आपको बिना अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो दिक्कत कर देगी कैसे कर देगी स्मूथ स्मूद एंडोबायोनेटिकलम जो है ये वेसल वेसल से नहीं बल्कि इसमें इसके फॉर्मेशन में मेनली काम आता है किसका टिब्यूल्स का काम आता है ठीक है सिंपल सी बात है और जो कंप्लीट एंडोबायटिकलम है वो उसमें फॉर्मेशन में काम आता है सिस्टन टिब्यूल्स और वेसल्स ठीक तो यहां पर जो स्मूद एंडोबायोलेटिकलम है वो मेनली किससे बनेगा वो बनेगा टिब्यूल्स से और टिब्यूल्स ही हेल्प करते हैं किसके फॉर्मेशन में वो हेल्प करते हैं आपके लिपिड के फॉर्मेशन में ठीक है क्या आते हैं लिपिड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं आगे देखिए जो किसे किसे बोलते बोलते हैं? हैं? पूरी है है? उसका बताइए। बता ठीक मैं already explain करूंगा, मैं इसलिए मैंने वो क्वेश्चन दिखाया इसलिए क्योंकि वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था अब इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया तो आगे क्वेश्चन आप जल्दी-जल्दी कर लोगे। है। लोगों के अब यहां पर देखिए यहां पर बोला है सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन अब इसका भी आंसर आप बहुत ध्यान से देख लेंगे क्योंकि मैंने आपको अभी इस तरीके से तो बताया था कि भैया पूरी सेल का क्या है पूरी सेल का जो जंजाल है पूरी सेल का जो कंकाल है वो कौन है एंडोप्लाइडोटिकुल तो पूरी मेम्ब्रेन का जो सिस्टम है अब बताओ पूरी मेम्ब्रेन का जो सिस्टम है वो भी क्या कर रहा है यही काम कर रहा है ठीक सिंपल सी बात है ओके अब उसी के अंदर गोल्जी बॉडी है उसी के अंदर आईवोसोम्स है और और उसी से जुड़ा हुआ न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का सिस्टेंट बने लाइसोसोम्स तो उसी के अंदर की चीज़ें हैं सिंपल सी बात हाँ आ, आगे देखो राइबोफोरिन सरफेस हाँ। अब राइबोफोरिन क्या होता है ठीक है लिपिड के फॉर्मेशन में कौन हेल्प करते हैं राइबोफोरिन हेल्प करते हैं इसीलिए राइबोफोरिन स्मूथ पे होते हैं और राइबोसोम्स कहां पे होते हैं ये होते हैं आपके रफ एंडोरेटिकुलम इसीलिए बच्चे क्या करते हैं राइबोफोरिन को राइबोसोम्स मान लेते हैं और आंसर लगा देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक है नहीं राइबोफोरिन जो है ये मेनली काम क्या करता है मेनली हेल्प करता है किसके फॉर्मेशन में यह हेल्प करता है आपके आ, लिपिड के फॉर्मेशन में और लिपिड का निर्माण कौन कर रहा है स्मूथ स्मूद कर रहा है इसीलिए ये बात ध्यान में रखना कि राइबोफोरिन जो है ये स्मूद रेटिकुलम पे होता है ठीक है अब ये एग्जाम में गलती नहीं करना रहा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है गलती जनरली ये होती है कि जब हम राइबोसोम्स को उसी से मान लेते हैं ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूद एंट्रोपाइटिकट विच लाइट एंजाइम बिकम एक्टिव ये भी मैंने आपको बताया उस एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में आप देखना आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे आपको देखो ठीक है कि कितने हो चुके थे? मैंने आपको नहीं बताया कि जाएगा पांच जाएगा खट, -खट दे सकते हो कि भाई, कि भाई किस पीएच पर लाइसोसोमिक एंजाइम जो है अच्छा लाइसोसोमिक एंजाइम कौन सा होता है

जस्ट उसी क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है एम्फर आपके सामने होगा और मुझे मेन फंक्शन दे क्या होता गोल्जी कॉम्प्लेन बोलो क्या होता? गौल जी गौल जी गौल जी बोलो हाँ अब सभी का एंफर गिरना चाहिए सभी कोई गलत नहीं करेगा मुझे पता है अगर आपने ध्यान से उसमें सुन भी लिया है तब भी आप गलत नहीं करेंगे बोलो अब ये नीट में नहीं आता ये सी का ही है ये नीट का है ही नहीं। नीट का तो, अगर नीट का सिक्रीशन? तो सिक्रीशन के लिए मटेरियल को पैकेज कर, करता है पैकेजिंग का काम कौन कर रहा है तो तो मेनली पैकेजिंग का काम कौन कर रहा है यही कर रहा है क्लियर है आगे देखो अगला क्वेश्चन एरोपरेशन

अगला है ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द माइट्रोकांडिया आप बताओ ग्राउंड सब्सटेंस जो है माइट्रोकांडिया के इनसाइड में वो किस में होता है स्ट्रोमा में मैट्रिक्स सेल से उसे क्या बोलते हैं बोलो उसे बोलते क्या है माइट्रोकांडिया के अंदर जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसे क्या बोलते हैं बताओ कमेंट में आंसर बताओ फटाफट बोलो hmm. बोलो भाई ओके okay. अब यहां पर भी एम्फर थोड़े से विचलित हो रहे हैं कुछ लोगों के बाकी लोगों के बी आ रहे हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 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 है तो, तो लगभग सबका सही है क्या है भाई मैट्रिक्स है मैट्रिक्स आप पता ही है ये माइट्रोकॉन्डिया है ये ये, ये, ये इनर सरफेस है और इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है उसे द्रव को क्या बोलते हैं उसे मैट्रिक्स बोलते हैं इफ्ट्रोमा क्या है ये क्लोरोप्लास्ट है ठीक है ये आपके क्या होते हैं आ, आपके उन्हें क्या बोलते हैं हम ग्रेनम है ठीक है ये पूरे ग्रेनम बोल देते हैं और ये अंदर जो भरा होता है ठीक उसे क्या बोलते हैं इतमा बोल देते हैं ठीक है ये पूरी कोशिका है कोशिका के अंदर जो भरा होता जो है उसे क्या बोलते हैं साइटोप्लाइट बोल देते हैं ये बेसिक चीज है पता है आपको पूछा क्या है माइट्रोकंडिया का आंसर क्या होगा मैट्रिक्स ठीक है मैट्रिक्स आगे देखो अगला क्वेश्चन माइट्रोकंडिया टर्म गिवन बाई ये भी अभी पढ़ाया था अब अगर आपको के याद है तो आप आंसर दे देंगे अभी बढ़ाया मैं आपको अभी बोलो बोलो ठीक है इसके अंपर क्या रहाएगा? रहाएगा हो जाएगा बंडा क्या रहेगा भाई बंडा हो जाएगा वेरी गुड तो माइट्रोकॉन्डेट टर्म जो है ये किसमें होता है ये बंडा में होता है क्लियर है ठीक है ओके अब आपको कोलिकर भी पता है अब आपको अल्टमान भी पता है अब आपको रॉबर्ट हुक भी पता है कोलिकर ने क्या किया डिस्कवरी की थी अल्टमान साहब ने बायोप्राफ्ट कहा था और रॉबर्ट हुक ने क्या किया था क्लियर है चलो बढ़िया आगे देखो लिविंग सेल वॉल लिविंग सेल वॉज फॉर यू डिस्कवर्ड बाई लिविंग सेल को मिल्ली किसने डिस्कवर किया बताइए बेंडा रावत हुक ठीक कल अगर आप सी डब्लू सी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम आपका कितने बजे है मुझे डेट भी देड़ बता देना और उसके लिए मैं एक और अब आप, आपको मैं हॉर्टिकल्चर भी पढ़ाता हूं तो हॉर्टिकल्चर के लिए ठीक है हमने क्या किया है हमने रात को सात बजे एक सीरीज चला रहे हैं पांच दिन की है आज उसका लास्ट डे है तो उसको जाके देख लेना कल एग्जाम है इसलिए मैंने आज ही उसको खत्म करा संडे को भी उसको सीरीज चलेगी वो चार क्लास हो चुके हैं रिवीजन पूरा करवाया है जाके देख लेना आपको खुद ही अच्छा लगेगा भाई चार क्लास में पूरी हॉर्टिकल्चर खत्म हो रही है पांचवी आज क्लास है सात बजे वो क्लास होगी उसको अटेंड जरूर करना ठीक है कितने बजे होगी सात बजे होगी ठीक तो आपका बाकी का रिविजन में हॉर्टिकल्चर वाला वहां करवाऊंगा बॉटी वाला यहां हॉर्टिकल्चर वाला वहां ठीक है तो यहां पर क्या रहेगा आप सभी का हाँ हाँ नहीं नहीं हाँ वो आपको ठीक है ठीक है तो एंटोवन वॉन लूनहॉक लिविंग सेल को एंटोवन वॉन लूनहॉक ने देखा था नेम द कंट्रोल सेंटर ऑफ यूकैरियोटिक सेल दो प्रकार की सेल होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल ठीक है अब मेरी बात समझना समझो कंट्रोल सेंटर ऑफ यूकैरियोटिक सेल क्या है ठीक है हाँ बिल्कुल सही है महेश भी बता दिया मैंने बताइए अब यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस राइबोसोम साइटोप्लाज्म जीव, बॉडी कंट्रोल सेंटर ऑफ यूक्राटिक प्रोक्रियाटिक बात नहीं हो रही है जो बहुत ही कम डेवलप होती है वो प्रोक्रियाटिक होती है मेनली होता है क्या रहेगा न्यूक्लियस अब अभी मैंने बताया आपको माइट्रो वो पूरे सेल पूरे उसका कोशिका का दिमाग कौन कौन होता है कंट्रोल कौन है न्यूक्लियस है तो यहां पर आपको वही देना था क्या देना वही फाइवर देना था आगे देखो द तो न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म तो न्यूक्लियस जो है साइटोप्लाज्म सेपरेट हो जाता है ठीक है बताइए किस वजह से अब देखो अब ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बहुत अच्छा क्वेश्चन बताइए न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म व्हाई प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलो क्या रहेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जाएगा वेरी गुड क्या रहेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जाएगा ठीक है चलो आगे देखो हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया आप देखो एक क्वेश्चन के फिर से इतने क्वेश्चन बन रहे हैं और बस मुझे वही क्वेश्चन एक्सप्लेन भी करना था लेकिन वही बात है कि आप लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ अब बच्चा चला भी गया इतने नालायक है अब वो दिखेगा भी नहीं क्यों क्योंकि लगता है कर लिया तो वही क्वेश्चन एक्सप्लेन भी करना था बाकी सब आंसर उसी एक क्वेश्चन से बना रखे थे मैंने अब देखो न्यूक्लियस को कौन डिस्कवर किया

तो मतलब अगर आपसे कहा जाए कि कोई एक चीज़ ऐसी है जिसके बिना काम नहीं चल सकता तो बताओ कौन सी चीज़ ऐसी है जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता मिनट दो मिनट में आदमी क्लू हो जाएगा बोलो ये इस पूरी सेल में भाई इस पूरी सेल में क्या है देखो ये को, कोशिका के अंदर क्या है ये न्यूक्लियस है ये न्यूक्लो प्लाज्मोप्लाज्म है ये, प्लाज ये मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट है ये जो है तुम्हारा सेंट्रोसोम है मान लो ये माइट्रोगान्डिया है हाँ ये ये अंत जालिका है ये राइबोसोम्स है बताओ भैया इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है ठीक है कौन सी चीज़ ऐसी है न्यूक्लियस के अंदर भी बता रहे न्यूक्लियस के अंदर भी ये सब चीज़ें हैं सेंट्रोल है मतलब केंद्रिका है ठीक है हाँ न्यूक्लियोलस बोलते हैं केंद्रिका है हाँ क्रोमेटिन धागे होते हैं अब बताओ भैया न्यूक्लियस अच्छा न्यूक्लियस से अगर निकाल भी दो अब भी थोड़ा काम चल जाएगा लेकिन मैं एक ऑर्गे की बात कर रहा हूँ यानी कि सबसे मेन होता है ये प्लाज्म न्यूक्लियो प्लाज्म साइटो प्लाज्म। कौन सा साइटो प्लस न्यूक्लियो जो अंदर प्लाज्म होता है ना अंदर जो द्रव भरा होता है उसी वजह से सब चीजें बेलोगनाइज भी रहती हैं अगर अंदर द्रव ना रहे ना जैसे एक बर्तन है एक बर्तन को बहुत से बर्तनों को एक थाले भर लो अब करोगे ना सब टकराएंगे दन, 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 आवाज आएगी बर्तन खनकेंगे और हो सकता है डैमेज भी हो जाए ठीक है यही सब हमारी कोशिश क्या है बर्तन है और पूरी उसके अंदर तैरते रहते हैं क्यों क्योंकि अंदर प्लाज्म है जो अंदर प्लाज्मा तो सब कुछ तैरते रहते हैं आ, तो ये बात दिमाग में रख अगर सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है साइटो न्यूक्लोप्लाज्म पर आपने तो कहा एक ही बताई है इसीलिए साइटो न्यूक्लो को मिला के प्रोटो बोल देते हैं और यही एग्जाम में आया था यही एग्जाम में आया था कि प्रोटोप्लाज्म काम क्या करता है बोलो प्रोटोप्लाज्म प्रोटो क्या है जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य पढ़ा है ना खूब रटा है ना

ठीक है तो प्रोटो हो गया साइटो हो गया क्लियर एकदम क्लियर चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन हु डिस्कवर न्यूक्लियस तो आंसर हो गया इसका द टर्म क्रोमोसोम वाज कॉइंड बाय अब क्रोमोसोम्स को टर्म किसने कॉइंड बोलो भैया बोलो हाँ बिल्कुल हिमांशु कुमार द टर्म क्रोमोसोम्स वाज कॉइंड बाय बताइए बाल्डियर होफ हो बोलो बोलो अंदर क्या रहा है? बोलो भाई अब यहां पर फिर दे गलती क्यों आप सही है ठीक है देखो अंदर क्या है बाल्डियर क्रोमोसोम्स को स्टार्स वर्गर ने जहां तक मुझे याद आ रहा है डिस्कवर किया था और नाम दिया था बाल्डियर ने पर आपके एग्जाम में बालडेयर पूछा गया था तो ज़्यादा हमने उसको क्या नहीं है ठीक है हाँ यूम जो होते हैं उनसे हमारा निर्माण होता है आगे देखो विज अमंग नॉट अ ट्रू प्लम ट्रू फ्रूट ठीक है प्लम डेड ग्रेड पेपर अब ये देखो फी से में आया हुआ क्वेश्चन है ठीक है ये आपके जो नॉर्मल बॉटनी में पर मेरे जो हॉटे बच्चे हैं आंखें बंद करके इसका आंसर लगा लेंगे अब वहां के लिए उनका टफ होगा उनके लिए उसका उनका टफ होगा आंसर बहुत कठिन क्वेश्चन है पर आपके लिए एकदम अगर आपने हॉटल से पढ़ी है तो देख के आंसर बता दोगे कि इनमें से कौन सा नॉट अ ट्रू फ्रूट प्लम डेट ग्रेप या एप्पल अब देखो आपको पता है कि भैया फल का मतलब क्या होता है कि जो राइपेंड ओबरी होती है जो ओबरी फिर डेवलप होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं फल बोल देते हैं ठीक है एप्पल जो होता है ये ओबरी पर डेवलप ही नहीं होता है ये होता है थेमस से पुष्पासन से और जब ये पुष्पासन पे डेवलप होता है तो इसे हम क्या बोल देते हैं ये हमारा फालस फ्रूट है ये हमने खूब पढ़ा है ठीक खूब पढ़ा है भैया ओके हमें क्या हो जाएगा भैया एप्पल आगे देखो विच द फॉलोइंग इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन सा अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन जनरल जनरल बॉटनी ये है जनरल बॉटनी वो आपकी सर बॉटनी चल रही थी ये जनरल बॉटनी बताइए सोयाबीन ब्लैक ग्राम पी बिजन पी ये आ, आप इसका आंसर ध्यान दन दिन देंगे क्योंकि आपने जनरल एग्रीकल्चर पढ़ रखा है पर जो बच्चे एग्रीकल्चर के नहीं हैं उनके लिए थोड़ा ये एक्चुअल क्वेश्चन हो जाएगा बताइए हाँ ओके okay. तो so, आपने खूब पढ़ा है अच्छा फॉर्स क्या है सोयाबीन में फोरी इतनी प्रोटीन होती है ठीक है ब्लैक ग्राम में जो, जो तेईस चौबीस परसेंट होती है ठीक है मटर में बाईस परसेंट होती है गार्डन बी में सेवन पॉइंट थ्री होती है फ्रिजन बी में तेईस से पच्चीस होती है बात खत्म बात खत्म आपको पता है आई नो वेरी वेल हाँ कोई गलती नहीं करेगा बिल्कुल चलो आगे गए हु इज द फादर ऑफ़ प्लांट फिजियोलॉजी ले भैया फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है स्टीफन हेल्स प्रिस्टल इंजन हाउस जैसे एक बोलो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी फटाफट फटाफट बोलो फटाफट 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 बोलो भाई फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है बोलो <स्थाँगी> हाफर तो क्या रहेगा स्टीफन हेल्स वेरी गुड क्या है स्टीफन हेल्स जो है, है? <स्थाँगी> हा अरे यार चलो ब्राइट ग्रीन कलर ड्यू टू क्लोरोफिल ए बी जंतोफिल कैरोटीन बताइए ब्राइट ग्रीन कलर अब ये फटाफट बताइए आंसर इनके आंसर फटाफट बताइए ब्राइट ग्रीन कलर किससे आता है क्लोरोफिल से तो आता है ग्रीन कलर बताइए हाँ भैया प्रिफ्ट ले दी थी बहुत बढ़िया हाँ एग्री ओह ये देखो पुराने स्टूडेंट आ गए घूमते फिरते अच्छा क्लास कर ही लेते हैं

हाँ. सिनेमोमीटर फोटोमीटर क्रिस्कोमीटर या हाइग्रोमीटर बताइए बोलो हाँ कल बारह बजे भी आना है सबको कल बारह बजे आना है ना सबको पता है ना सबको कल बारह बजे अगर एग्ज़ाम ना हो तो मतलब एग्ज़ाम हो तो एग्ज़ाम दीजिएगा ऐसा नहीं है कि तुम एग्जाम ना दो ये एग्जाम अगर निपट जाए तो कल बारह बजे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है एग्जाम तो परसों है ना आपका पाँच पाँच को है ना एग्जाम हाँ तो ठीक है तो कल तो आप आ सकते हैं तो कल ग्यारह बारह बजे आप आइएगा धमाका इवेंट है ठीक है सेशन खत्म है उसको लाइक कर देना ताकि और कल 12 बजे सब लोग मिलना ठीक बाबू चलो बहुत बढ़िया फोटोमीटर आगे देखो प्राइमरी सेल वॉल कंटेन सेलुलोज हेमीसेलुलोज पेक्टिन ऑल ऑफ द अबव सरल क्वेश्चन फटाफट फट। फटाफट बोलो फटाफट बोलो प्राइमरी सेल वॉल बताइए सेलुलोज हेमीसेलुलोज पेक्टिन या ऑल ऑफ द अबव बताइए भाई हम आंसर याद आएगा

तो ये आपका हो गया अब बच्चे टिश्यू के क्वेश्चन ठीक है मैं ओपन कर लेता हूँ आइए पे रहना एक मिनट टिश्यू भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई पे बड़ा इंपॉर्टेंट अब यार यहाँ भेजा होगा तब तो मिलेगा ये तो बहुत समस्या है डंडा 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 अरे यार कुछ भी सच होता है तो जब हमको चाहिए होता है ना तब तो हमको नहीं मिलता है तो जब हमको नहीं चाहिए होता तब तो हमको मिल जाता है आकाश वाजपेई मिल गया अरे भाई ए, एक मिनट एक मिनट थोड़ा स्लो काम कर रहा है ठीक है मोए मोए तुम लोग यार सुधर जा रही है मोए मोए तुम लोग यार सही ताजी थोड़ी हो मोए मोए रखते हो ए? तुम लोग ऐसे मोए मग लेते सुधर जाओ सुधर जाओ थोड़ा सुधर जाओ चलो बताओ अंकल <laughs> दो तो भाई इसका आंसर दो हाँ राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बोलो बोलो तो विच ऑफ बी फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स परमानेंट इश्यू ठीक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट इश्यू कौन सा है बताओ <laughs> अब देखो <laughs> चलो हाँ उसके कुछ क्वेश्चन से बोल रहे हैं वो करवा देंगे डोंट वरी

जाइलम तो यार तो थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए ज्यादा नहीं थोड़ा बताना चाहिए तो ये इसके ये इसका एक्सप्लेनेशन है नॉल लेना यहाँ से क्वेश्चन करवाने के चांस बढ़ते हैं चलिए ऑफ फॉलोइंग इज अ डेड इस टिश्यू कौन सा डेड टिश्यू होता है ऐसा कौन सा टिश्यू है जो कैसा है ये जो कि डेड टिश्यू होता है फटाफट बोलो हाँ अब मेरी बात समझो देखो बात समझो लल्ला बात समझो हमारे जो है परमानेंट टिश्यू में तीन पार्ट जो थे ठीक है पलन कायमा कोलन कायमा और स्कलन कायमा पेरन कायमा जो होता है इनमें क्या होता है इंटरसेलोर स्पेस पाए जाते हैं ठीक है ठेके? और इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता पर वेल डेवलप्ड नहीं होता है ठीक सबसे जो प्रिंसिपल टिश्यू है या सबसे जो पुराना टिश्यू है ठीक है वो पेरन कायमा ही होता है ठीक है कोलन कायमा क्या करता है इन पर सेलोलोज की हाँ लेयर पाई जाती है तो इनमें इंटरसेलोर स्पेस खत्म हो जाते हैं लेकिन मेनली इन पर इन पर जो है क्या होता है क्लोरोप्लास्ट होता है तो मेनली फोटोसेंथेसिस में जो टिश्यू हेल्प करता है वो कोलन कायमा करता है इस कलर कामा में लिग्निन होता है और लिग्निन जो होता है लिग्निन क्या हाईली रेसिस्टेंट है डीकम्पोजिशन के लिए ठीक है इसीलिए स्किन का जो है एक डेड टिश्यू होता है चलो इसके अब यहाँ पर हमने एक्सप्लेन में लिखा हुआ है कि परमानेंट टिश्यू आर कॉम्प्लेक्स ऑफ सेल विच हैव द लॉ ऑफ द पावर ऑफ डिवीजन टेम्प्रोली आ परमानेंट ठीक है दे आर फाउंड बाय द डिवीजन ऑफ एंड डिफरेंशिएशन ठीक है डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन से इनका इनको डिवाइड किया था

ठीक है मैं हलकाल का बता देता हूँ क्वेश्चन इसमें मैंने कम रखे थे रखे थे क्वेश्चन से पर उसमें मिल नहीं पाया ठीक है मैं देख लेता हूं पर आप देखने का टाइम नहीं है मैं हलका आपको बता देता हूँ नहीं तो फिर आपको क्या होगा कंफ्यूजन हो जाएगा ठीक है देखो यहीं से मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन सोल्व करो देखो आपके एग्जाम में हमें मिलनी यहीं चीज आती क्वेश्चन रखे थे हो सकता है सकते पीपीटी में हो मिल नहीं रही थी ठीक है देखो आपसे पूछेगा लंबाई बढ़ाने में कौन सा है ठीक है एपिकल मिस्टम पहला क्वेश्चन क्वेश्चन सुनो एक क्वेश्चन बता रहे हैं लंबाई बढ़ाने में पैन का ठीक है चौड़ाई बढ़ाने में ठीक है आपका दूसरा वाला लेटर ठीक है अब ये लंबाई क्यों बढ़ा रहे क्योंकि ये होता है ये डिवाइड डिवाइड हो हो रहे हैं। तो हो रहे हैं तो रहे हैं तो तो होता है सिंपल बात है यहां सिंपल और कॉम्प्लेक्स सिंपल में ये टिश्यू कभी भी चेंज नहीं होते हैं ना ही इनमें डिविजन होता है डिविजन होता है तो डिफ्रेंसिएशन और री डिफ्रेंसिएशन होता है बाकी ज्यादा डिवाइड नहीं होते हैं और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है ये चेंज नहीं होंगे तो पैन कायमा कोयल कायमा और स्क्रनका ठीक है पैनकाइमा की सबसे खास बात क्या है कि ये सबसे पुराना टिश्यू है प्रोमेटिव टिश्यू है ठीक है और साथ ही साथ ये भी याद रखेगा कि जो पैनकाया होता है ये फंडामेंटल टिश्यू है दिमाग रखो क्या है ये ये हमारा एक फंडामेंटल टिश्यू होता है ठीक है कोयलकाइमा क्या है ये एक ऐसा टिश्यू है जिसमें भरपूर मात्रा में क्या होता है क्लोरोप्लास्ट होता है ठीक की लेयर अच्छी खासी होती है और इंटर सेलोर स्पेस नहीं पाए जाते ये पॉइंट एकदम ऐसे ही लिख लो इंपॉर्टेंट है ठीक है इस पर ज्यादा मात्रा में लिखन होता है बहुत ज्यादा एग्जाम में आ चुका है कॉम्प्लेक्स दो प्रकार के तो जाइलम और फ्लोएम जाइलम में ट्रकाइट्स बेसल्स और जाइलम फाइबर ये चार पार्ट होते हैं ट्रकाइट बेसल्स और जाइलम फाइबर फ्लोएम में शिफ्ट कंपेनियन सेल फ्लोएम फ्लोएम और फाइबर ये चार पार्ट होते हैं जाइलम का काम क्या होता है जल का संवाहन करना और फ्लोएम का काम क्या होता है ध्यान रखो जाइलम का काम का का क्या होता है जल का संवाहन करना और फ्लोएम का काम का क्या होता है भोजन का संबाह करना ठीक है ठीक तो भोजन का काम का कौन करता है फ्लोएम करता है ठीक तो ये पार्ट आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया ओके यही से क्वेश्चन बनते हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे अब आपका बच्चा है हॉर्टिकल्चर वाला क्वेश्चन देखो आपका डिवीजन सेल वाला वाला हो हो गया गया टिश्यू जो एग्जाम में कम कम आता है करवा दिया जनरल बॉटनी अब आपका बचा हुआ है एक पोस्टर ऐसा जो हॉर्टिकल्चर का है तो हॉर्टिकल्चर के मैं आपको बता दूं आपने अगर अभी तक वो जो सात बजे मैं चला रहा हूं इसलिए मैंने अलग से नहीं चला रहा हूँ हॉर्टिकल्चर के लिए मैंने सात बजे चीजें आपके लिए कंप्लीट करवाई थी आपने वो कर ली होंगी नहीं किए जाके कर लेना ठीक है तो वो जाके आप कर लेना नहीं तो चीजें आपके लिए क्लियर थोड़ी सी कम पाएंगे अगर नहीं देगा तो अभी अभी आपके सर दो मिनट लगा रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कहाँ पे है तो हॉर्टिकल्चर का कंप्लीट रिवीजन आपको कहाँ मिलेगा ठीक है तो आपको सिंपली क्या करना है ये हमारा यूट्यूब है जो बच्चे नए हो देख लो एक, एक मिनट मैंने करवा के रखा हुआ है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी ठीक है देखो ये आपके यहाँ कार चल रही है आप यहाँ पर गए और ये यहाँ पर मैंने एक पुलिस सुना दी शेडब्लू सी के लिए अलग से ये चैलेंज चार क्लास पढ़ा चुका पांचवी क्लास आज बजे है ठीक है छत सात बच्चे देख चुके हैं ठीक है ठीके? ये पूरा आपको यहाँ पर ये पूरा पर मिल जाएगा और ये पांचवी नंबर की क्लास आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी ठीक है तो आपने अगर नहीं देखा जाकर देखना क्योंकि हॉर्टिक तो रिवाइज हो जाएगी हॉरी भी हमने करवा दिया है आप उसको रिवाइज कर सकते हो ठीक है ज्यादा नहीं आता है तो मैंने कम करवाया कल और आज पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ठीक है तो वो चीजें आपकी वहां पर कंप्यूट हो जाएंगी बाकी जो पोर्शन बचा हुआ है ठीक है और लगभग ज्यादा क्वेश्चन आते हैं थोड़े प्लांट हारमोन तो प्लांट हार्मोन हल्का सा बता आपके सर नहीं आते करवा देता हूं। इसके अलावा जो चीज़ें और सभी लोग करवाएंगे चलो आप समझते हैं प्लांट हार्मोन के बारे में ठीक है हाँ नहीं नहीं ज्यादा नहीं निधि ज्यादा नहीं पढ़ना होगा कम पढ़ना होता ठीक है आप थोड़ा प्लांट हार्मोन जान लो ठीक है जब तक आप सर नहीं आते तब तक मैं प्लांट हार्मोन के कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ देखिए जैसे कि प्लांट हार्मोन क्या है पादप वृद्धि नियंत्रक ठीक है ये क्या है पूरी ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम करते हैं ठीक सिंपल सी बात है अब ये रेगुलेट करने का काम तो कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आते हैं दो तीन टाइप आते हैं जैसे कि पहले होती है ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है ये क्या करता है ये लंबाई बढ़ाने में हेल्प करता है ये कह सकते हैं एपिकल डोमिनेंस तो ऑक्सीजन जो है वो एपिकल डोमिनेंस डोमिनंस हाँ हाँ हा, रात को सात बजे बेटा ठीक है अन, अनकेत रात को सात बजे ठीक है डेली रात को सात बजे सुनो तो हमने क्या बोला कि एपिकल डोमिनेंस में हेल्प कौन कर रहा है ऑक्सीजन कर रहा है दूसरा काम क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये दो प्रकार के होते हैं एक होता है आ, आपका नेचुरल ऑक्सीजन एक होता है सिंथेटिक ऑक्सीजन नेचुरल ऑक्सीजन में एक आता है इंडोल एफ्टिकट ठीक है सिंथेटिक ऑक्सीजन में आपके सभी आते हैं एन ए ए हो गया आई बी ए हो गया ये सभी टू फोर डी हो गया जो आपका सूट ग्रोथ में हेल्प करता है यानी कि जो पौधे के तने की वृद्धि में हेल्प करता है ठीक वो होता है आपको हाँ वो होता है आपका आ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका एन ए ए तो एन ए ए क्या कर रहा है सूट ग्रोथ में हेल्प कर रहा है और जो रूट ग्रोथ में हेल्प करता है वो है आई बी एंडोर बी ए रूट ग्रोथ में हेल्प करता है ठीक है है दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ये में आ सकते हैं काफी है। याद रखिएगा फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वो क्या है वो क्वेश्चन ये है कि आपसे पूछता है जो बताइए कि कौन सा पोर्शन ऐसा है कौन सा हार्मोन ऐसा है ठीक है

सेल के डिवीजन में आपका ऑक्सीजन भी हेल्प करता है लेकिन सेल के डिवीजन में जो मेनली हेल्प करता है वो करता है साइटोकाइन क्या करता है भाई साइटोकाइन करता है तो ये सब बताएं बाकी इसको डिटेल में आपके फुदाओं से पढ़ाएंगे ठीक है जो कि आ गए हैं चलिए सर पढ़ाइए सर बच्चों को तो काफी चीजों पर थैंक यू अब आप बता दीजिए थैंक यू तो क्या हाल चाल है आपके बढ़िया हाँ ठीक है तो बिल्कुल अपनी पीपीटी भी आ गई है बढ़िया हाँ से तैयारी शुरू कर देते हैं आज जो क्वेश्चन तो इकोलॉजी हैं उनकी बातें करेंगे ठीक है ठीक है बिल्कुल जो चीजें आप बताएंगे सब बता दी जाएंगी ठीक है चलिए तो शुरू किया जाए तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी लोगों का इस एग्रीकल्चर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की टीम के साथ में क्योंकि आज हम लोग कर रहे हैं मैराथन और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को मिल सकते हैं तो शुरू कर दिया जाए ठीक है पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है और ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले जो दिख रहे हैं इंपॉर्टेंट तो बहुत है

आंसर राधे राधे भाई सभी को राधे राधे यार वो नहीं है यार दिख रहा है इसमें है ही नहीं यार दिखेगा क्या आंसर मत देखिए अभी क्योंकि हम नोट पे ही पढ़ाने वाले हैं आज आपको बहुत सारी चीजें हम आपको एज इट इज दिखाने वाले हैं समझाने वाले हैं तो शुरू कर दें अपनी क्लास को दोस्त सबसे पहले हमने क्वेश्चन यही पूछा कि बताओ भाई आपको जो इसमें दिख रहा है प्राइमरी क्राइटेरिया क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट का प्लांट के क्लासिफिकेशन का प्राइमरी क्राइटेरिया की बात करते हो ना दोस्त तो हम तुम्हें बताएं देखो प्लांट को क्लासीफाई किस बेसिस पे करोगे कहोगे सर देखो जो भी लोग खाना अपना स्वयं बना रहे थे ठीक है वो हमारे क्या हो गए थे वो हमारे हो गए थे दोस्त जिनको हमने नाम दिया था प्रोड्यूसर ठीक है अच्छा जब क्लासिफिकेशन शुरू किया गया था तो मेनली क्लासिफिकेशन किया गया था जिन चीजों का वो थे हमारे कितनी चीजें वो हमारी थी दोस्त पांच चीजें ठीक है पहले नंबर एक दोस्त याद कर लेना लीनियस को हम लोग लीनियस जो है वैज्ञानिक ठीक है ना उनको हम लोग क्या बोलते हैं फादर ऑफ क्लासिफिकेशन का नाम देते हैं किसका नाम देते हैं फादर ऑफ क्लासिफिकेशन का नाम देते हैं और इन्होंने सबसे पहले जो दिया था वो हमारा दो जगत का दिया था कितना दो जगत का क्लासिफिकेशन टू किंगडम क्लासिफिकेशन गिवेन भाई दोस्त वो कौन थे लीनियस थे ठीक है इसके बाद आता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन थ्री किंगडम जो दिया गया था वो हमारा दिया गया था हैकल के द्वारा किसके द्वारा हैकल के द्वारा फिर आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जिसको जिसने दिया था वो वैज्ञानिक का नाम था कोपलैंड क्या नाम था नाम नाम था 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 और और फिर इन सब classification के बाद में एक और classification आता है जो जिसने दिया था, उनका आर एच विटेकर तो याद कर लेंगे अब तो पूछा जाएगा फाइव किंगडम किसने दिया था तो आर एच विटे

देखिए नॉट रहा हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे बहुत जल्दी जल्दी लिख रहे हैं ठीक है यार, चलो। अगर पूछा जाए तो दोस्त, कौन सा होगा? पूछा तो कौन सा होगा? साफ क्लोरोफिल। की सबसे पहला क्राइटेरिया बनाया गया था दैट मीन ए विल बी हमारा सी क्या हो जाएगा दोस्त राइट आंसर हो जाएगा ठीक है चले आगे आगे आ जाओ अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बताओ which plant group does not uh, does the moss belong moss किससे बिलोंग करते हैं मॉस जो है किससे बिलोंग करते हैं सर ये फाइव किंगडम में कौन-कौन थे तो आरचबिटर के द्वारा दिए गए फाइव किंगडम में सबसे पहला था उनको बोलते थे हम लोग मोनेरा दूसरे नंबर पे जो था उसको बोला था प्रोटिस्टा तीसरे नंबर पे जो था जिसको बोला था फंजाई। और चौथे नंबर पे जो था उसको बोला था क्या प्लांटी यानी प्लांट किंगडम और पांचवें नंबर पे जो आता था उसमें हम लोग आते हैं जिसमें नाम आता है किसका एनिमल्स का तो ये हमारे पांच किंगडम क्लासिफिकेशन में पांच हो गए अलग अलग अगर तुमसे पूछा जाए इसमें से कौन सा यू कैरियोटिक है और कौन सा प्रो है, है? कैसा है? प्रो repeats, है? एक न्यूक्लियस लिए हुए प्रोकारोटिक मोनेर जिसमें बैक्टीरिया को मेनली हम लोग पढ़ते हैं ठीक है बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया सारे इसी में आते हैं बैक्टीरिया ठीक है दूसरे नंबर पर आते हमारे कैसे थे इसके बाद ये सारे यूकैरियोट कैसे थे यूकैरियोट तुमसे पूछा जाए बताओ इसमें से कौन सा यूनिसेलुलर है तो याद कर लेना दोस्त यूनिसेलुलर कौन सा है पता है आगे के दो ऊपर वाले ये दोनों यूनिसेलुलर हैं और ये तीनों मल्टी सेलुलर है ये कैसे है? हैं मल्टी सेलुलर है और मोनेरा प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है और पूछा जाए यू कैरियोट प्रो कैरियो तो प्रो ये है और यू ये है मेरी बात समझ गए याद रखना दोस्त ठीक है क्वेश्चन पूछा जाता है इससे मोनेरंस जो है वो प्रोकैरियोट में आते हैं बाकी सब यूकैरियोट में मोनेरा प्रोटिस्टा यूनिसेल्यूलर बाकी सब मल्टीसेल्यूलर हमारे पास बहुत सारी सेल है हमें पता है आंसर क्या था इसका इसका तो दोस्त आंसर सीधा ब्रायोफाइट एकदम सही जवाब है आपका ठीक है चलो नहीं? आंसर दो इसका ये आंसर नहीं है इसका पहले मैं बता दूं फॉलोइंग इज द करेक्टिस्टिक फीचर ऑफ द जिम्नोस्पम इसमें से कौन सा जिम्नोस्पम का फीचर है जल्दी से बताओ विच ऑफ द फॉलोइंगेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पम सीड इनक्लोज इन द फ्रूट ने फॉर रिप्रोडक्शन आंसर दोजंत सिमरन श्रुति बहुत अच्छे श्रीलेखा सोनिया सही जवाब है भाई सही जवाब है आंसर क्या हो जाएगा नेग्ड और नेग्ड के साथ साथ में स्पर्म का मतलब क्या होता है दोस्त स्पर्म डायट इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन जो हमारी प्रोडक्शन की यूनिट है उसको स्पर्म बोलते हैं बिल्कुल तो दोस्तों सीड हो गया तो नेग्ड जो सीड है दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ जिम्नोर्म

श्रीलेखा सिमरन बहुत बढ़िया आलोक दीक्षा नितिन क्या बात है मजेदार मजा आ रहा है ना बहुत बढ़िया सोनम राना जी आंसर क्या आ जाएगा कर सीड इन साइड द फ्रूट हम जितने भी एडवांस प्लांट देखते हैं आप अगर भी भी गेहूं हो गया मक्का हो गया, धान हो गया इसमें तुम कभी भी सीड ऐसा नहीं मिलेगा कि खुला दोस्त रखा है नहीं ये इसके ऊपर कवरिंग चढ़ी है मक्के के भुट्टे के ऊपर देखा हमने यहाँ कवरिंग थी वहीं दोस्त आप गेहूं में देखोगे तो छिलका था भूसा था ठीक है धान के ऊपर देखोगे कवरिंग चावल निकालने से पहले आपको कवरिंग हटानी पड़ेगी यानी तुमने कोई ऐसी चीज देखी लाही थी दोस्त वो हमारे कैप्सूल के अंदर थी मटर था वो हमारा कैप्सूल के अंदर था दोस्त हमने जो बीन देखे उड़द देखा अरहर देखा सब चीजों में देखोगे तुम इनक्लोज है एक तरीके से सीड है ना तो यही हमारे क्या है सारे के सारे एनजीओ स्म डायट इज नोन एज एडवांस प्लांट जो हमें आजकल सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं ठीक है जितनी भी क्रॉप्स है ज्यादातर वो किसमें आती है मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स कह दो 99 नाइन परसेंट किस्में आएंगे एनजीओ स्म में आएंगे आएंगी ना करे बिल्कुल आएंगे आंसर क्या हो गया ए अगला प्रश्न टर्म जाइलम इज एस एसोसिएटेड विथ जाइलम टर्म किसके लिए एसोसिएटेड है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड सपोर्ट या फिर दोस्तों आपका रिप्रोडक्शन आंसर दीजिए एबीसीडी क्या कहेंगे सही है सही है देखो हमें ऐसे याद रखना था जल जमीन जाइलम जल को जमीन से ले जाने वाला यानी दोस्त ले जाने वाला कौन है जाइलम है और ऐसे और याद कर लेना फूड फार फ्लोयम और खाने को कौन लेके आने वाला है फ्लोयम और जो जाइलम है वो कैसा काम करने वाला है यूनी डायरेक्शनल कैसा यूनी डायरेक्शनल ये यूनी डायरेक्शनल टर्म आते ही आपको एक चीज याद रखनी है कि पानी हमेशा नीचे से ही ऊपर जाएगा कभी ऐसा नहीं ऊपर से नीचे आए तो दोस्तों आप यूनी डायरेक्शनल कभी भी अगर आपका फ्लोयम का पूछा जाए तो आप लगाएंगे मल्टी डायरेक्शनल क्या लगाएंगे मल्टी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल ठीक है ये खाना ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है सर ऐसा कैसे देखो खाना कभी बना लिफ्ट में तो दोस्त नीचे तो जाना ही जाना है रूट तक करे बिल्कुल जाएगा ठीक है लेकिन कभी अगर पत्तियां ना रही पतझड़ आया दोस्त ठीक है पत्तियां ही ना रही तो क्या हुआ खाना स्टोर कहाँ हुआ था कह रहे सर यहाँ पर नीचे ठीक है अब एकदम से क्या आपको खाने की जरूरत तो फिर आपके स्टेम को भी तो पड़ रही होगी और स्टेम यहाँ वाले स्टेम को जरूरत पड़ी और खाना ये संचित कहीं पर भी था रूट में था यहाँ पर था तो दोस्त फिर ऊपर भी जा सकता है नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे आने दोस्त बाय डायरेक्शन मल्टी डायरेक्शन लिखे तो आंसर कभी गलत नहीं होगा आंसर हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर आंसर हमने लगा दिया जाइलम आंसर वाटर के लिए लगा दिया और ए विल बी द राइट आंसर ठीक है चल अगला क्वेश्चन मेन फंक्शन ऑफ द फ्लोएम आप ये इस क्वेश्चन को जल्दी से लगा देना है सोचना नहीं है सोचना नहीं है भाई सर आपने बोला और आंसर ये लो लगा दिए लगा दो जल्दी से लगा दो आंसर क्या हो गया आंसर हो गया हमारा सी ठीक है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ठीक है चलो अगला क्वेश्चन ये बताओ प्लांट ग्रुप टिपिकली सोज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो शो करता है ठीक है डोमिनेंट जो इसका फेज इस फेज स्पोरोफिटिक है एक होता है स्पेरो फेज ठीक है है एक होता स्पोरोफिटिक फेज अब मैं आपको हल्का सा फिर बताता हूं गैमिटोफाइट का मतलब यन फेज ठीक है और स्पोरोफिटिक का मतलब टू यन फेज ठीक है अब दोस्त ये होते क्या है अगर आपका पूरा का पूरा स्पोरोफिटिक है तब तो आप बहुत अच्छे से आंसर लगा लेते। है तब भी आप बता देते ज्यादा है है कम स्पोरोफिटिक तो अलग आंसर होता है और ये कम है और ये ज्यादा है तो अलग है और ये ज्यादा है ये कम है तो अलग आंसर है पहले यहां पर आंसर देंगे फिर हम आपको क्लैरिटी देते हैं आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्त हमारा बी किसको बोलेंगे हम लोग टेरिडोफाइट को बोलेंगे किसको बोलेंगे टेरिडोफाइट को एक हमारे होते हैं टेरिडोफाइट, एक होते हैं ब्रायोफाइट ठीक है अगर हमसे पूछा जाए गैमिटोफिटिक फेज इज डोमिनेंट, ठीक है कौन सा गैमिटोफिटिक फेज डोमिनेंट है तो दोस्तों आप जाओगे ब्रायोफाइट के साथ अगर आपसे कहा जाए ठीक है दोनों चीजें हैं लेकिन आपका क्या डोमिनेंट आ रहा है तब गैमिटोफिटिक आ रहा है और कहा गया दोनों है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जा रहा है।, वो फेज आ रहा है तो आप टेरिडोफाइट के साथ जाओगे दोस्त यहां तो टोटल आपका क्या है पूरा स्पोरोन है। है? ही अवस्था होती है यहां पर अवस्था नहीं होती है टू एन ही होती है याद कर लेंगे याद रख लीजिएगा यहां पर टू एन ही होती है ठीक है आंसर हो गया आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे व्हाट इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द एंजियोस्पर्म रिस्पांसिबल फॉर सीड फॉर्मेशन प्राइमरीली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पूछा है आंसर को बड़े कायदे से पढ़ के दीजिएगा आंसर सभी का सही होना चाहिए सही होना चाहिए सभी का कोई चीज नहीं समझ में आ रही है पूछ सकते हो भाई बहुत बढ़िया श्रुति बहुत अच्छे त्रिलोकीया बहुत अच्छे गुजंत अशोक हेमा हाटक्च बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं क्या बी सही है यार सोचना नहीं था अरे ये बताओ तुम कुछ सोचो भैया प्राइमरली हमारे पास रिप्रोडक्टिव आर्गन क्या है किसी प्लांट के पास में तो दोस्तों वो हमारा फ्लावर है वो क्या है फ्लावर और इसी पे ही हमारा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी पाई जानी है स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी ठीक है क्या है स्टिग्मा स्टिग्मा क्या दोस्त दोस्त सबसे टॉप वाला स्टाइल स्टाइल ये ओवरी ओवरी इसके नीचे तो इस इस ओवरी। और ये जो आपको इसके पास ये दिख रहे हैं ना सुंदर सुंदर ये क्या है ये दोस्त इसका पेटल क्या है इसके पेटल्स अच्छा ये पेटल्स दोस्त काय के लिए होते हैं जितने अट्रैक्टिव होंगे उतने ही ज्यादा पॉलीनेटर आएंगे पास में आओ चले आओ चले तो दोस्तों क्या है फ्लार हो गया इसका क्या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ठीक है मेरी बात समझ गए होंगे अब पता भी है आपको बढ़िया से आंसर हो गया इसका बी अगला क्वेश्चन विच प्लांट ग्रुप इज इंक्ल्यूड द लार्जेस्ट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द अर्थ क्वेश्चन फिर नया है कौन सा प्लांट ग्रुप है जिसके पास में टालेस्ट और दोस्त सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जल्दी से आंसर देंगे कौन सा ग्रुप इंक्लूड है एंजियोस्पम जिम्नोस्पर्म ब्रायोफाइट या टेरिडोफाइट ए बी सी डी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई <laughs> अच्छा मेरा थोन का मेरा थो गायब हो गया मेरा पीपीटी में पता नहीं होता है कौन से इसमें जो है ए, ए, का जो है फोन सपोर्ट करेगा या नहीं और हम अपने हिसाब से फोन बना देते हैं अपने लैपटॉप पे ठीक है तभी होता है आंसर सही है

ये रहा बताओ द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन ऑफ सीड इंटू द न्यू प्लांट भैया अगर हम तुमसे पूछे जो इनिशिएशन ऑफ सीड द न्यू प्लांट नए प्लांट में कोई सीड है वो अपने आप को बदल रहा है क्या बोलेंगे कोई एक सीड है दैट इज गोइंग टू बी अ प्लांट दैट मीन स्टार्टिंग इट इज स्टार्टिंग बोलफिया बिल्कुल बोल्फिया इस्तेमाल में आता है बहुत अच्छे बच्चा सही है आंसर क्या है उसे तो जर्मिनेशन बोलते हैं बिल्कुल तो जर्मिनेशन का मतलब जब प्लांट क्या हो सीड से करके प्लांट बनने की प्रक्रिया ये हो क्या बना दें बना दें कार्बोहाइड्रेट लेकिन लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ बस प्रेजेंस बहुत जरूरी है दुनिया में सब कोई खाना बना ले अगर उसके पास क्या हो क्लोरोप्लास्ट हो यानी कि सबसे बड़ी स्ट्रक्चर एक ऐसे जो सिर्फ हवा और पानी से यानी दोस्त एटमोसफियर में वेस्ट मटेरियल आपकी सीओ और इसके अलावा दोस्त वाटर से मिलके खाना बना देता है डायटमिन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर देता है वो हमारा कौन है मात्र क्लोरोप्लास्ट है वैज्ञानिक खुद हैरान है कि आखिर ये प्रोसेस कैसे होती है तो दोस्त ये प्रोसेस ऐसे होती है लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जहाँ होती है वो है क्लोरोप्लास्ट तो क्लोरोप्लास्ट दूसरा इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है डायटिस इज सनलाइट तो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है क्लोरोफिल ये हमारी क्या होगी दोस्तों

साहू जी गुड आफ्टरनून ठीक है बहुत बढ़िया विकास बहुत अच्छे आरजू अशोक गायत्री बहुत बढ़िया खान साहब आंसर क्या हो गया आंसर है हमारा जिसके पास नहीं होते हैं वो हमारा कौन है सी यानी ब्रायोफाइट अब तुम्हें बताते हैं दोस्त ब्रायोफाइट के पास में ऐसे अगर थोड़ा सा हम खुद अपने हिसाब से बताए ना दोस्त थोड़ा सा ऐसे कुछ मोडिफिकेशन ऐसे समझाते हैं आपको समझ में आएगा देखना पहले आते हैं एलगी फिर आते हैं टेरिडोफाइट फिर आते हैं जिम्नोस्पम फिर आते हैं एनजियो अब देखना दोस्त कैसे तुम्हें इनको क्लासिफाई किया गया खुद तुम समझ जाओगे एक दो तीन चार पांच है देखना दिमाग से खुद एडवांसनेस कैसे आती है नहीं होता चार पैर आगे ये प्योर वाटर में रहने वाला था ये प्योर वाटर में रहने वाला था ये आया तो ये पानी में और साथ साथ में स्थल यानी कि जमीन में भी रहने लगा इसलिए इसको एम्फीवियन भी बोलते हैं एम्फीवियन एम प्लांट किंगडम और एलगी हमेशा दोस्त कहां होती है पानी में होती है इसको एम्फीवियन बोला ये पानी में भी रहा स्थल पर भी रहा दैट मीन दोस्त आपका वहां जमीन पर भी रहा यहां आए ये अब जमीन पे हो गया और ये अच्छी जमीन पे हो गया और ये भी जमीन पे हो गया गुड ठीक है इसके पास ना रूट थी ना स्टेम थी ना लीफ थी एलगी के पास कुछ होती है नहीं दोस्त कुछ भी नहीं यहां आए रूट लाइक मतलब यहां पर भी दोस्त कुछ नहीं है लेकिन दोस्त ना ट्रू रूट है ना ट्रू स्टेम है ना ट्रू क्या है दोस्त लीफ है लेकिन वैसे वैसे कुछ कुछ ऐसे दिखने लगे थे कि आने लग गए। कैसी हैबिट आने लग गई थी कि दोस्त ये क्या है ऐसा कुछ बनाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन आगे आ गए यहाँ पर ट्रू स्टेम लीफ सब कुछ आ गया आ गया इसके पास भी रहेगा फिर इसके पास भी रहेगा रहेगा ठीक इसमें कभी तुमने देखा कभी सुना हो दोस्त सीडीड जैसा एलगी में नहीं होता दोस्त कोई सीडीड नहीं यहां पर भी दोस्त सीड नहीं था यहां पर भी सीड नहीं था फिर सीड कहा जनरेट हुआ टेरिडो फाइट में कैसा सीड आया सीड नहीं आया दोस्त यहां पर आई सीड हैबिट जिसको बोलते सीड हैबिट ऐसा लगा कि ये सीड बनाने का प्रयास कर रहा था लेकिन बन नहीं पाया हैबिट यहां जनरेट हो जाती है सीड जैसा स्ट्रक्चर दिखने लग जाता है लेकिन सीड नहीं था

अब दोस्त समझ गए ना ट्रू है लीफ ना स्टेम ना लीफ तो दोस्त क्या होगा ब्रायोफाइट अगला क्वेश्चन अगला व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द क्यूटिकल क्यूटिकल का प्लांट लीफ में क्या फंक्शन होता है जल्दी से आंसर देंगे क्यूटिकल का क्या होता है फंक्शन लीफ लाइक स्ट्रक्चर टेरिडोफाइट सही है गुड Good, good, good. Answer. सबके अलग अलग आ रहे हैं आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आंसर हो जाएगा चाहता क्या है रिटेंशन वाटर रिटेंशन एंड रिड्यूस द लॉ वाटर लॉस कौन क्यूटिकल 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 होती है 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 पत्ती के ऊपर हल्की चढ़ी हुई परत वो क्या कहोगे सर ये जो है लॉस ऑफ वाटर उसे क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन क्या बोलते हैं ट्रांसपायरेशन यानी कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीप सर्फेस और वही अगर आपकी कहां से सॉयल सर्फेस से हो तो उसे क्या नाम देंगे इवोपरेशन e क्या नाम देंगे इबोपरेशन e यहाँ से ट्रांसपरेशन चलो अगला क्वेश्चन बताओ दैट एंकोर अ मॉस प्लांट टू द सबस्ट्रेट मॉस यानी दोस्त ब्रायोफाइट अब ब्रायोफाइट यहां पर दोस्त किससे जो है क्या करेंगे न्यूट्रिशन लेने वाले हैं ना, आंसर देना है दैट एंकोर द मॉस प्लांट टू द सबस्ट्रेट इज कॉल्ड लगाया कुछ लगा आंसर क्या हो जाएगा पता है आंसर हो जाएगा दोस्त हमारा राइजॉइड क्या हो जाएगी राइजॉइड्स होते हैं रूट जैसा स्ट्रक्चर ही होता है लेकिन दोस्त वही है ना रूट लीफ में बते नहीं थे तो रूट लाइक स्ट्रक्चर दोस्त राइजॉइड होते हैं जो हमारे में होते हैं मॉस में होते हैं आंसर हो गया अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप इज डबल फर्टिलाइजेशन इस फीचर डबल फर्टिलाइजेशन किसमें पाया जाता है आंसर देंगे डबल फर्टिलाइजेशन ए बी सी डी डबल फर्टिलाइजेशन ब्रायोफाइट ब्रायोफाइड टेरिडोफाइडोम गुड महेश बहुत बढ़िया महेश बाबू दीक्षा बहुत अच्छे अमृता बहुत अच्छे सोनिया मोहम्मद इरफाक बहुत अच्छे जतिन नरोत्तम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आंसर क्या हो गया आंसर हमारा दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा हमारा डी ठीक है डबल फर्टिलाइजेशन किसकी करेक्टिस्टिक है एनजीओ स्पम की किसकी है एनजीओ स्पम की डी विल बी द राइट आंसर सभी के आंसर एकदम से सही है ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं ये रहा फॉलोइ इज द करेक्टरिस्टिकॉट प्लांट प्लांट का ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं जिसके पास में एक कोटेलिडान वो हमारा मोनोकॉट जिसके पास दो कोटेलिडान वो हमारा डाइकॉट मोस्ट ऑफ द पल्स क्रॉप डाइकॉट में आती है कह रहे सर जानते हैं तुम तो? बताओ करेक्टरिस्टिक फीचर बताना है Nation, किसका है सर ये तो हमारा किसका है? का है, का तो नहीं है का यानी कि दोस्त हमारा क्या है पत्तियों में संरचना होगी ठीक है अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड लेट इन एज बेनेशन और दोस्त ये जो हमारा होता है पैरलर ये मोनोकॉट में होता है डाइकॉट में कैसा होता है रेटिकुलेट होता है वैस्कुलर बंडल स्केटर्ड इन द स्टेम वैस्कुलर बंडल फैले हुए नहीं होते हैं दोस्तों उसमें वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं अरेंज होते हैं किसमें डाइकॉट में लेकिन फैले हुए किसमें होते हैं मोनोकॉट में ये दोनों चीजें मोनोकॉट के फीचर हो गए तीसरा आ जाओ

द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है जल्दी से आंसर देंगे महेश निधि अशोक गुजंत मोहम्मद इसफाक जल्दी से आंसर दो पलक सिमरन गुड गुड क्या आंसर हो जाएगा अगर हम बात करते हैं दोस्त हाँ बिल्कुल सही है बहुत अच्छे बहुत अच्छे आपका एकदम आंसर सही है सबसे पहले आंसर दिया है अमृता तिवारी जी ने फिर दीक्षा ने फिर हाँ तिवारी जी ने दोबारा फिर कहने का सर हम लिख ही देते हैं ठीक है नीलम बहुत अच्छे एग्रीकल्चर ओशियन बहुत अच्छे ठीक है आंसर क्या है आंसर हो जाएगा हमारा सी कैम्बियम कैम्बियम जो है रिंग बनाने का काम करती है दोस्त जिससे हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है ठीक है चलो अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ये रहा विच ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा इन द प्लांट लीफ स्टोमेटा का प्राइमरी फंक्शन क्या है

और कभी अगर पूछा जाए आपका डंबल आकार का है किसका है डंबल डम्बल का है तो डंबल वाला किस में पाया जाता है मोनोकॉट में पाया जाता है ठीक है कह हाँ, सर पता है मेनली अगर बात करो तो दोस्त ये हमारा क्या करता है ये हमारा गैसियस एक्सचेंज करता है गैस को बाहर और अंदर करने के काम करता है कौन सर ये हमारा स्टोमेटा स्टोमेटा खुलता है तो दोस्त सीओ क्या होती है अंदर जाती है और ऑक्सीजन को उसी के माध्यम से बाहर निकाल देता है आंसर क्या हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर सही है जवाब गुड 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 बच्चा अगला क्वेश्चन द किंगडम प्लांटी इज द डिवाइडेड इन टू द सब ग्रुप बेस्ड ऑन किस के बेसिस पे हमारी जो है दोस्त किंगडम प्लांटी को फिर सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है जैसे जैसे हमारा एलगी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिम्नोस्पम एंजियोस्पम जल्दी से आंसर दो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया महेश बाबू बहुत अच्छे आंसर क्या हो जाएगा हा आंसर क्या हो जाएगा आंसर कह रहे हैं सर डी कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल सही आंसर है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्लांट बॉडी यही हमारे पैरा पैरामीटर होता है प्लांट को क्लासिफाई करने का ठीक है चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बताइए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस टर्म ऑफ वैस्कुलर वैस्कुलर का बताना है दोस्तों बताओ वैस्कुलर ये वैस्कुलर बंडल वैसी चीज है क्या वैस्कुलर कह रहे सर ये तो पता ही है अंदर क्या हो जाएगा कोई कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है नहीं दोस्त हो तो हमारा फिर प्लांट का अलग होता है ये तो नहीं होता है

पहला प्रश्न ही यही है इकोलॉजी क्या है जल्दी जल्दी से आपको पता है ना ये पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे कहां पर करना है हमारे जो दोस्त हमारी जो कम्युनिटी है ठीक है एप की वहां पर हम आपको ये पीडीएफ अभी खत्म होते ही आपकी जैसे मैराथन खत्म होगी हमें हमारी वाली पीडीएफ हम आपको वहां पर प्रोवाइड करा देनी है ठीक है चलो आंसर क्या हो गया कह रहे हैं सर बी आंसर लगा रहे हैं स्टडी ऑफ इंटरेक्शन इंटरेक्शन है ये किसके साथ में कह रहा है ह्यूमन का या का यानी ऑर्गेनिज्म के साथ जो इंटरेक्शन है उसे क्या नाम देते हैं उसे नाम देते हैं इकोलॉजी बिल्कुल सही जवाब है अगला क्वेश्चन अब भाई ये क्वेश्चन तो बहुत सरल है आता है तो बहुत अच्छा है नहीं आता है तो मैं आपको बताता हूँ विच आर द फॉलोइंग इज द ए बायोटिक फैक्टर ऑफ द इकोसिस्टम ए फैक्टर कौन है प्लांट सनलाइट एनिमल या फिर फंसाई ए बायोटिक डैट मीन वो जिंदा है लिविंग है वो नॉन लिविंग है ठीक है जैसे अगर हम ए बायोटिक की बात करते हैं तो कौन आ सकता है ए बायोटिक में दोस्त ए बायोटिक में अगर हम बात करें तो कौन आ सकता है तो दोस्त हमारा आएगा जैसे यूमिडिटी किसमें आएगी ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी कह सर इसमें पीएच किसमें सर इसमें अच्छा कोई कंडीशन है सोइल कंडीशन है तो इसी में सोइल कंडीशन है तो इसी में अच्छा इसके अलावा लाइट हो गई तो इसी में सनलाइट हो गई तो इसी में ठीक है ये सारी की सारी चीजें जो दोस्त देख रहे हो ये लिविंग है क्या नहीं ये नॉन लिविंग है ठीक है ये कैसी है नॉन लिविंग है अच्छा वहीं अगर लिविंग की बात करोगे तो लिविंग में कौन-कौन आएगा वायरस सर किसी में 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 नहीं रख सकते ना लिविंग में ना, लिविंग नॉन याद कर लेना वायरस को किसी में नहीं रखते ना लिविंग में ना नॉन लिविंग में आउट ऑफ द हॉस्ट वो नॉन लिविंग होता है हॉस्ट के अंदर जाके वो लिविंग हो जाता है तो दोस्त ये हमारा क्या है बीच का है ठीक है, आ, ये बीच वाला है. प्लांट लिविंग में एनिमल लिविंग में फंजाई लिविंग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग में तो दोस्त ह्यूमन लिविंग लिविंग में में निमेटोड इंसेक्ट लिविंग में दोस्त वो सारे लिविंग में आएंगे वो हमारे जो भी इकोसिस्टम में होंगे यहां पर सनलाइट जो है वो कैसा हो जाएगा ए बायोटिक फैक्टर है हालांकि आपका आंसर एकदम सही है आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा हमारा बी अगला क्वेश्चन बताइए व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन द मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम में एनर्जी का सोर्स क्या है वाटर सॉयल सनलाइट या फिर एयर प्राइमरी सोर्स का दो या फिर कभी अगर लिख के आ जाए अल्टीमेट सोर्स तो दोस्त फिर भी कौन है वो भी यही है कौन सनलाइट कौन है सनलाइट आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा सी ठीक है आंसर क्या हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर अगला क्वेश्चन बताओ भाई इजेशन of, of इंक्लूडिक जाते हैं इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं पॉपुलेशन नहीं दोस्त एक जैसे लोग जब मिल जाते हैं तो पॉपुलेशन बनाते हैं गलत इकोसिस्टम तो ये तो दोस्तों इंटरेक्शन हो गया बायोस्फेयर बड़ा टर्म हो गया यहाँ आंसर क्या हो जाएगा

अब मैं थोड़ा सा आपको एक बार फिर से एक ट्रॉफिक लेवल वाली कहानी को समझाने का प्रयास करूंगा थोड़ा सा और आप पहले बता दीजिए हमें कि आपका क्या मन है कि उसे आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं तो बताएं हम आपको सही है बी आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही 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 जवाब जवाब है 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 यानी उसको कौन करता है? Decomposer करता ठीक ठीक फंजाई सब कुछ इसमें आते हैं है? हमारा पर सही है, be, एकदम सही होगा जल्दी से इसका आंसर देंगे वॉट इज द टर्म फॉर द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज वॉट दैट इज अ पर्टिकुलर कैन सपोर्ट डिफिनेटली Hmm. बहुत बढ़िया तन्मय मैथ बहुत अच्छे सही जवाब है आप सभी लोगों का गुड 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 अभी हम बिल्कुल बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा आंसर दोस्त, हमारा हो जाएगा क्या कैरिंग कैपेसिटी टर्म फॉर मैक्सिमम पॉपुलेशन पर्टिकुलर इनवायरमेंट सपोर्ट इनकाइट आंसर कितनी कैपेसिटी वो एक मतलब एक साथ ले जा सकता है कितने लोग वहां पर रह सकते हैं डैट इज हमारी कैरिंग कैपेसिटी ठीक है और इसके साथ में एकोलॉजिकल फ्रुटप्रिंट का मतलब है दोस्तों जो आगे आप देने वाले हो उसका मतलब एक तरीके से आ, बोल सकते हैं कि आ, वर्ड की नहीं होता है कि कोई छोटी सी आप चीज़ें छाप छोड़ देते हैं उसको है ठीक है बायोटिक पोटेंशियल जितने लोग वहाँ पर हैं ठीक है बायोटिकली पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पे पर यूनिट एरिया पे रहने वाले लोग इन द वाटर साइकिल द प्रोसेस वेयर द वाटर इज रिलीज फ्रॉम द प्लांट लीफ जब हमारा प्लांट लीव से वॉटर रिलीज होता है उसे क्या नाम देते हैं हम्म hmm. एक बार रैपिड हम पूरी फिजियोलॉजी को भी एक बार हम आपके सामने बोलना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से सारी चीजें आपके सामने से निकल जाए एक बार ठीक है जिससे कि आपके एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर लो फिजियोलॉजी को भी एक बार हमें बोलना है आंसर यहां पर क्या है ट्रांसफरेशन बिल्कुल सही जवाब होगा ए विल बी द राइट आंसर चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं बताइए द रिलेशनशिप वेयर द वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड अदर इज नाइदर हेल्प नॉर दोस्त क्या है हमारा हार्मड कुछ भी नहीं उसे फर्क पड़ा यहां पर चार टर्म लिखे हुए हैं हम चारों टर्म को एक बार बताते हैं आपको आप खुद ही समझ जाओगे मैं पहले लिख भी दूंगा एक बार जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी लोग ठीक है बेनिफिटेड को हम प्लस से बताएंगे अगर उसे घाटा हो रहा है तो निगेटिव से बताएंगे अगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ठीक है तो दोस्त उसे हम क्या करेंगे जीरो से दिखाएंगे ठीक है देखो दोस्त अगर आपका एक फायदे फायदे में में है है दूसरा भी मीन आपकी क्या है म्यूचुअलिज्म है क्या है वो म्यूचुअलिज्म है अगर पूछा जाए एक घाटे में है दूसरा भी घाटे में है तो क्या होगा तो होगा दोस्त कंपटीशन क्या होगा कंपटीशन ठीक है कह करें हाँ सर अगर आपका एक बेनिफिटेड है और एक को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है जो यहां पर भी पूछा गया है एक बेनिफिटेड है अदर इज ना तो उसे कोई मिला है ना कोई हार्म है ठीक है जो यहां पर पूछा गया है वो दोस्त आंसर क्या हो जाएगा उसका उसका हो जाएगा कॉमेंसलिज्म क्या हो जाएगा ठीक है अच्छा एक और होता है एक को घाटा हुआ लेकिन एक को कोई फर्क नहीं पड़ा दैट इज नोन एज अमेंसलिज्म क्या होता है अमेन्सलिज्म ठीक है तो म्यूचुअल दोनों फायदे में दोनों घाटे में कंपटीशन एक फायदे में एक घाटे में कॉमनसलिज्म और एक घाटे में एक कुछ नहीं मतलब एक फायदे में कुछ नहीं कॉमनसलिज्म एक घाटे में और एक कुछ नहीं तो दोस्त एमेंसलिज्म अगर एक को फायदा और एक को घाटा हो रहा है तो दोस्त इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग पैरासिटिज्म या फिर प्रीडेशन दोनों बातें बोल सकते हैं लेकिन तब बोलते है जब दोस्त क्या है की तरह रहते हैं। क्या दोस्त हमारा घाटा करते हैं हाँ थोड़ा बहुत कोई फर्क पड़ता है नहीं तो पड़ता तो नहीं लेकिन घाटा तो करते हैं ये पैरासिटीजम का मतलब दोस्त अब ये देख रहे हो एक को फायदा इतना कि एक का पेट भर गया दूसरे का फायदा इतना एक का घाटा पे लेकिन वहीं पर जब हम लोग एक को फायदा एक को घाटा तो एक को दोस्त जान से हाथ धुलनी पड़ती है और एक को एक को पेट भरता है तो ये दोस्त हमारा क्या हो जाता है ये हमारा हो जाता है प्रिडेशन क्या मेरी बात समझ गए हैं जल्दी से बताओ वाई टाइप करो भाई समझ गए हैं अगर क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से सी इसका जवाब होगा अगला क्वेश्चन व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कंज्यूमर इन द फूड चैन प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं अभी मैं एक और बहुत अच्छा अमित आपका कदम करने वाला हूं ये जो आपको फूड वेब बनाते हो ना उस पर प्रॉब्लम आती होगी आज के बाद नहीं आएगी <laughs> आंसर लाओ इसका आंसर लाओ भाई निधि बहुत अच्छे गुजंत अभी हाँ सिमरन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया नीलम बहुत बढ़िया सोनिया आंसर क्या हो गया आंसर दे रहे हैं ए सही जवाब है अब देखो दोस्त फिर एक छोटी सी चीज आप समझनी पड़ेगी आपको यहां पर वो है फूड वेब अगर मैं कभी आपको एक हल्का सा ये ट्रॉफिक लेवल बना के दिखाऊं ठीक है अगर ये बना के दिखाऊं तो दोस्त इसमें आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी दिख रही होंगी नो डाउट अगर मैं बात करूँ सबसे ज्यादा संख्या में ये हैं इसके बाद ये है इसके बाद ये है एक ये है तो दोस्त ये प्रिंट जैसी संरचना ट्रॉफिक लेवल कहलाते हैं सबसे नीचे जो इसमें है उनको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर ठीक है दूसरे पे जो है उनको हम लोग बोलते हैं क्या दोस्त हरबी बोरस क्या बोलते हैं हरबी बोरस तीसरे नंबर पे जो है उनको बोलते हैं कार्नी बोरस लेकिन कैसा प्राइमरी और इसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्निबोरस कैसा सेकेंडरी कार्निबोरस या फिर इसी को बोलते हैं टॉप कार्निबोरस टॉप कार्निबोरस जो ट्रॉफिक लेवल में खाना बनाते हैं वो सिर्फ एक ही है वो हमारे कौन प्रोड्यूसर ये खाना बनाते हैं ठीक है जब ये खाना बनाते हैं तो इसको जो खाते हैं वो कौन है हरबी जैसे कि दोस्त रैबिट ये हमारे प्लांट हो गए ठीक है ये कौन हो गए प्लांट हो गए इनको जो खाएगा वो कौन हो गया वो दोस्त हमारा प्राइमरी कंज्यूमर हो गया देखो दोस्त हरबी बोरस आर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल और प्राइमरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर है ये ठीक है और ये दोस्त कौन है हमारा रैबिट हो गया ये देखो इसको खा लेगा घास को खा लिया और रैबिट रैबिट को को कौन खाएगा रैबिट को सर कोई भी खा सकता है <laughs> हिरन आया खा लिया हिरन ही आ गया ठीक है ये हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया कौन हिरन और दोस्त हिरन ने इसको खा लिया लेकिन ये कार् कौन सा हुआ प्राइमरी और लेवल कौन सा हुआ इसका तीसरा ट्रॉपिक लेवल थर्ड पे है कार्निवोरस ठीक है और दोस्त ये देख रहे हो ना सेकेंडरी और दोस्त कंज्यूमर कौन सा हुआ ये ये दोस्त प्राइमरी कार्निबोरस है सेकेंडरी कंज्यूमर है सेकेंडरी कंज्यूमर है सेकेंडरी कंज्यूमर है सॉरी सेकेंडरी कंज्यूमर है ठीक है कौन हिरन अब दोस्त यहां पर बैठा था शेर कौन था शेर शेर जो है बोल सकते हैं टर्सरी कंज्यूमर है या तो दोस्त टर्सरी कंज्यूमर है या सेकेंडरी कार्निवोरस है या ट्रैफिक लेवल फोर है कहां पर है दोस्त शेर ये सबको खा डालेगा ये कहां बैठा है सबसे टॉप पे अगर कभी पूछा जाए सबसे मोस्ट क्रूशियल इसमें कौन सा है तो दोस्त ये शेर है सबसे इंपॉर्टेंट है ये सारी पॉपुलेशन को क्या कर रहा है मेंटेन करने का, का काम कर रहा है कौन ये ये सारी पॉपुलेशन को मेंटेन करने का, का काम कर रहा है ठीक है कौन ये ठीक है मेरी बात समझ गए क्या मेरी बात समझ गए क्या दोस्त यहां पर पूछा था कि आपका कौन यहां पर प्राइमरी कंज्यूमर है तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन है दोस्त ये तीन टर्म और आएंगे एक आएगा हरबी बोरस एक आएगा दोस्त आपका हरबी बोरस ठीक है एक आएगा आपका हरबी बोरस एक आएगा दोस्त आपका कार्नी बोरस और एक आएगा, आएगा आपका ओमनी बोरस और एक आएगा आपका डीकंपोजर चार टर्म और आएंगे ये ओ अरबी बोरस जो घास फूस खाते हैं कौन जो घास फूस खाते हैं जैसे हम लोग ठीक है क्या है वो हम 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 लोग नहीं हम ठीक है ये दोस्त अरबी बोरस है ठीक है अब दोस्त जो लोग क्या खाते हैं जो मीट खाते हैं यानी दोस्त लोग मांसाहारी हैं उनको हम लोग कार्नी बोरस नाम देते हैं और जो दोनों खा लेते हैं कहते हैं ना दोस्त हम इस Unless, इसको मानते ना उसको मानते जो है सब लाओ वो हमारे ओमनी बोरस हैं.

प्रोसेस बाय द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज कन्वर्टेड इन टू इन ऑफ प्लांट डेट इज यूज देखो प्लांट के यूज के लिए अगर वो कन्वर्ट हो रही है, दोस्त, वो प्लांट क्या कर रहा है उसे बदल रहा है ठीक है बताओ भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बढ़िया गुजंत आंसर यहां पर क्या होगा यहां पर आंसर होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन को क्या किया एटमोस्फेयर की बदल दिया आंसर क्या हो जाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन ठीक है चलो अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ये रहा वॉट इज द टर्म फॉर द वैरायटी ऑफ लाइफ वैरायटी ऑफ लाइफ इन एन इकोसिस्टम एक इकोसिस्टम में वैरायटी ऑफ लाइफ रह रहे बहुत सारे लोग रह रहे हैं ठीक है द जेनेटिक स् एंड द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी सब कुछ दोस्त वहां पर है यानी दोस्तों हम बोल सकते हैं कि ये कौन सी चीज है क्या चीज है ये बायोडाइवर्सिटी है या कंजर्वेशन है या बायो है या फिर दोस्त सक्सेशन है अगर हम तुमसे कहें बायोडाइवर्सिटी डैट मीन दो वहां जहां पर वैरायटी ऑफ थिंग्स रहती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं उसको ही हम लोग बायोडाइवर्सिटी आंसर भी हमारा यही होगा ए विल बी द राइट आंसर ठीक है यहाँ ए आंसर होगा बिल्कुल सही है कंजर्वेशन का मतलब होता है दोस्त सॉरी कंजर्वेशन का मतलब होता है जब कोई चीज को हम संरक्षित करना चाहें जैसे या तो इन सीटू करेंगे या तो सी सीटू करेंगे इन सीटू का मतलब होता है जहां पर जो चीज है वहीं पर उसको कंजर्व कर दो स्पेशीज की डायवर्सिटी है तो उसे वहीं कंजर्व कर दो या उसे ले आके घर में या किसी स्पेसीमेन में या फिर दोस्त तो किसी हार्बेरियम में या किसी लैब में जाके संरक्षित कर देना डायट इज कंजर्वेशन बोटेनिकल गार्डन जुलॉजिकल पार्क वाइल्ड लाइफ सफारी सीड बैंक ये सब हमारे कैसे हैं दोस्त सारे के सारे एक सीटू कंजर्वेशन है ठीक है नेशनल पार्क जबकि जो हमारे आते हैं इन सीटू कंजर्वेशन में आते हैं बायो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है दोस्त वाटर बॉडी को क्या करो दोस्त आप मैग्निफाइड कर दो बायोमैग्निफिकेशन डैट मीन जो न्यूट्रिय है आपका कहां पर आ जाए आपके गुल गुल के वाटर में आते हैं डैट मीन आप जो है ठीक है और वहां से आपने क्या किया दोस्त उसे हमने कंज्यूम किया उसे किसने कंज्यूम किया हमने कंज्यूम किया या खाना है या कोई पेस्टिसाइड है आप खेत में डालने गए तो दोस्त वहां पर खेत में आपने डाला कुछ प्लांट में उसका असर आया और वो हमने खाया तो दोस्त पेस्टिसाइड फाइनली कहां पर आ गया कह रहे सर हमारे हमारे अंदर अंदर अब वो जो हमारे अंदर आया है ना दोस्त कहीं ना कहीं हमारे अंदर डिपोजिट तो हो ही रहा है ना चाहे वो दोस्त खेत में पड़ा हुआ पेस्टिसाइड हो चाहे पानी में आपका क्या सीवेज वाटर हो चाहे वो दोस्त आप हवा जो आप ले रहे हो यानी कि दोस्त प्रदूषित हवा ले रहे हो यानी हवा पानी खाना सबसे जो हमने प्रदूषण लिया है या कोई गंदगी जो चीज एलिमेंट हमारे अंदर जा रहे हैं तो वो दोस्त हमारे अंदर क्या, क्या हो रहा है? डिपोजिट हो रहा है दैट इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन क्या हो रहा है बायोमैग्निफिकेशन हो रहा है ठीक है सक्सेशन का मतलब क्या होता है सक्सेशन का मतलब होता है ग्रेजुअली चेंज इन द स्टेट जैसे कोई चीज़ थी मान लीजिए हम कहें कि एक खेत था ठीक है वहाँ पर बंजर था पहले फिर वहाँ पर धीरे धीरे तुमने देखा कि घास आई घास के बाद वहाँ पर धीरे धीरे क्रॉपिंग लगने लगी आज वहाँ पर खेती भी होने लगी बहुत लंबा प्रोसेस है ईयर्स में होता है एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस जिसमें हमारा क्या कहता है ग्रेजुअली चेंज हो के कोई लैंड जो है वो हमारी क्या है एक प्रॉपर सेटलमेंट में आ जाती है उसको हम लोग सक्सेशन नाम देते हैं ठीक है इसमें प्राइमरी सक्सेशन सेकेंडरी सक्सेशन भी होता है छोड़ो ज्यादा हो जाएगा आंसर बताओ आंसर दो भाई विच इज द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है हा रिन्यूएबल एक होता है दोस्त दोस्तों जिसे हम कभी खत्म नहीं कर सकते वो खुद ही क्या हो रही है रिन्यू हो रही है रिन्यू हो रही है लेकिन जो चीज खत्म हो जाए डेट इज नॉन रिनिवल जैसे हमारा फ्यूल है ठीक है ये नॉन रिन्य सोर्स ऑफ एनर्जी है लेकिन जहां पर हमारी बात करते हैं किसकी आंसर दो भाई पहले आंसर देने में बहुत कच्चे हो तुम तो। हाँ जैसे विंड एनर्जी की बात करो टाइडल एनर्जी की बात कर लो वेव एनर्जी की बात कर लो एयर एनर्जी की बात कर लो ठीक है न्यू और ये हमारी दोस्त इसके अलावा सोलर एनर्जी की बात कर लो ये हमारी कैसी एनर्जी है ये हमारी एनर्जी रिन्य सोर्स ऑफ एनर्जी में है अदर देन जो हम लोग नॉर्मली पेट्रोल डीजल ठीक है बायोफ्यूल गैस जो यूज कर रहे हो सब ये हमारी किसमें आती नॉन रिनल में आती है आंसर क्या हो गया हमारा यहाँ पर ठीक है कोल, नेचुरल गैस न्यूक्लियर एनर्जी सब किस में आएगी नॉन रिनेबल में आएगी आंसर यहां पर सी हो जाएगा अगला प्रश्न गॉड oh अभी अभी मैंने बताया क्या इसको कर लेंगे क्या इसको कर लेंगे जल्दी से बताओ इवेल्यूशन एडोप्शन सक्सेशन या इमाइ्रेशन क्या इसको कर लेंगे जल्दी से गुड़, 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 गुड़। आंसर 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 क्या क्या हो 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 जाएगा? जाएगा जाएगा? हमारा हमारा सी। सी विल बी अगला क्वेश्चन ये रहा। बताओ, क्वेश्चन का क्यू नहीं। इन द फूड वेव व्हाट इज द टर्सरी कंज्यूमर इसमें से टर्सरी कंज्यूमर कौन है बताओ हार्वी बोरस डिकम्पोजर प्रोड्यूसर या कार्नि डेट ईट दार्वी बोरस टर्सरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कार्निबोरस हार्वी बोरस हमारे कैसे होते दोस्त? आ, बोरस जो हमारे क्या करेंगे इसको ही खा लेंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे दोस्त वो हमारे क्या है हमारे हो जाएंगे कॉमन टर्सरी कंज्यूमर ठीक है अगला क्वेश्चन व्हाट इज द ग्रीन हाउस गैस व्हाट इज द ग्रीन हाउस गैस दैट कंट्रीब्यूट टू द क्लाइमेट चेंज कंट्रीब्यूट क्लाइमेट चेंज आंसर दो जल्दी जल्दी से बी आंसर दे रहे हैं अच्छा अभी मिलते हैं तुमसे हमको तो पता ही नहीं था क्लाइमेट चेंज में वही काम करेगा ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है सी आंसर दिए हैं अब कुछ चलो कुछ इज्जत बचाई देखो दोस्त एक होती है सीओ टू एक होती है मीथेन ठीक है मीथेन यानी सीएच फोर और इसके अलावा दोस्तों एक होती है सीएफसी एक होती है नाइट्रस ऑक्साइड ठीक है ये मेनली होती है चार गेट ऐसे याद कर लेना है छ चौदह बीस साठ ये प्रतिशत है इनका ठीक है जो हमारी जो हमारे क्या करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट काज करते हैं ठीक है समझ गए गुड 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 आंसर हो गया चलो C will be the right answer. ये सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं ये हमारे कुछ और जेटीए के लिए लगाए थे हम ये नहीं आपको बताएंगे लेकिन हम आपको एक चीज छोटी सी और बताएंगे वो है हमारी एक बार फिजियोलॉजी का फास्ट रिवीजन जल्दी जल्दी से सुनना है कभी भी अगर आपके सामने जो चीजें आती हैं तो उनको कैसे हम डील करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में क्या क्या चीजें आपसे बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं ठीक है जैसे दोस्त फोटोसिंथेसिस से प्रश्न बनना बिल्कुल लाजमी है प्रकाश संश्लेषण पूछेगा दोस्त इसमें वैज्ञानिक का नाम पूछेगा आपसे तो दोस्त आपको पहले तो याद कर लेना है टी डब्ल्यू एंगलमैन नाम ठीक है जिन्होंने एक्शन एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था कौन है एंग्लमैन ठीक है एक तो इनका नाम अच्छा एक और आएंगे हमारे वैज्ञानिक ठीक है आ, कौन है वो हमारे हैं ऑक्सीजन की खोज करने वाले ऑक्सीजन की खोज ऑक्सीजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक ठीक है और इसके अलावा एक और हमारे आएंगे छोटी-छोटी सी चीजें जो रहेंगी वो हम बता देते हैं इसमें प्रोसेस में होता क्या-क्या है इसमें प्रोसेस में होता क्या क्या है जैसे हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस पूछा जाएगा कैसी प्रोसेस है तो दोस्तों याद कर लेना ये एनाबोलिक प्रोसेस है कैटाबोलिक और एनाबोलिक क्या होता है जो चीज़ें टूटेंगी छोटी छोटी चीज़ें जब जुड़ती हैं और एक बड़ी चीज़ का क्या करती हैं निर्माण करती हैं तो दोस्त यहाँ पर एनर्जी हमें देनी पड़ती है और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं इसको नाम देते हैं हम लोग एनाबोलिक लेकिन जस्ट उल्टा एक बड़ी चीज़ जब टूटेगी छोटी छोटी चीज़ें बनाती है जैसा रेस्पायरेशन में होता है यहाँ पर दोस्त क्या है ये हमारा ये हो जाती है हमारी

होता है पी एस वन एक होता है पी टू और पूछा जाएगा पीएस वन का रिएक्शन सेंटर नेम बताओ तो पी एस वन पी सेवन हंड्रेड लेकिन पी एस टू पी सिक्स एट्टी कौन है पी सिक्स एट्टी जिसपे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है वो है 300 से 700 यानी दोस्त इसी को 400 से 700 इसको हम लोग बोलते हैं पार क्या बोलते हैं पार फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन इससे पहले आओगे तो अल्ट्रावायलेट मिलेगी इसके बाद जाओगे तो इंफ्रारेड मिलेगी ठीक है ये याद कर लेना है अच्छा डार्क रिएक्शन जो दोस्त है ये हमारी क्या करती है सीओ टू का फिक्सेशन करती है जो लाइट रिएक्शन है यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है निकलती है ये मेन इसके पॉइंट थे जो आपको याद कर लेने हैं वैसे ही दोस्तों आपको रिस्पायरेशन में थोड़ा सा याद कर लेना है रिस्पायरेशन में भी आपको थोड़ा सा याद कर लेना है कि रिस्पायरेशन जो है वो हमारी कैसी प्रोसेस है रिस्पायरेशन जो है वो हमारी कैटाबोलिक प्रोसेस है कैसी है कैटाबॉलिक प्रोसेस है एक बात उसमें हमारी तीन पार्ट आते हैं एक आती है ग्लाइकोलिसिस एक आती है क्रेब साइकिल और एक आती है ईटीएस क्या आती है ईटीएस तो याद कर लेना ग्लाइकोलिसिस में नेट एटीपी का फॉर्मेशन पूछे तो एट टोटल एटीपी का फॉर्मेशन पूछे तो दोस्त दस और आपसे पूछे एटीपी का फॉर्मेशन मतलब कि नेट टोटल एटीपी फॉर्मेशन पूछे तो दस ठीक है अगर आप ग्रॉस की बात करोगे प्रोडक्शन की ठीक है प्रोडक्शन की तो दस आएगा और अगर आपसे पूछे कि आपको गेन कितनी हुई है तो दोस्त आठ ऐसे समझते हैं थोड़ा सा हम और इस प्रोसेस के दौरान जब ग्लाइकोलिस होती है जिसमें ग्लूकोज का क्या होता है ग्लाइको दैट मींस दोस्त ग्लूकोस का क्या हुआ है ब्रेकअप हो जाता है ग्लूकोस टूट जाता है किसमें पाइरुविक एसिड में किसमें पाइरुविक एसिड में इसी दौरान दो एटीपी का फॉर्मेशन होता है डायरेक्ट इसके साथ-साथ में एनएडीपीएच भी बनता है ठीक है और दोस्त दो एटी 2 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ और दोस्त इसके साथ-साथ में आपका एनएडीपीएच2 भी कितने बनते हैं दो तो टोटल एटीपी फॉर्मेशन अगर पूछ ले दोस्त तो 10 हो सर कैसे अरे ये दो हमें नेट गेन होता है बनते तो चार है दो हमारे खपत में चले जाते हैं ठीक है तो टोटल प्रोडक्शन दस का नेट गेन दो का टोटल गेन तो दोस्तों आठ का नेट गेन दो का टोटल गेन आठ का टोटल प्रोडक्शन दस का

<laughs> मैं तो नहीं लग रहा बहुत बीमार हूँ नहीं मैम चलो ठीक है ओके तो नाउ आई वांट टू हैंड ओवर थैंक यू सर अब करो बाद मैं ओपन कर देती हूँ तब तक ठीक है तो भैया ये बताओ आपने जो चीज़ें आज पढ़ी हैं ये मतलब मैराथन में हमने बहुत सारे प्लान करके रखे थे कि आपको बहुत सारी चीज़ें देनी है बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं इतने जितना हम सोचते हैं उतना तो करवा भी नहीं पाते हैं लेकिन सोचते बहुत ज़्यादा है आपके लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे आपको जब हम पी आज आपको दें तो उसमें हम आपको थोड़े से बढ़ा कर दें और इसके साथ साथ में ऑल द बेस्ट टू ऑल माई चैम्पियंस सभी को बहुत ज़्यादा ऑल द वेस्ट रहने वाला है जो बच्चे एग्जाम देने जाने वाले हैं ठीक है मां बाप का आशीर्वाद आपके साथ में है गुरुजनों आशीर्वाद है ठीक है ना हाँ बस बस देखो धीरज लिख रहे हैं इनको पढ़ना है यार पढ़ना है <laughs> चलो बातें नहीं करेंगे ज्यादा और वेरी गुड आफ्टरनून लेट्स स्टार्ट विद सेशन मेरे साथ आप जूलॉजी के क्वेश्चन करने वाले हो आपने पढ़ा भी होगा जूलॉजी के क्वेश्चन आप काफी टाइम से मेरे साथ कर रहे होंगे उसका जो आप पोर्शन देखेंगे तो इंसेक्ट मर्फोलॉजी इंसेक्ट एक्सोनॉमी इसके अलावा बॉटनी में जो जेनेटिक्स हेरिडिटी वेरिएशन का पोर्शन है वो आपने मेरे साथ किया था और थर्ड थिंग इज सेल डिविजन तो उसी के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं तो बहुत जल्दी हम 40 क्वेश्चन तो ऑलरेडी जो सैंपल क्वेश्चंस है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसके बेसिस पे करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन LD50 स्टैंड्स फॉर LD50 का मतलब क्या होता है लोअर डोज बी लीथल डोज सी लोकस्ट डोज या डी लोकस्ट डेवलपमेंट ओके जल्दी बता दो गुड आफ्टरनून दामिनी गुड आफ्टरनून यस <clears> यस <throat> yes, yes, जल्दी राइट आंसर लीथल डोज फिफ्टी ठीक है ऐसी डोज जहां पर फिफ्टी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन की डेथ हो जाती है लीथल का मतलब होता है डेडली उसे कहते हैं लीथल डोज एल डी फिफ्टी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन इसमें से किसको रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है ऑप्शन आर ए माइटोसिस बी म्यूसिस वन सी म्योसिस टू डी बोथ बी एंड सी किसे जो है रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है <coughs> बताओ बताओ बताओ। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ध्यान में रखिएगा रिडक्शनल डिवीजन का क्या मतलब है रिडक्शनल डिवीजन का मतलब है यहां पर कि जो क्रोमोजोम नंबर होता है क्रोमोजोम नंबर वो रिड्यूज हो जाता है टू हाफ ठीक है यानी अगर मदर सेल जो है मदर सेल के अंदर क्रोमोजोम नंबर होगा 2n एन इज इक्वल टू एटीन देन जो डॉटर सेल इस मदर सेल से बनेंगे उनका क्रोमोजोम नंबर n इज इक्वल टू नाइन एन इज इक्वल टू नाइन होगा यानी 18 से 9 हो गया 2n से n बन गया और ये चीज होती है म्योसिस वन में ओनली यस म्योसिस टू में फिर से इन दो से चार बनते हैं इनसे चार बनते हैं क्योंकि यू you नो know कि मियोसिस में दो न्यूक्लियर डिवीजन होती है एक वन में एक टू में ये भी याद रखना कि जो आपकी मियोसिस होती है उसमें टू न्यूक्लियर डिवीजन होती है तभी आप मियोसिस वन और मियोसिस टू करते हो पहली न्यूक्लियर डिवीजन में आपका क्रोमोजोम नंबर हाफ होता है दूसरी में फिर इक्वल हो जाता है यानी यहाँ नाइन थे तो यहाँ भी नाइन 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 तो ये इक्वल है तो यहाँ पर इसे कहेंगे कि मियोसिस टू जो है वो इक्वेजनल डिवीजन है इक्वेजनल डिविजन सेम एज माइटॉसिस ठीक है तो ओनली मिओसिस वन वुड बी द राइट आंसर ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म जेनेटिक्स वॉज फर्स्ट क्वाइंट बाय ये टर्म जेनेटिक्स सबसे पहले किसने क्वाइन की है ऑप्शन आर ए टी एच मॉर्गन बी जी जे मेंडल सी डब्ल्यू बेटसन डी जॉनसन बताओ जेनेटिक्स के फादर तो मेंडल, है मैंडल है ना ग्रिगर जॉन मैंडल जो कि ओवरऑल फादर है ठीक तो है अगर मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर बोला जाए तो बेटसन है अगर एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर बोला जाए तो वो मॉर्गन है लेकिन टर्म किसने क्वाइन की थी बेटसन ने क्वाइन की थी सी वुड बी द राइट आंसर वेरी गुड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द ट्रांसमिशन ऑफ द करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड एज जब पेरेंट्स से बच्चों में करेक्टर्स जाते हैं उसे क्या कहा जाता है ऑप्शन आर ए सेग्रीगेशन बी म्यूटेशन सी वेरिएशन डी हेरिडिटी <coughs> क्या कहा जाता है द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग ओके जल्दी जल्दी आंसर करो डी इज द राइट आंसर वेरी गुड सिमरन सो हेरिडिटी इज द राइट आंसर ठीक है ओके हु द कॉन्सेप्ट ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था जीनोटाइप और फिनोटाइप

Uh, इसके अलावा ह्यूगो ह्यूगोडीवराइस ने एक तो म्यूटेशन पे काम किया म्यूटेशन सडन चेंज इन डीएनए जो होता है अचानक से कुछ बदलाव आ जाता है और इसके साथ साथ मेंडल के जो लॉस थे उनको रीडिस्कवर किया 1900 में वन ऑफ देम वाज ह्यूगो ह्यूगोडीवराइस यहाँ पर हमारे पास आंसर कुछ आंसर गलत भी आ रहे हैं द राइट आंसर वुड बी जॉनसन ठीक है जॉन जॉन जीनो जो जो से स्टार्ट करेंगे तो जीनो टाइप जीन जीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ये सब कुछ जो है वो जॉनसन ने क्वाइन किया है जहाँ पर फिनोटाइप का मतलब होता है आउटर अपियरेंस जिसको आप देख पाते हो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है जिन ट्रेड्स को आप बाहर से देख पा रहे हो वो फिनोटाइप है जो आपका अंदर का जेनेटिक मेकअप है है ना अंदर का जो जेनेटिक मेकअप है जैसे कि कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी ये सब आपके जीनो कहलाते हैं जेनेटिक मेकअप ठीक है और ये टर्म्स दी थी किसने जॉनसन ने सी वुड बी द राइट आंसर ठीक है ओके स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज डीएनए की सबसे छोटी यूनिट को क्या कहा जाता है ऑप्शन आर ए एलील बी क्रोमोजोम सी जीन या डी आर जल्दी बताओ Hmm. ओके एग्री इंडियन ने एक हार्डी वेनवर्ग करके लिखा है हार्डी वेनवर्ग एक लॉ है उस लॉ के अकॉर्डिंग हार्डी वेनवर्ग ने क्या कहा कि जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लोग जाते हैं तो उसमें कोई भी वेरिएशन जो है वो नहीं आती है पूरी पॉपुलेशन में कोई वेरिएशन नहीं आती है अनलेस कोई माइग्रेशन ना हुआ हो कोई शिफ्टिंग ना हुआ हो ठीक है या कोई म्यूटेशन ना आया हो वहाँ पे कुछ एज्शन है तो बिल्कुल पॉपुलेशन सेम ही रहती है कुछ बदलता नहीं है उसमें ठीक है है ये हार्डी लॉ मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बताया था यहां पर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए की बात करेंगे जीन इज द स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए वेरी नाइस ओके अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एज जीन के जो टू अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं उसे क्या कहा जाता है आर ए ऑप्शनोम बी क्रोमोजोम सी जीन लोकस डी एलील शुभम कह रहे हैं थोड़ा धीरे मैम ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं आप कर चुके हो और मैराथन है तो मुझे लगा थोड़ा जल्दी चलती हूँ बट ओके थोड़ा सा स्पीड कम कर लेती हूँ जल्दी से बताओ ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन यानी जीन के दो ऑल्टरनेटिव ब्लैक वाइट टॉल डवाफ राउंड रिंकल्ड ये सब क्या होते हैं ये सब एलीलो और एलील दोनों होते हैं ठीक है यस एलील और एलिलो दोनों होते हैं वेरी गुड सो so, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए था एलिलो मॉर्फ हो चाहे एलील हो बोथ आर सेम बोथ आर सेम और ये जो एलील टर्म है ये मॉर्फ टर्म है ये बेट्सन ने क्वाइन की थी किसने क्वाइन की थी बेट्सन ने क्वाइन की थी और वो बहुत लंबा नाम था एलिलो मॉर्फ तो उसको कट शॉर्ट करके एलील कर दिया गया सो दे बोथ आर सेम ठीक है ये मैनी मोर पूछ रहे हैं कि एलिलो मॉर्फ क्या होता है बेटा एलिलो मॉर्फ और एलील सेम ही बात है बेटसन ने जो टू अल्टरनेटिव फॉर्म के लिए नाम दिया था वो एलिलो मॉर्फ दिया था लेकिन वो बहुत लंबा लग रहा था तो उसको कट शॉर्ट कर दिया छोटे में ठीक है यस नेक्स्ट क्वेश्चन टर्म इंसेक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज जो इंसेक्ट टर्म है वो कौन सी लैंग्वेज से डिराइव हुआ है ऑप्शन ए ग्रीक लैंग्वेज से स्पेनिश लैंग्वेज से लेटिन लैंग्वेज से या फ्रेंच लैंग्वेज से यस यस जल्दी ज्यादा का क्या बोल रही हूँ हाँ कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने हैं तो करना पड़ेगा जल्दी जल्दी यहाँ पर शालिनी का आंसर आ भी चुका है लेटिन लेटिन लैंग्वेज में देखो लेटिन जो है वो आई एन पर खत्म हो रहा है और इंसेक्ट जो है वो आई एन पर शुरू हो रहा है इससे आप याद रख सकते हैं इंसेक्ट लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है इसके अलावा जो एंटोमोलॉजी वर्ड है एंटोमोलॉजी वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है आर्थ्रोपोडा भी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और मेटामोरफिसिज मेटामोरफिसिज भी ग्रीक लैंग्वेज का ही वर्ड है एंटोमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट जहां पर एंटोमोन का मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज में इंसेक्ट ठीक है लोगस का मतलब स्टडी आर्थरोपोडा इज अ फाइलम ऑफ इंसेक्ट इंसेक्ट कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं आर्थरोपोडा से यानी ज्वाइंटेड लेग्स आर्थरो मतलब ज्वाइंटेड और सेगमेंटेड यह सब चीजें आपको पता होनी चाहिए बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं यहां पर सही आंसर सी हो जाएगा अगला सवाल इंसेक्ट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इन टू थ्री डिस्टिंक्ट रीजन वो कौन से रीजन है ऑप्शन आर ए हेड एबडोमिन टेल बिल्कुल नहीं इंसेक्ट में टेल कहाँ से आएगी हेड थॉरक्स हेड थॉरेक्स स्टमक हेड थॉरक्स हेड केनाल पोमोलॉजी हाँ, जो है वो ग्रीक और लेटिन दोनों का जो है मिक्सचर है ठीक है जहां पर लोगस जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और जो पोमम है वो किसका किस, किस लैंग्वेज का वर्ड है वो लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लेटिन एंड ग्रीक Yes. ती, तीन कौन से होते हैं सबसे पहले हेड होता है फिर फिर होता होता है, फिर है। body wall है, जो का बाहरी ढांचा होती वो किससे बनी होती है ऑप्शन बी प्रोटीन सी पॉलीसेड या डी ऑल ऑफ दीज बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले तो आते ही नहीं है अगर आएंगे तो लेट मी टेल यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सी डब्ल्यू सी का क्वेश्चन था द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज रिलेटेड टू आंसर होना था एंटोमोलॉजी ठीक है इसके अलावा सिम्टम आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा और मैंने दो पेपर देखे और दोनों में ही नहीं थे कोई क्वेश्चन ठीक है यस yes, डिविजन से क्वेश्चन आ सकता है फॉर श्योर ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर देखो काइटीन इज अ पॉलीसेराइड ठीक है काइटीन क्या है बेसिकली काइटीन इज कैमिकली अ पॉलीसेकेराइड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है काइटीन क्या है तो बहुत लोगों को लगता है काइटीन प्रोटीन होती है जो कि गलत है काइटीन इज अ पॉलीसेकेराइड एंड देन प्रोटीन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन होती है ऑल ऑफ दीज वुड बी द राइट आंसर ओके ग्रुपिंग ऑफ इंसेक्ट बॉडी इनटू टू और थ्री ठीक है इज नोन एज वो जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं ए टेगमोसिस बी सिम्बॉइसिस सी ऑस्मोसिस डी बोथ ए एंड बी ओके ओके थैंक यू चलो चलो हाँ जी <अंजी>, बताओ <coughs> इज द राइट आंसर टेगमोसिस ये जो हैडरक्स एबडोमिन होते हैं टेगमा कहा जाता है क्या कहा जाता है टेगमा और ये जो ग्रुपिंग हो रही है एबडोम की इस प्रोसेस को टेगमोसिस कहा जाता है ध्यान रखना अगला सवाल द इंसेक्ट बॉडी हैज डैश सिमिट्री जल्दी मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है इंसेक्ट मोरफोलॉजी का इंसेक्ट की बॉडी की सिमिट्री कैसी होती है यूनिलेट्रल बाट्रल मोनोलेट्रल बोथ वन एंड थ्री हम्म hmm. सो so, जब हम इंसेक्ट की बॉडी को बीच से काटते हैं तो वो दोनों तरफ इक्वल होती है दोनों का मतलब बाय और सिम, सिमिट्री मतलब दोनों तरफ से इक्वल होते हैं ओके अः सिम्बॉइसिस जो है वो उससे उससे रिलेटेड नहीं है एंटोमोलॉजी uh, से रिलेटेड नहीं है बेटा सिम्ब्इसिस होता है जब किसी का इक्वल बेनिफिट हो रहा हो दोनों तरफ से ठीक है वो किसी और में होता है जैसे कि पैरासाइट uh, और होस्ट uh, का रिलेशन होता है वो दोनों आपस में एक दूसरे को अगर uh, अच्छे वो कर रहे हैं हेल्प कर रहे हैं तो उनका आपस में होता है कि तू मेरी हेल्प कर मैं तेरी हेल्प करता हूँ तो वो चीज़ होती है ठीक है जी चलो सो so, uh, हो, बायोलिटरल होगा बायोलेटरल होगा इंसेक्ट की बॉडी में बायोलेटरल सिमिट्री होती है नेक्स्ट हेड इज अटैच्ड टू द थॉरेक्स बाय अ नेक लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस नेक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टमक टेल कैनाल सर्विक्स हाँ ये एक रिलेशनशिप होता है uh, मुझे बताओ हेड जो है ये हेड ये थॉरेक्स से कनेक्टेड होता है तो ये किस पार्ट से कनेक्टेड होता है वो आपको बताना है हम्म स्टमक से तो नहीं होता है ना सर्विक्स से होता है देखो हेड को सर कहते हैं को वक्ष कहते हैं सर को जो वक्ष से जोड़े सर्विक्स. ठीक है सो डी वुड बी राइट आंसर ओके बॉडी वॉल ऑफ द इंसेक्ट इज ऑल्सो नोन एज इंसेक्ट के बॉडी वॉल को और क्या कहा जाता है ऑप्शन आर ए एक्सोस्केलेटन बी इंटेग्यूमेंट सी मोल्टिंग डी बोथ ए एंड बी तो अगर हम हाँ मोल्टिंग की बात करें तो मोल्टिंग क्या होता है रिमूवल ऑफ ओल्ड स्किन रिमूवल ऑफ ओल्ड क्यूटिकल या क्यूटिकल क्या होता है सबसे आउटर वाली स्किन होती है तो वी कैन यूज स्किन हियर, ठीक है तो मोल्टिंग तो होता है जैसे वो इच्छाधारी नागिन अपनी केंचुली बदलती है ना वैसे इंसेक्ट भी अपनी स्किन जो है वो बदलते रहते हैं ग्रोथ <coughs> के पर्पज के लिए अगर हम बॉडी वॉल की बात करते हैं तो डी इज द राइट आंसर बॉडी वॉल को एक्जोस्कैलेटिन भी कहा जाता है इंटेग्यूमेंट भी कहा जाता है अगला सवाल टू पेयर ऑफ विंग्स आर प्रेजेंट इन द इंसेक्ट ऑन प्रोथॉरेक्स मीजो थॉरक्स या बोथ मीजो एंड मेटाथॉरेक्स क्या क्वेश्चन पूछा है इतना तो आपको पता है कि भाई थॉरेक्स के थ्री रीजन होते हैं प्रो मीजो और मेटा अब बोला है वो जो इंसेक्ट में चार पंख होते हैं दो आगे दो पीछे वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं वेरी नाइस ओके मीजो यानी दो पंख यहां होते हैं दो पंख यहां होते हैं यहां कोई पंख नहीं होता सो मीजो एंड मेटा डी वुड बी द राइट आंसर ओके 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 नेक्स्ट क्वेश्चन बॉडी कैविटी ऑफ इंसेक्ट फील्ड विद ब्लड एंड आर कॉल्ड एज जो इंसेक्ट की बॉडी में कुछ खाली खाली से चैम्बर्स होते हैं कैविटीज होती हैं उन कैविटीज को क्या कहा जाता है ऑप्शंस आर ए हीमोसील बी हीमोग्लोबिन सी हीमोलिम्फ डी नन ऑफ दीज कुछ और ही कहा जाता है जल्दी यस yes. ओके वेरी नाइस हमारे पास आंसर आ चुके हैं पंकज अमृता सिमरन ओके ए इज द राइट आंसर जो बॉडी कैविटी होती है उसे कहा जाता है हीमोसील क्या कहा जाता है हीमोसील कहा जाता है ए वुड बी द राइट आंसर ओके मीजो एंड मेटाथोरेक्स अलोंग विद द विंग इज नोन एज सर्विक्स स्यूडोथोरैक्स मेटाथोरेक्स या टैरोथोरैक्स uh, ये जो आपके ये वाला रीजन है जहां पर ये पंख भी लगे हैं थॉरक्स के ऊपर तो इस पूरे रीजन को पूछा है क्या कहा जाता है इस वाले रीजन को क्या कहा जाता है द राइट आंसर वुड भी देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है ओके अमृता वेरी नाइस अरित्रा इट इज टैरो थॉरिक्स टेरा का मतलब होता है विंग्स तो जब भी आप ऑर्डर पढ़ते हो लेपिडॉप्टरा तो ये टरा क्या है ये टी ए आर ए ये ऑफ इंटेग्यूमेंट यानी जो बॉडी वॉल है जो एक्सोस्केलेटन है उसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं, उसमें से एक्टिव लेयर कौन सी वाली है ऑप्शंस आर ए क्यूटिकल बी एपिडर्मिस सी हाइपोडर्मिस डी बोथ बी एंड सी सो so, जो इंसेक्ट का इंटेग्यूमेंट होता है जो इंसेक्ट का बॉडी वॉल होता है वो टोटल एक तो सबसे बाहरी लेयर क्यूटिकल होती है उसके बाद एपिडर्मिस होती है इसी एपिडर्मिस को हम हाइपोडर्मिस के नाम से भी जानते हैं एंड फिर एक बेसमेंट लेयर होती है एक बेसमेंट लेयर होती है जब इसके सेल थोड़े डिजेनरेट होते हैं तो वो बेसमेंट लेयर बनाते हैं पतली सी ठीक है और यही सेल क्यूटिकुलर सेल यही लेयर क्यूटिकुलर सेल्स को सिक्रेट करके इस क्यूटिकुलर लेयर को बनाती है क्यूटिकल लेयर जो होती है वो यस जो क्यूटिकल लेयर होती है वो इनएक्टिव होती है नॉन लिविंग होती है बचा हमारा एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस डी वुड बी द राइट आंसर तभी जो क्यूटिकल होती है इंसेक्ट की वो रेजिस्टेंट होती है ठीक है इंसेक्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है क्योंकि वो तो नॉन लिविंग है उसको फ़र्क नहीं पड़ता चोट वोट पानी का ठीक है उसमें डेसिकेशन नहीं होती ऑलरेडी मरी हुई है ठीक है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एक्टिव लेयर है हमारी एपिडर्मिस जिसको हाइपोडर्मिस भी कहते हैं तो बोथ बी एंड सी अगला सवाल द फोर विंग ऑफ हेमिप्ट्रा इज कॉल्ड एज जो हेमिप्ट्रा का फोर विंग होता है आगे वाले विंग्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है ऑप्शंस आर ए टैगमिना बी लाइट्रा सी हेमीलाइट्रा डी हॉल्टियर्स यस तो हेमिप्ट्रा ऑर्डर में क्या आते हैं हेमिप्ट्रा ऑर्डर में आते हैं आपके बग्स या वाइट फ्लाई ठीक है या एफिड्स ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्डर में क्या आता है हॉपर्स ठीक है ये सारी चीजें हेमिप्टरा ऑर्डर में आती हैं हेमी का मतलब होता है आधा तो सी वुड बी द राइट आंसर हेमी को हेमी से जोड़ो हेमी इलाइट्रा हेमी इलाइट्रा ऐसे विंग्स होते हैं जो आधे हार्ड होते हैं आधे सॉफ्ट होते हैं आधे मेम्ब्रेनस होते हैं बिल्कुल नेकेड से पतले से और आधे मोटे होते हैं जैसे बीटल के होते हैं ठीक है तो वैसे विंग्स पाए जाते हैं बग्स में <laughs> तो सी वुड बी द राइट आंसर इसके अलावा जो है वो वो होते होते, होते, होते होते हैं, हैं, हैं बहुत बहुत पतले भी नहीं होते, बहुत भी नहीं नहीं मोटे बीच के से होते हैं। और कॉकरोच में कौकरोच में ग्रास में, ठीक है ध्यान रखना और ग्रास में, इलाइट्रा वाले होते हैं बीटल्स में बीटल्स में होते हैं होते हैं आपके डिप्टऑर्डर में यानी हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो में डिप्ट्र नेक्स्ट क्वेश्चन द इंसेक्ट बॉडी इज मेड अप ऑफ डैश सेगमेंट इंसेक्ट की टोटल बॉडी कितने सेगमेंट से बनी होती है ऑप्शन सेगमेंट बी थ्री सेगमेंट सी इलेवन सेगमेंट्स या डी ट्वेंटी सेगमेंट्स हाँ जी ये है हेड ये है थॉरेक्स ये है एबडोमिन में सिक्स होते हैं एबडोमिन में थ्री होते हैं और, और सॉरी थॉरेक्स में थ्री होते हैं थॉरक्स और थ्री और नाइन टू इलेवन होते हैं मैक्सिमम एबडोमिन में ठीक है इन सब को प्लस करेंगे तो आएगा ट्वेंटी तो डी वुड बी द राइट आंसर कोई ए लिख रहा है कोई बी लिख रहा है टोटल पूछे हैं तो आपको टोटल कर देना है सारे बॉडी सेगमेंट्स को प्लस कर देना है सिक्स थ्री और इलेवन को प्लस कर देना है ट्वेंटी वुड बी द राइट आंसर ठीक है अगर पूछा जाएगा कि हेड में कितने सेगमेंट होते हैं भाई छह होते हैं अगर पूछा जाएगा थॉरिक्स में कितने होते हैं भाई तीन होते हैं और पूछा जाएगा एबडोमिन में कितने होते हैं तो भाई नाइन टू इलेवन होते हैं ठीक है ओके सो डी वुड बी द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द इंसेक्ट ब्लड इज नोन एज इंसेक्ट के ब्लड को क्या कहा जाता है ऑप्शन आर ए हीमोसाइट बी हीमोसील सी हीमोलिम्फ डी हीमोग्लोबिन बताओ यस बताओ बताओ इंसेक्ट के ब्लड को क्या कहा जाता है तो अभी आपने देखा कि ब्लड के ब्लड की मम्मा रुको जो बॉडी कैविटी होती है कैविटी उसे तो कहा जाता है सील हीमोग्लोबिन तो एक प्रोटीन होती है बचा हमारा हीमोसाइट एंड हीमोलिम्फ यस yes, हीमोलिम्फ वुड बी द राइट right आंसर क्योंकि हीमो जो साइट होते हैं उन्हें ब्लड सेल या प्लाज्मा सेल कहा जाता है क्योंकि इंसेक्ट का ब्लड प्लाज्मा सेल्स के साथ मिला होता है फ्लूडी सा होता है ठीक है तो सी वुड बी द राइट आंसर इंसेक्ट के ब्लड को हीमोलिम्फ कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन द सेकेंड पार्ट ऑफ अ टिपिकल इंसेक्ट लेग इज नोन एज या कॉल्ड एज ऑप्शन ए कॉक्सा बी ट्रोचेंट सी फीमर डी टी इंसेक्ट इन, की लेग का सेकंड पार्ट कौन सा है ब्लड सेल्स ठीक है ब्लड को कहते है, और साइट होता होता है, होता है हीमोसाइट जो ब्लड सेल्स होते हैं या प्लाज्मा सेल्स होते हैं ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स ऑल टूगेदर हीमोसाइट ओके यस द राइट आंसर इज ट्रोचेंटर ऑप्शन नंबर बी पहले कॉक्सा आता है याद करवाया मैंने पहले कोल्ड होता है फिर कोल्ड होता है आपको जुखाम होता है आप टॉर्चर होते हो फिर आपको फीवर आ जाता है और फीवर आ जाता है तो बहुत बड़ी बात है वो तो फीवर इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द इंसेक्ट लेग उसके बाद आपको लगता है टीवी तो नहीं है टीविया फिर आप टेस्ट करा लो नहीं तो तर जाओगे टार्सस तो ये एक सीक्वेंस होता है जो मैंने बहुत बार याद करवाया है ठीक है yes. यस िस टाइप ऑफ एंटीना इज फाउंड इन हनी बीज हनी बी में कैसे एंटीना पाए जाते हैं सिटेशियस अरिस्टेट जेनिक्यूलेट या क्लेवेट सो यस सिटेशियस किस में पाया जाता है ड्रैगन फ्लाई डैमसन फ्लाई में पाया जाता है लीफ हॉपर्स में पाया जाता है अरिस्टेट हाउस फ्लाई को अरेस्ट कर लो हाउस फ्लाई में अरिस्टेट टाइप के एंटीना पाए जाते हैं जीनियस हनी बी हनी भी बहुत जीनियस है भाई पॉलिनेशन भी करती है हनी भी देती है तो जेनिकुलेट इज द टाइप ऑफ एंटीने प्रेजेंट इन हनी भी बाकी बचा क्लेवेट ये होते हैं बीटल्स में ब्लिस्टर बीटल्स में ओके नेक्स्ट बड नेक्रोसिस इन वाटर मेलन एंड मस्क मेलन इज ट्रांसमिटेड बाय कौन इनको फैलाता है इधर से उधर ऑप्शन है ए थ्रिप्स बी एफिड्स सी वाइट फ्लाई डी हॉपर्स So, अगर यहां पे मैं ग्राउंड नट का पूछती तो थ्रीप्स आंसर होता लेकिन यहां पे पूछा है वाटर मेलन और मस्क मेलन का तो आंसर हो जाएगा एफ बी वुड बी द राइट आंसर हियर ओके यस ए नहीं होगा मुझे पता था ए आंसर आएंगे ठीक है चलो मणिशंकर भूल जाता है क्योंकि रिवीजन नहीं हुई होती है जब आप फोकस करोगे इधर उधर उधर सारा कुछ पढ़ने का और याद कुछ भी नहीं रहेगा तो उसका मतलब नहीं है लेकिन इस वक्त तो मतलब ही नहीं है ये बात करने का क्वेश्चन करो फटाफट फड़ से ओके द मॉडिफाइड हाइंड विंग्स इन फ्लाइज दैट आर यूज फॉर बैलेंस ओनली आर कॉल्ड एज फ्लाइज जो हाउस फ्लाई होती है उसमें कौन से टाइप ऑफ विंग्स होते हैं जो उड़ने के काम नहीं आते हैं सिर्फ बैलेंस के काम आते हैं ऑप्शन आर इलाइट्रा हॉल्टेर्स हैम्यूलाए या टेगमिना बताओ अरे सुनो ग्राउंड नट नट टी से खत्म हो रहा है तो उसका आंसर सिर्फ थ्रिप्स होगा है ना वाटर मेलन मस्क मेलन में कोई ट नहीं है लास्ट में टी नहीं है तो उसका एफिड करना ऐसे याद रखना कि दो टाइप के बर्ड नेक्रोसिस थे एक ग्राउंड नट वाला था एक वाटरमेलन और मस्क मेलन वाला था तो ग्राउंड नट टी पे खत्म हो रहा है तो वो थ्रिप्स उसका वैक्टर थ्रिप्स होगा ठीक है ऐसे याद कर लेना तो यहां पर बी द राइट आंसर गुड एंड इज इज टाइप ऑफ विंग कपलिंग जो हनी बी में होती है जब आगे वाले विंग्स और पीछे वाले विंग्स आपस में जुड़ते हैं एक लिंकिंग हुक लाइक स्ट्रक्चर से जिसे हेम्यूलाय कहा जाता है वो होता है ये विंग कपलिंग टाइप हेम्यूलेट ओके okay, ऐसी जीन जो कंट्रोल कर रही है मोर देन वन करेक्टर जीन कंट्रोलिंग मोर देन वन करेक्टर इज कॉल्ड एज ए डोमिनेंट जीन रिसेसिव जीन कोडोमिनेंट जीन या प्लियोट्रॉपिक जीन क्या कहा जाता है उसे हम्म <coughs> hmm, जल्दी ओके okay, यहां पे आंसर आ रहे हैं डी वेरी गुड प्लियोट्रॉपिक जीन इज अ जीन जिसमें एक जीन बहुत सारे करेक्टर्स को कंट्रोल करती है मेंडल ने कहा था एक जीन एक करेक्टर को कंट्रोल करती है बात खत्म लेकिन बाद में आया कि ऐसी जीन्स भी जीन्स भी हैं प्लियोट्रॉपिक जो एक ही जीन अकेली बहुत सारे करेक्टर्स को कंट्रोल कर सकती है वो है प्लियोट्रॉपिक जीन विच लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज प्रूव्ड बाय द डाई हाइब्रिड क्रॉस कौन सा लॉ है बताओ डोमिनेंस इंडिपेंडेंट असॉटमेंट या सेग्रीगेशन या दोनों थ्री और फोर थ्री और फोर तो ऑप्शन में नहीं है ए और बी रख लो जी। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है डाय का मतलब टू होता है और हाइब्रिड मतलब हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स जब हम दो पेरेंट्स को आपस में क्रॉस कराते हैं तो हमारा हाइब्रिड बनता है सो क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स फॉर टू ट्रेड्स जब हम दो डिफरेंट ट्रेड्स के लिए क्रॉस कराते हैं दो आ, पेरेंट्स के बीच में फॉर एग्ज़ाम्पल कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई इंटू स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई ये है राउंड शेप और ये है कलर तो शेप और कलर दो ट्रेड्स जो हैं वो हैंड इन हैंड चल रहे हैं रिंकल्ड ग्रीन ठीक है तो यहाँ दो ट्रेड्स की बात हो रही है ये है डाई हाइब्रिड क्रॉस और ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट को प्रूव करता है क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट कहता है कि द, जब दो ट्रेड्स आपस में पड़े हुए होंगे तो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है ये साथ में इनहेरिट नहीं करते हैं हो सकता है राउंड ग्रीन के साथ जाए येल्लो रिंकल्ड के साथ जाए इस तरीके से बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जरूरी नहीं है हमेशा एक ही तरीके से इनहेरिटेंस होगी तो इंडिपेंडेंट है ये ओके तो डाई हाइब्रिड क्रॉस इसके अलावा डोमिनेंस और सेग्रीगेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस से प्रूफ हो जाता है जहां पर हम सिर्फ एक ट्रेड की बात करते हैं दैट इज प्लांट हाइट आपने पढ़ा होगा कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है क्योंकि एक कैरेक्टर की बात हो रही है So B, independent assortment proof होता है से। ओके okay, मेंडल के लॉ जो थे वो रीडिस्कवर हुए थे किसके थ्रू किसने किए थे और 1900 में थे, 19, 1900 में 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 किए थे 19 1866 मेंडल ने अपना काम पब्लिश किया था पब्लिश किया था और नाम था उसके पेपर का एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन क्या नाम था एक्सपेरिमेंट्स एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन ठीक है ये तीनों ही ऐसे ह्यूगो काल एंड वॉन इन तीनों ने अलग अलग से काम को किया था इन 1900 ओके डी वुड बी द राइट आंसर मेंडल स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑफ हेरिडिटी इन विच क्रॉप कौन सी क्रॉप में किया था उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट नंबर ए फ्रेंच फ्रेंचबिन में किया था नंबर बी गार्डन पी में किया था सी फील्ड पी में किया था या डी टोमेटो में किया था किसमें किया था मैंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट हम्म स्पीड रखो स्पीड रखो बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं

अगला सवाल रेशियो ऑफ फीनो टाइप इन एफ टू ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज फीनोिक रेशियो क्या है cross की? सबको आता है निकालने की रट्टा मारा है ये एक यहां से कैपिटल टी एक यहां से स्मॉल टी ये बन गया अपना इसका पनेट स्क्र हम बनाते हैं ठीक है बनाने के लिए हम कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से ही क्रॉस कराते हैं ठीक है ओके यहां पे इसको इनटू करो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी ठीक है टॉल 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 और डबाफ तो क्या हो जाएगा थ्री रेशियो वन जिसमें तीन जो है वो लंबे बनेंगे टॉल एक छोटा बनेगा ठीक है यस थ्री रेशियो वन वुड बी द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मेंडल हाँ, ने मटर को क्यों चूज किया था क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप थी जल्दी लग जाते थे दो तीन महीने में सेल्फ पॉलिनेटेड भी थी और कंट्रास्टिंग करेक्टर भी थे उसमें साफ साफ दिख रहा था कि ये ये छोटा है बड़ा है ये वाइट है ये है, ये टर्मिनल पे पे लग रहा है, ये पे लग रहा रहा है है एक्सियल तो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर देखने को मिल रहे थे डी वुड बी द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल फैक्टर वॉज गिवन बाय मल्टीपल फैक्टर हाइपोथिस का किसने दिया था ऑप्शन आर ए मेंडल बी शर्मेक सी नीलसन एहले एंड डी बेंजर हां जी अच्छा एक और क्वेश्चन आता है कि जो मेंदल का मेंदल ने काम किया था वो कौन से क्वालिटी तो character, तो तो होगी है ना क्वालिटी तो मेंडल ने कौन से ट्रेड्स पे काम किया था कौन से करेक्टर्स पे काम किया था क्वालिटी वाले करेक्टर्स पे काम किया था क्वालिटी वाले करेक्टर्स क्या होते हैं क्वालिटी वाले करेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई Uh, वो नहीं है कंटिन्यूअस क्लास नहीं है डिसकंटिन्यू है मतलब या तो आर या तो पार येस नो टॉल डॉफ ऐसे क्वांटिटेटिव uh, करेक्टर्स की तरह नहीं सिक्सटी पॉइंट वन सिक्सटी पॉइंट टू सिक्सटी पॉइंट थ्री सिक्सटी पॉइंट फोर ऐसे वेट बढ़ता है ना कंटिन्यूस बढ़ता है तो उसमें कंटिन्यूस वेरिएशन होती है क्वान्टिटी वाले में ठीक है यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस का मतलब है योर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और वो किसने दी थी वो नीलसन एहले ने दी थी बीट के कर्नल कलर पे क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है बहुत सारी जीन्स पॉली जीन्स मल्टीपल बहुत सारी पॉली बहुत सारी फैक्टर और जीन्स एक ही बात है तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नीलसन एहले ने दिया था सी वुड बी द राइट आंसर जो बेंजर है उन्होंने मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन दिया था कन्फ्यूज नहीं करना है ठीक है ओके द टर्म पॉलीजीन वॉज बाय ये जो पॉलीजीन टर्म है ये किसने क्वाइन की है ए नीलसन एहले बी मादर सी बेंजर डी बेटसन मैं बिल्कुल माइक पे नहीं खाजना चाहती यार हां जी आंसर आए पॉलीजीन टर्म किसने दी है मादर ने दी है वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो क्या होती है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की ऑप्शन ए वन रेशो टू रेशो वन बी थ्री रेशो वन सी टू रेशो वन डी वन रेशो वन कोई बात नहीं मनी शंकर आप पता है तुम्हें निधि बिल्कुल आगे आएंगे एंटोमोलॉजी में क्रॉप इंसेक्ट के क्वेश्चन भी आएंगे टेंशन मत लो वो भी आएंगे इंसेक्टिसाइड के क्वेश्चन भी आएंगे सब आएगा चलो चलो अभी खत्म नहीं हुआ है वेरी गुड कंप्लीट वाली में थ्री रेशियो वन इनकम्प्लीट वाली में वन रेशियो टू रेशियो वन करवाया है आपको ओके द फर्स्ट केस ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस वाज रिपोर्टेड बाय सबसे पहला साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस किसने रिपोर्ट किया था ऑप्शन आर ए शर्मेक ह्यूगोडीवराइस बेटसन या कॉरस हम्म बताओ बताओ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इसे यूनी पेरेंटल भी कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी कहते हैं क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स का क्रॉस तो होता है लेकिन जो एफ वन होता है जो बच्चा होता है वो किसी एक पेरेंट पे पूरा का पूरा चला जाता है जैसे सारा अली खान और उनकी मम्मी है वो बिल्कुल कॉपी है ना एक दूसरे के और सैफ अली खान और उनका बेटा है तो किसी एक पेरेंट पे जाते हैं और मोस्टली वो फीमेल पेरेंट होती है तो इसे मेटर्नल इनहेरिटेंस भी कहा जाता है ठीक है और जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है वो सबसे पहले कॉरेन्स सी फॉर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस सी फॉर कॉरेंस ने सबसे पहले रिपोर्ट की थी अभी डबल एओ के एग्जाम में एक और क्वेश्चन आया था कि जो रोइड थे उन्होंने क्या किया था मेज पे दिया था साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस को के okay, अगला सवाल सीटो ट्रेगा इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ ये किसका साइंटिफिक नेम है आप वेयर हाउसिंग का एग्जाम देने जा रहे हो आप स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट जरूर कर कर जाए ठीक है ट्रोगोडर्मा किसका नाम है खपरा बीटल का नाम है ठीक है इस तरीके से स्कर्पोफेगा किसका नाम है ये सारे नाम एक बार देख कर जाना ठीक है इसके अलावा एक और क्वेश्चन होता है कि जो खपरा बीटल है वो एक अकेला ऐसा स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट है जो लो ह्यूमिडिटी पर भी सर्वाइव करता है हाई टेम्परेचर सब पे करता है और सात आठ साल सात आठ नौ साल तक बिना खाने के रह सकता है सो so, खपरा बीटल बहुत खतरनाक है और क्वारंटीन वैल्यू है इसकी एक ठीक है दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसे स्टोर्ड ग्रेन फेस्ट पता होने चाहिए जो फील्ड में भी अटैक करते हैं जैसे कि पल्स बीटल है जैसे कि पोटैटो ट्यूबर मौत है और जैसे कि एंगोइमोइस मौत है ये तीनों के तीनों फील्ड में भी अटैक करते हैं और स्टोर्ड में भी अटैक करते हैं ये आपको पता होना चाहिए सो ए वुड बी द राइट आंसर एंगोइमोइस मौत का ये है ठीक है बेसिकली ग्रेन मौत होता है तो ग्रेन सीरियल इससे याद रख लेना ए वुड बी द राइट आंसर गलत कर रहे हो सारे ए ठीक है अगला सवाल डेड हार्ट इन पैडी इज कॉज बाय आपको आ, सिम्टम्स याद होने चाहिए में, में, में के मैं आपको करवा भी दूंगी। जल्दी बताओ हार्ट में कौन करता है ये सिम्टम? ग्रीन लीफ हॉपर स्टेम बोरर या स्टिंक बग हम्म बताओ हाँ खपरा बीटल इज इक्वल टू खतरा बीटल हाँ अच्छा यस सी इज द राइट आंसर डेडली हार्ट और डेडली हार्ट के साथ साथ व्हाइट ईयर हेड व्हाइट ईयर हेड डेडली हार्ट मतलब स्टेम खोखली हो जाती है अंदर से और व्हाइट ईयर हेड ये दोनों येलो स्टेम बोरर करता है गोल फ्लाई जो है वो अनियन या सिल्वरी शूट आपकी जो शूट है वो बिल्कुल सिल्वर कलर की और जैसे अनियन की होती है वैसी शूट हो जाएगी ठीक है तो ये आपको दो क्वेश्चन यहां से याद रखने हैं इसके अलावा ग्रीन लीफ हॉपर क्या करता है जो राइज में टंगरो वायरस होता है टंगरो वायरस टंगरो वायरस उसको ट्रांसमिट करता है उसको फैलाता है ठीक है तो ये दो तीन क्वेश्चन है इस स्लाइड से और येलो स्टेम बोरर जो है वो मोनोफेगस पेस्ट है यानी सिर्फ और सिर्फ पैडी पे अटैक करता है और किसी क्रॉप को पसंद नहीं करता वो मोनो मतलब एक ठीक है ओके सी वुड बी द राइट आंसर वेरी नाइस हॉपर बर्न अपीयर इज़ ये जो हॉपर बर्न्ड सिम्टम होते हैं ये कौन सी क्रॉप में देखे जाते हैं ऑप्शंस आर ए वीट में बी शुगर केन में सी सॉर्गम में डी राइस में बताओ किसमें देखा जाता है हॉपर बर्न्ड सिम्टम ये जो ब्राउन प्लांट हॉपर होता है बीपीएच ब्राउन प्लांट हॉपर, उसका टिपिकल सिम्टम है हॉपर बर्न जहां पर खेत ऐसा लगेगा कि आग लगी थी सब जल गया है ना सब कुछ जल के राख हो गया है वैसे टाइप की अपियरेंस होगी और ये भी राइस में होता है या वीकेंड से पेडी में होता है एक ही बात है है ना पेडी में होता है ये और बीपीएच के थ्रू होता है बीपीएच इज अ मेजर पेस्ट इन राइस पैडी और इसके साथ साथ ये बीपीएच किस डिजीज को ट्रांसमिट करता है ग्रासी स्टंट वायरस ग्रासी स्टंट वायरस और इसका साइंटिफिक नेम भी तुम्हें आना चाहिए ऐसे याद रखना ब्राउन भी किसी कलर का नाम है नीला भी कोई कलर है तो ब्राउन प्लांट हॉपर का नाम है नीला पर्वता ल्यूज ठीक है ओके <coughs> okay. नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कल्चरल मैथड इनमें से कौन सा कल्चरल मैथड नहीं है ऑप्शन आर ए प्लोइंग बी लाइट ट्रैप्स सी टिलेज या डी प्र्यूनिंग ये टॉपिक है आपका इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो बार्लेट ने दिया था ठीक है उन्होंने बोला कि हमें केमिकल्स का पेस्टिसाइड्स का अंधा दूध यूज नहीं करना है हमें कोशिश करनी है एक इंटीग्रेटेड मिली जुली अप्रोच जिसमें हम कल्चरल मेथड यूज करेंगे बायोलॉजिकल मैकेनिकल फिजिकल ये सब मैथड यूज करेंगे अगर यहां पर हमारे पास आंसर आ चुके हैं हमने हमें पूछा गया है कौन सा नहीं है कल्चरल मैथड तो प्लोइंग भी हम कल्चरल प्रैक्टिस में करते हैं ये एक कल्चरल मैथड है टिलेज भी हम कल्चरल प्रैक्टिस का पार्ट है तो कल्चरल मैथड है प्रूनिंग ट्रेनिंग क्लीन कल्टिवेशन ये सब कुछ क्या है यूज ऑफ ट्रैप क्रॉप्स ये भी आपका क्या है सारे कल्चर मेथड है लेकिन लाइट ट्रैप्स मैकेनिकल मेथड है तो बी आंसर सही हो जाएगा ठीक है मैम हमने यूजी में हॉर्टिकल्चर ले लिया है ठीक है हाँ सब ठीक है हॉर्टिकल्चर सही है मेरा भी हॉर्टिकल्चर है चलो आगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोल्टाटोरियल टाइप ऑफ लेग्स आर फाउंड इन सोल्टाटोरियल लेग्स में पाई जाती हैं ऑप्शंस आर ए ग्रास हॉपर बी हेड लाइज सी कॉकरोच या डी टिक्स जब आपके खाने में नमक मिर्च ज्यादा हो जाते तो आप जंप करते हो क्या करते हो जंप करते हो सॉल्ट से याद रखना जंपिंग लेग्स को बोलते हैं जंपिंग लेग्स और जंप कौन करता है इनमें से कौन जंप करता है जंपिंग लेग्स किसमें होंगी ग्रास हॉपर में होंगी वेरी गुड सो सॉल्टटोरियल लेग्स आर प्रेजेंट इन ग्रास हॉपर कॉकरोच से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कॉकरोच की लेग्स दो टाइप की होती हैं एक एंबुलेटोरियल एम्बूला टोरियल लेग्स ठीक है और एक होती है करसोरियल लेग्स करसोरियल लेग्स कर्स उसकी जिंदगी में कर्स मिला है कि उसकी जिंदगी में भाग दौड़ ही चली रहेगी तो रनिंग टाइप ऑफ लेग्स होते हैं cursorial लेग्स एंड जब कोई वॉक नहीं कर पाता तो उसके लिए एम्बुलेंस आती है तो वॉकिंग लेग्स जो है वो एम्बुला लेग्स हैं ठीक है तो ये कॉकरोच की वो होती है कर्सोरियल लेग्स जो काला वाला कॉकरोच होता है ना ओरिएंटल कॉकरोच बोलते हैं उसको काला वाला वो बहुत तेज भागता है उसमें होती है कर्सोरियल और जो वो ब्राउन वाला होता है ना नॉर्मल जो होता है ब्राउन वाला उसमें एम्बुलाटोरियल होता है अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो एम्बुला टिक करके आना ठीक है बाकी मैं बोल नहीं सकती कि एग्जामिनर के मन में क्या चल रहा है ठीक है तो अगर एम्बूला नहीं होगा तो कर्सोरियल करके आना दोनों होंगे तो एम्बूला करके आना बाकी अगर ओरिएंटल मेंशन किया होगा तो करसोरियल करके आना ठीक है ठीक है यहाँ पे ए हो जाएगा सोल्टाटोरियल ग्रास ऑपर में होती है ओके सेपरेशन ऑफ ओल्ड क्यूटिकल फ्रॉम एपिडर्मिस इज कॉल्ड एज एक्डाइसिस एपोलिस स्टेडियम या एक्स <coughs> जब पुरानी क्यूटिकल जो है एपिडर्मिस से अलग हो जाती है उसे क्या कहते हैं हाँ मनी शंकर फिर मैं एमएससी और पी में ब्रीडिंग की तरफ आ गई ना इसलिए मेरा ग्रेजुएशन हॉर्टिकल्चर में है लेकिन फिर मैं आई एम अ ब्रीडर ठीक है इसलिए हाँ सो so, पर ए और बी में कंफ्यूजन है कोई बात नहीं कंफ्यूजन सबको होता है अगर आप मेरी पहली बार क्लास देख रहे हो द राइट आंसर वुड बी बी ठीक है है ये जो मोल्टिंग होता ना मोल्टिंग इसमें दो स्टेजेस होती है मोस्टली एक होती है एक्डाइसिस एक होती है एपोलिसिस दोनों मोल्टिंग के पार्ट्स हैं एपोलिसिस जो होती है वो इनिशियल स्टेज होती है इनिशियल स्टेज और ये जो होती है वो लेटर वाली स्टेज होती है ठीक है ये दोनों स्टेजेस मोल्टिंग की स्टेज होती है और जैसे कि मैंने आपको बताया जो इंसेक्ट का बॉडी वॉल होता है उसमें क्यूटिकल होता है और उसमें एपिडर्मिस होता है ठीक है एपिडर्मिस जब ये क्यूटिकल एपिडर्मिस से अलग होने लगती है होने लगती है तो उसे एपोलिसिस कहते हैं और जब वो पूरे तरीके से अलग श्रेड हो जाती है उसे एक्डाइसिस कहते हैं सो so, एक्डाइसिस इज ऑल्सो नोन एज मोल्टिंग <laughs> असली मोल्टिंग एक्डाइसिस है अदरवाइज अगर एपिडर्मिस से अलग होने की बात हो रही हो तो आंसर बी हो जाएगा दैट इज एपोलिसिस समझ में आ गया ओके <laughs> okay. इसके अलावा स्टेडियम क्या होता है एक मोल्टिंग और दूसरी मोल्टिंग के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है उसे स्टेडियम कहते हैं एक चांदनी रात और दूसरी चांदनी रात जहां पे इच्छा नागिन को केंचुली बदलनी है उस टाइम इंटरवल को स्टेडियम कहते हैं एक्स्यूविया क्या होता है जो स्किन रिमूव्ड स्किन है जो केंचुली फेंक दी है उसे कहते हैं आप एक्स्यूविया ओके okay, अगला क्वेश्चन सिफोनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स किसमें होते हैं बताओ मैम इन एडमिट कार्ड ऑफ सी डब्ल्यू सी देर इज प्रॉब्लम इन फोटो फ्रेम साइज वट शुड आई डू प्लीज फोटो साइज का कैसे प्रॉब्लम आ रहा है यार मैंने एडमिट कार्ड अब पर्सनली तो देखा देखा नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा कि फोटो फ्रेम का इशू कैसे आ रहा है <coughs> मुझे सच में इस बारे में नहीं पता है पर शाम को कोई सेशन होगा आकाश सर का तो वो बता देंगे हम देख लेंगे क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है अभी मुझे समझ नहीं आ पा रहा कि एग्जैक्टली exactly क्या प्रॉब्लम है है ना चलो तो बिल्कुल सिफोनिंग टाइप ए कौन लिख रहा है नो no. ए वाले गलत है <स्थिण> सुनो जब आप एक सुंदर सी बटरफ्लाई देखते हो तो आप क्या करते हो फ़ोन निकाल लेते हो क्या करते हो फ़ोन निकाल लेते हो अगर आपके यहाँ पे नाक पे या हाथ पे बटरफ्लाई बैठ गई उड़ी नहीं रही है तो क्या करोगे फ़ोन निकालोगे ना कि वाह यार बटरफ्लाई बैठ गई है. है ना तो फ़ोन फोनिंग बटरफ्लाई फ़ोन कब निकालोगे बटरफ्लाई के लिए हाउस फ्लाई इसके लिए फ़ोन कौन निकालेगा इसको देख के इसके लिए तो निकालेंगे स्पॉन्ज क्या निकालेंगे स्पॉन्ज क्यों निकालेंगे स्पॉन्ज बोलेंगे यार मखियां आ रही है बहुत गंदगी हो गई है स्पॉन्ज लाओ जल्दी से सफाई करनी पड़ेगी है ना तो स्पॉन्जिंग टाइप जो होते हैं वो हाउस फ्लाई में होता है स्पॉन्जिंग टाइप हाउस फ्लाई में होता है सिफोनिंग टाइप बटरफ्लाई में होता है बी इज द राइट आंसर द एलिमेंट्री केनाल ऑफ़ इंसेक्ट इज डिराइव फ्रॉम जो इंसेक्ट की एलिमेंट्री केनाल होती है हेअर वी आर टॉकिंग अबाउट इंसेक्ट का फिजियोलॉजी ठीक है तो इंसेक्ट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इज़ बेस्ड ऑन द एलिमेंट्री केनाल एलिमेंट्री केनाल क्या होता है इंसेक्ट की पूरी बॉडी जो होती है उसमें कुछ माउथ से लेके एनस तक एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो माउथ से लेकर एनस तक होता है ठीक है ये पूरे स्ट्रक्चर में थ्री पार्ट्स होते हैं फोरगट मिडगट और हाइंडगट ये थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है फोरगट मिडगट और हाइंडगट ठीक है अब फोरगट में क्या होता है फोरगट में पहले फेरिंग्स के थ्रू खाना अंदर जाता है ठीक है ये मैं बता देती हूँ पूछ एक दो क्वेश्चन आ भी सकते हैं इसलिए बता रही हूं सो so, ये इंसेक्ट का बॉडी है

फेरिंग्स क्या करता है? जब मुंह से खाने का इंटेक होता है वो फेरिंग्स लेता है। माउथ से इनटेक लेता है फेरिंग्स फेरिंग्स पास ऑन करता है ईसोफेगस को ईसोफेगस भी पासिंग द पार्सल क्रॉप को पार्सल कर देता है ट्रांसफर कर देता है क्रॉप जो है वो एक बैग लाइक -like स्ट्रक्चर है क्रॉप इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर जो स्टोर करता है खाने को स्टोरेज बैग है और गिजर्ट क्या करता है खाने को ग्राइंड करता है जो भी बचा हुआ खाना अच्छे से चबा नहीं पाए हैं इंसेक्ट उनको क्रश करता है उनको ग्राइंड करता है गिजर्ड और आगे मीट गट में देता है मीट गट में एंजाइन सिक्रेट होते हैं और एक्चुअल में डाइजेशन होता है फोरगट में इंजेशन हो रहा है खाने का मिडगट में डाइजेशन हो रहा है फिर जैसे ही मिड खत्म होता है और फोरगट शुरू हाइंड uh, गट शुरू होने वाला होता है वहां पर आपके माल फीजियन टिब्यूल्स पाए जाते हैं वट आर माल फीजियन टिब्यूल्स दे आर द मेजर चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द इंसेक्ट जहां से इंसेक्ट एक्सक्रीट करते हैं ठीक है यस yes. हाँ जी हाँ यस yes. सो so? द राइट आंसर वुड बी एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म बोथ है ना क्योंकि इसमें क्या होता है जो आपके एक्टोडर्म मतलब बाहर की तरफ को जो आपका फोरगट है और हाइंडगट है ये एक्टोडर्म होते हैं और जो आपका मिडगट होता है मिडगट वो एंडोडर्म होता है तो यहां पे बोथ हो जाएगा बोथ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ओके अगला सवाल मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट एक्सक्रीट 80 टू 90 परसेंट ऑफ देयर नाइट्रोजन बेस्ड इन द फॉर्म ऑफ हम्म यूरिया यूरिक एसिड अमोनिया अमोनियम नाइट्रेट शिवम बता तो दिया अच्छा किया आपने हॉर्टिकल्चर लेके बट अच्छे से पढ़ना ठीक है हाँ हॉर्टिकल्चर होपफुली सी एस ए में अच्छा ही होगा आपके कृष्णा सर आकाश सर सब वहीं से पढ़ के आए हैं है ना तो बच्चों को पढ़ने तो यार एग्जाम है दो दिन में प्लीज शिवम छः बजे आ जाए करो मंडे टू सैटरडे में अवेलेबल होती हूँ ठीक है लाइव वहाँ पे ये सारी बातें कर लिया करो वो भी शुरू एंड में अभी पढ़ने दो चलो यूरिक एसिड है ना नहीं नहीं ब्लॉक क्यों करना है पढ़ने की बात कर रहे हैं बट शिवम नहीं करोगे ना मैसेज चलो आंसर करो हाँ सबसे ज़्यादा टेरिस्ट्रियल जो इंसेक्ट होते हैं ज़मीन पर रहने वाले जो इंसेक्ट होते हैं उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड और जो वाटर में रहने वाले इंसेक्ट होते हैं उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है अमोनिया तो ये ध्यान रखना बाकी मैमल्स का यूरिया होता है ध्यान रखना ठीक है So B is the right answer. Uric acid. Okay. Now next question. Which of the following is the systemic insecticide? Please, जो chemical आपको integrated pest management करवाया है, उसमें cultural methods कौन से हैं, physical कौन से हैं, biological कौन से हैं, parasitoid और predator वगैरह और आपके जो chemical method है, उसमें uh, systemic uh, insecticide कौन से हैं, content contact sorry contact insecticide कौन से हैं, यानी uh, जो insecticide बिल्कुल system में चले जाते हैं insect के, या कुछ ऐसे होते हैं जो जहाँ पे कांटेक्ट है वहीं पर होते हैं तो इसमें से सिस्टमिक कौन सा जो सिस्टम में जाता है और इंसेक्टिसाइड भी है द राइट आंसर इज ए इमिडाक्लोप्रिड ठीक है यस नेक्स्ट रैप्टोरियल टाइप ऑफ लेग्स आर फाउंड इन रैप्टोरियल लेग्स किस में पाई जाती है ऑप्शंस ए प्रिंग मेंटिस बी ड्रैगन फ्लाई सी क्रिकेट्स डी फ्लाइज बताइए रैप्टोरियल टाइप रैप्टोरियल टाइप्स क्या होते हैं रैप्टोरियल टाइप ऑफ लेग रेप्टोरियल टाइप ऑफ लेग्स ऐसी लेग्स होती हैं जो ग्रैब करने के काम आती है ग्रास्प करने के काम आती हैं, वो लेग्स किसी दूसरे प्रे को पकड़ने के काम आती हैं और ये परेग मेंटिस में होती है ठीक है जो अपने शिकार को

सो so, आपको मैंने बताया है कि जो मेन सिम्टम्स हैं वो आपको आने चाहिए डेड हार्ट कौन कॉज करता है डबल सीड फॉर्मेशन कौन करता है कौन करता है पिंक वॉल वार्म करता है, है ना यस द राइट आंसर इज बी है ना फस गए सी वाले हेलो येलो स्टेम बोरर डेड हार्ट कॉज करता है पेडी में यहाँ पे शुगर केन पूछा है येलो स्टेम बोरर को शुगर केन से कोई मतलब नहीं है वो सिर्फ राइस को अटैक करता है क्योंकि वो मोनोफेगस पेस्ट है अगर यहाँ पे डेड हार्ट इन शुगर केन की बात हो रही है वो टॉप बोरर करेगा ठीक तो है तो सी वाले फस चुके हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन रॉजेट फ्लॉर्स इन कॉटन आर ड्यू टू ये जो रॉजिटिंग होती है छोटे छोटे से रह जाते हैं आपके जो फ्लॉर्स होते हैं

कौन सा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फोर्थ तो अगर हम एंटीने के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें पहला स्ट्रक्चर होता है स्केप ठीक है पहला स्ट्रक्चर और सबसे बड़ा होता है स्केप बेसल सेगमेंट इसे बोलते हैं सेकेंड सेगमेंट होता है आपका पेडिसल इसी पेडिसल में आपका जॉन्स्टन ऑर्गन होता है वट इज दिस जॉन्स्टन ऑर्गन इट इट इज द मास ऑफ सेंसरी सेल्स यू नो एंटीना आर द फीलर्स ऑफ द इंसेक्ट जितनी भी इंसेक्ट को खाने का वो स्मेल आता है ठीक है कुछ भी पता चलता है कि कुछ खराब होने वाला है फील आती है वो सब कुछ एंटीना की वजह से दे आर द सेंसरी ऑर्गन्स और ये जो सेंसरी सेल्स हैं ये पेडिसल में पाए जाते हैं विच इज द सेकेंड सेगमेंट ओके ओके नेक्स्ट इज़ क्या क्वेश्चन है रोडेंटिसाइड जो रोडेंट्स को मारने में रैट्स को किल करने में हेल्पफुल होता है एक और क्वेश्चन होता है अकेरी साइड क्या होता है जो माइट्स को किल करने में हेल्प करता है सो रोडेंटिसाइड जो सबसे कॉमनली यूज किया जाता है वो कौन सा है Yes, it is zinc phosphide, जिसका सिर्फ एक डोज काफी होता है मल्टीपल डोज इसकी जरूरत नहीं होती है एक डोज में रैड्स खत्म हो जाते हैं ठीक है सो दिस इज इट इसके अलावा आपको जूलॉजी में आपको पता है मोर्फॉलॉजी अच्छे से करनी है विंग्स लेग्स है ना वो सब आपको पता होने चाहिए वर्टेक्स वगैरह और आपको फिजियोलॉजी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है नर्वस सिस्टम है सब आपको कराया है वो अच्छे से कर लेना इंसेक्टिसाइड्स पे ज़्यादा ध्यान देना रोडेंटिसाइड भी याद कर लेना वॉर वगैरह होते हैं जिंक फॉस्फाइड यही दो तीन क्वेश्चन आएंगे आपके अगर आएंगे तो ठीक uh, so uh, है सो दैट्स इट ऑल द वेरी बेस्ट अब संदीप सर हैंड ओवर टू संदीप सर है ना मैं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा पढ़ाना पड़ेगा आपका पोर्शन सबसे ज्यादा आता है <laughs> चलो अब ठीक है ऑल द बेस्ट बाकी के छह बजे मिलते रहा करो मुझसे मंडे टू सैटरडे ओके बाय बाय यस चलिए तो अब एक, एक, स्टार्ट एक, करते एक, हैं एक. टॉक्सिकोलॉजी uh, में ही आता है वो जो लीथल डोज और केमिकल्स होते हैं ना वो टॉक्सिकोलॉजी का ही पार्ट होता है बेटा ठीक है उसमें वही पढ़ते हैं हम टॉक्सिकोलॉजी आर द टॉक्सिन्स जो इंसेक्ट को मारने में हेल्प करते हैं विदाउट हार्मिंग द मैमल्स और द प्लांट्स ठीक है तो वो आपके वही केमिकल्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन है ओके बाय बाय टेक केयर स्टे सेफ ऑल द बेस्ट ओके सर थैंक यू सो मच मैम तो सो कैसा लग रहा है भाई बहुत दिन बाद आई होप सो कि 11 बजे से लेके अभी तक आप लोगों ने सारे पोर्शंस का बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन किया रिविजन किया सो नाउ इट्स टाइम फॉर द लास्ट टू पोर्स ऑफ सी डब्ल्यू सी सी डब्ल्यू सी के लास्ट दो पोर्शन को स्टार्ट करने का जो वक्त है वो आ गया है सो हमें ऑडिबल सब कुछ क्लियर है एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन एक uh, छोटा सा चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि uh, भाई आप लोगों का जो just a minute please आप लोगों के लिए हम कल 12 बजे कुछ कुछ बहुत ही स्पेशल चीज लेके आ रहे हैं एंड अगर आप नहीं रहोगे तो कौन रहेगा राइट सो यू हैव टू बी प्रेजेंट ओके दैट्स ग्रेट सो लेट्स गो एट गाइज एंड स्टार्ट द सेशन आज हम लोग पढ़ेंगे दो रेस्ट ऑफ द सेशन दैट इज योर क्रॉप प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स देखो भाई क्रॉप प्रोडक्शन ना आप ऑलरेडी काफी बार पढ़ चुके हो आ, इन संकल्प क्लास एंड इवन में आप लोगों को रिसेंटली पढ़ा भी रहा हूँ पर अभी मैं जो पेड क्लास है ना उसमें इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ और जो मैंने बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ाए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन हम करेंगे ध्यान रखना जो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे बताने वाला हूँ आप लोगों को दैट विल बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सी डब्ल्यू सी तो सी डब्ल्यू सी में ना दो चीजें आपका इंपॉर्टेंट रहेगा एक है basics of economics, दूसरा है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स दूसरा मार्केट एंड तीसरा क्रॉप प्रोडक्शन में राइस व्हीट एंड मेज इन तीनों में से कोई भी चीज जो है यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए ठीक है सर करंट अफेयर्स पढ़ा दो आप यार करंट अफेयर्स यार मैं तो क्रॉप प्रोडक्शन और इकोनॉमिक्स पढ़ाने आया हूँ ठीक है एग्री करंट अफेयर्स आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए था यार नहीं पढ़े हो क्या आप लोग

उसका जो साइज है वो इतना बड़ा है तो आप सिंपली ना इसी के ऊपर लगा लो ये मत सोचो कि मैं पिक लगाऊंगा क्या करूंगा आपको चार बाय छे का पोस्ट कार्ड साइज इमेज मांगा है आप चार बाय छे का इमेज लगा लो ठीक है सो के आप चार बाय छे का इमेज लगा लो ठीक है थोड़ा जगह कवर हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है कवर होने दो ठीक है क्लियर चलो गाइस आगे बढ़ते हैं ओके okay? कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा कुछ मैं आपको थियोरिटिकली बता दूंगा और हम लोग हम लोगों को कंप्लीट करना है सो so, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नोन एज किंग ऑफ सोशल साइंस इसमें से कौन सा है जिसे किंग ऑफ सोशल साइंस कहा जाता है देखो ध्यान रखना हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है एनी देखो बहुत ही रैपिड स्पीड से कराऊंगा ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीजें हम कवर कर पाए ठीक है so, सो यहां पर अगर बात करेंगे जो किंग ऑफ सोशल साइंस है वो है यहां पर एनी वन नोन एज इट इज नोन एज सोशियोलॉजी आपके एग्जाम में क्या आएगा सर हम 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 थोड़ी सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं बिल्कुल नहीं आप सोशियोलॉजी नहीं पढ़ रहे हो यहां पर आंसर सोशियोलॉजी है लेकिन आपके इकोनॉमिक्स में आएगा आपके एग्जाम में आ सकता है क्वीन ऑफ सोशियल साइंस जो कि है इकोनॉमिक्स ठीक है ना क्वीन ऑफ सोशियल साइंस जो कि इकोनॉमिक्स से याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द सेंटर ऑफ ऑरिजिन ऑफ वीट वीट का सेंटर ऑफ ऑरिजिन कहां है साउथ अमेरिका साउथ वेस्ट एशिया साउथ अफ्रीका या यूएसए बताइए क्या होगा करेक्ट yes, सो so, यहां पर अगर बात करेंगे देखो वीट का जो सेंटर ऑफ ऑरिजिन वो साउथ वेस्ट एशिया या तुर्की रीज़न। और वहीं पे जो राइस का सेंटर ऑफ ऑरिजिन है वो है साउथ ईस्ट एशिया या फिर यहां पर आप लोगों का इंडो बर्मा रीजियन ठीक है सो द राइट आंसर विल बी बी नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्ड इकोनॉमिक्स है ग्रीक वॉर्ड डैश आंसर कमॉन गाइस देखो अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं जो इकोनॉमिक्स है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है जो कि है आपका ऑइकोनोमिकास क्या है भाई ऑइकोनोमिकास इज द राइट आंसर इसका स्पेलिंग ध्यान रखिएगा ताकि गलत ना हो द टर्म ऑइकोस मींस डैश ऑइकोस का मतलब क्या है स्पीड गाइस कम ऑन द टर्म ओइकोस मींस डैश ठीक है भाई ओइकोस की अगर हम बात करेंगे द राइट आंसर विल बी हाउस होल्ड ठीक है ना नोमोस का मतलब होता है हाउस मतलब होल्ड को मैनेज करना इज व्हाट वी कॉल इकोनॉमिक्स सो बेसिकली हम अपना जो इकोनॉमी है या फिर हम अपना जो फाइनेंस है उसे ही मैनेज कर रहे हैं और यही हमारा मेन इकोनॉमिक्स होता है इन्फ्लोसेंस इन वीट इज कॉल्ड एज डैश वीट का जो इन्फ्लोरेसेंस या हिंदी में जिसको पुष्पक्रम कहते हैं उसे क्या कहा जाता है ईयर स्पाइक सिलिकुआ या नन ऑफ द न Come on, देखो और इक, आ, वीट की अगर बात करें वीट का जो इन्फ्लोरेसेंस है, उसे यहां पर कहा जाता है आपका स्पाइक क्या कहा जाता है spike कहा जाता है? याद रखिएगा ठीक है जो का है, वो किस अप्रोच से जनरली होता है या किस तरीके से हम समझते हैं इंडिजिन एडवांस ट्रेडिशनल मॉडर्न बोथ सी एंड डी ओके सो द राइट आंसर हियर विल बी एनी गुड ठीक है सो हमारा जो अप्रोच होता है वो होता है ट्रेडिशनल एंड अप्रोच जिसको जहां पर आंसर होगा बोथ सी एंड डी क्या होगा ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न अप्रोच कॉमन ब्रेड इज डैश भाई कॉमन ब्रेड क्या है ट्रिटिकम ड्यूरम ट्रिटिकम एस्टिवम ट्रिटिकम डाइकोकम या ट्रिटिकम वलगरे कॉमन ब्रेड इज डैश देखो कॉमन ब्रेड ब्रेडवीट जो कि हम रोटी बनाते हैं या ब्रेड बनाते हैं या कुकीज बनाते हैं जो हमारा आटा और मैदा है ये दोनों है हमारा ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है भाई ट्रिटिकम एस्टिवम ठीक है सिमिलरली बाकी का भी बता दीजिएगा सारे क्वेश्चंस मैंने रखे हैं कॉमन ब्रेड वीट कॉमन आपका ड्यूरम वगैरह विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द ट्रेडिशनल डिविजन ऑफ इकोनॉमिक्स हमने देखा कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न दो डिवीजन है राइट तो ट्रेडिशनल डिवीजन के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन, एक्सचेंज ऑल ऑफ द तो ट्रेडिशनल डिवीज़न ऑफ़ इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल डिवीज़न के अंदर प्रोडक्शन आएगा डिस्ट्रीब्यूशन आएगा कंजम्पशन आएगा एक्सचेंज भी आएगा एमर वीट इज डैश एमर वीट क्या है एंसर एमर वीट इज डैश जिनको नहीं पता है प्लीज ध्यान दीजिए क्रॉप प्रोडक्शन और इकोनॉमिक्स यही दोनों जो है आपके यहां पर पोर्शन हैं जो मैं कवर करने वाला हूं तो प्लीज ध्यान दीजिएगा एमर व्हीट की अगर गाइस बात करें एमर वीट का जो साइंटिफिक नेम है वो है ट्रिटिकम डाइकोकम इफ यू आर कंफ्यूज ये चीज है क्या आपने दलिया तो खाया ही होगा भाई दलिया ठीक है या तो आपने दलिया का उपमा खाया होगा या तो दलिया का खीर खाया होगा तो ये जो दलिया है ना इसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं एमर वीट क्या कहते हैं एमर वीट कहते हैं मैकरोनी वीट इज डैश मैकेरोनी वीट क्या है ट्रिटिकम ड्यूरम ट्रिटिकम एस्टिवम ट्रिटिकम डाइकोकम या ट्रिटिकम वलगैरे आंसर प्लीज मैकरोनी वीट इज डैश बताइए जितेंद्र कौन सा एक्सप्लेन करूं देखो अभी तक तो सारे ये स्टैटिक चीजें हैं इसमें वैसे समझने वाला कुछ है नहीं बट स्टिल अगर आप कहीं पे फंस रहे हो तो डू टेल मी आई एल एक्सप्लेन इट कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है नेक्स्ट Weed, देखो यहां पर ना दिस इज नॉट ओनली एन एग्रीकल्चर एग्जाम इसमें इसमें आपका आपका एग्रीकल्चर आएगा बॉटनी आएगा इसमें आपका जूलॉजी आएगा ठीक है इसमें आपका, आपका केमिस्ट्री भी आएगा इसमें आपका फिजिक्स भी आएगा इसमें आपके बाकी सब्जेक्ट भी आएंगे ठीक है तो ये मत सोचिए कि एग्रीकल्चर से ही सारे क्वेश्चन आएंगे मैंने कोशिश की है कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन करा दो और जो जो मैं करा रहा हूँ वही चीज दूसरे क्रॉप का जो है आपको पढ़ना है ठीक है एक दिन बचा है रिवीजन कीजिए और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें चीजें हैं जो क्वेश्चन में नहीं होगा वो मैं क्लास के लास्ट में बता दूंगा उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है ठीक है सो व्हीट जो आप मैकेोनी आप खाते हो या नूडल्स खाते हो स्पैगेटी खाते हो या सेवैया खाते हो वो बनता है आपका ट्रिटिकम ड्यूरम से इसे ड्यूरम व्हीट भी कहा जाता है डेपोग मेथड ऑफ रेजिंग नर्सरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन डैश भाई जो डेपोग मेथड है नर्सरी का जो कि राइस का एक मेथड है उसको कहां से इंट्रोड्यूस

और जो मैथ इंग्लिश रीजनिंग है ना वो मेरे हिसाब से मॉडरेट होगा ठीक है क्योंकि वही डिसाइड करेगा एक्चुअली कि कौन कितना जो है यहां पर स्कोर कर रहा है ठीक है नेक्स्ट नो सॉरी लोधी भाई ठीक है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टीचर्स आर नॉट प्रेजेंट हियर राइट नाउ सो वील नॉट कवरिंग दैट ठीक ऑफ रेजिंग राइस नर्सरी वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम डैश इनटू आवर कंट्री तो डेपो मेथड जो है वो फिलिपीन से आया था कहां से आया था फिलिपीन से आया था याद रखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द मॉडर्न डिवीजन ऑफ इकोनॉमिकस इनमें कौन सा है जो मॉडन डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स के अंडर आता है ठीक है फार्म मैनेजमेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल ऑफ दी एंड सी ना दीज आर ऑल स्टैटिक स्टेटिक पार्ट ठीक है जैसे कि मैंने आपको कहा था इकोनॉमिक्स दो डिविजन में एप्रोच और एप्रोच अगर बात करूंगा तो फिर ट्रेडिशनल था प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन एक्सचेंज मॉडर्न की अगर हाँ सेक्शनल कट ऑफ भी है माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स आएंगे क्या आएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स ओनली बी आंसर टेस्ट वेट ऑफ फैलर माइनर अगर आप सोच रहे हो कि भाई टेस्ट वेट क्या चीज़ है देखो जो छोटे छोटे सीड होते हैं आंसर तो उसे दिख भी गया है छोटे सीड होते हैं उनके हजार सीड लिए जाते हैं और उनका वेट नापा जाता है और इसी को कहते हैं टेस्ट वेट अगर कोई बड़ा सीड है तो उनका सौ सीड लिया जाता है जैसे कि मान लो चना हो गया इनका सौ सीड लिया जाता है और फिर इसके वेट को वैसे तो इसके वेट को इंडेक्स वेट या सीड इंडेक्स कहा जाता है लेकिन एग्जाम्स में ना ये इंडेक्स पूछने की बजाय नॉर्मल टेस्ट पूछता है ठीक है तो एग्जाम में अगर सौ चिकपी का भी पूछे या किसी और का पूछे तो आपको जो है नॉर्मल जो आपको पता है वही लिखना है वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है ठीक uh, है फार्म मैनेजमेंट माइक्रो है ठीक है मैक्रो में पता है क्या आएगा मैक्रो में आएगा पूरा देश अनएम्प्लॉयमेंट पूरा देश का ग्रोथ जी डी ठीक है नेशनल इनकम अनएम्प्लॉयमेंट क्या है आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओवरऑल फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या है ठीक है ये सारी चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं माइक्रो में जितना भी आप एग्रीकल्चर में पढ़ते हो जैसे कि डिमांड सप्लाई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एलईएमयू एग्रीकल्चरल मार्केटिंग उसके बाद मार्केटिंग के माइक्रो प्रोस्पेक्टिव भी हैं वैसे ठीक है उसके बाद एबीएम वगैरह हो गया मोस्ट ऑफ दीस आर माइक्रो इकोनॉमिक्स ठीक है कुछ प्योर माइक्रो है कुछ प्योर मैक्रो है कुछ कॉम्बिनेशन भी है जैसे मार्केट है ना मार्केट को हम माइक्रो में भी पढ़ते हैं मार्केट को हम मैक्रो लेवल पे भी पढ़ते हैं ठीक है सो टेस्ट तो माइनर की अगर बात करूंगा तो टू ग्राम होगा ओके okay? और uh, टू ग्राम होने की अब थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं देखो फैलेरिस माइनर को हिंदी में गेहूं का मामा कहा जाता है इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो सीड है ना ये बिल्कुल व्हीट की तरह ही होता है बिल्कुल आइडेंटिकल आप नहीं पहचान पाओगे अनलेस आपको एक्सपीरियंस

तो टेस्ट वेट से क्या होता है कि हमें थाउजेंड सीड का वेट पता चलता है अब देखो थाउजेंड सीड का वेट होगा ग्राम्स वहीं पे माइनर का का सीड वेट होगा ओनली टू तो विनोइंग नाम का प्रैक्टिस होता है जहां पर हम हवा जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा में सीड को लेके ऊपर से गिराते हैं जब हम उसे गिराते हैं तो जो एक्चुअल सीड है वो पास गिरते हैं और जो वीड के सीड है वो आगे उड़ जाते हैं ठीक है तो ये हमारे पास एक फायदा है जहां पर जो फेलरिस माइनर का टेस्ट

प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन एक्सचेंज ऑल ऑफ द ठीक है सो द राइट आंसर हियर विल बी कंजम्पशन देखो जब भी आप कोई चीज को कंज्यूम करते हो ना कोई चीज को यूज करते हो तो उससे क्या होता है आपको यूटिलिटी मिलता है और आपका जो वांट होता है वो सेटिस्फाई होता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं औस क्रॉप इज हार्वेस्टेड इन देखो राइस में ना तीन सीजन होते हैं ऑस अमन बोरो ठीक है ना तो मैं ये पूछ रहा हूं कि ऑस का जो क्रॉप है या औस के सीजन का जो राइस है वो कब हार्वेस्ट किया जाता है ठीक है मई जून अप्रैल में सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर बताइए लास्ट टाइम इन एफ से इंटरव्यू मेनी क्वेश्चंस अबाउट फैलरिस माइनर देखो यार इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकता है इंटरव्यू इज मोर अबाउट हाउ यू टैकल दो क्वेश्चन ठीक है क्योंकि ऑब्वियसली आप चाहे कितना भी पढ़ लो इंटरव्यू समथिंग जो आपको एक्सपीरियंस से समझ में आता है नॉट फ्रॉम स्टडीज एग्जैक्टली ठीक है अब देखो मुझे ना मेरे एक इंटरव्यू में पूछा था बिट के बारे में क्रिप्टो करेंसी के बारे में अब ये पढ़ाया थोड़ी जाता है ठीक है ओके तो ये सारी चीजें कितना आपका आउट नॉलेज है कितना आप चीजों को पता है इट्स ऑल अबाउट द वे यू टैकल द क्वेश्चन द क्वेश्चनिटी दैट यू हैव इन आंसरिंग एंड ऑल ये ज्यादा मायने रखता है चलो फिलहाल तो यहां पर अगर बात करेंगे देखो मैं तीनों के बारे में थोड़ा बता देता हूं आपको उसके बाद आपको इसके क्वेश्चन करने में अच्छा भी लगेगा देखो ऑस का जो क्रॉप है अमन का जो क्रॉप है बोरो का जो क्रॉप है हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं मतलब सीजन ईयर के स्टार्टिंग से ऑस जो है बेसिकली आप कह सकते हो कि समर सीजन में इसकी सोइंग होती है समर सीजन में इसकी सोइंग होती है अमन की जो सोइंग होती है वो खरीफ में होती है बोरो की जो सोइंग होती है वो विंटर में होती है तो ऑब्वियस सी बात है पांच छह महीने के गैप में इनको हार्वेस्ट किया जाएगा तो ऑस का जो हार्वेस्टिंग का टाइम है वो हो जाएगा आपका सितंबर टू अक्टूबर क्या हो जाएगा सितंबर टू अक्टूबर क्यों क्योंकि अप्रैल मई के टाइम पे आप जो है इसे सोइंग करोगे अमन खरीफ है मतलब जून जुलाई के टाइम पे आप सोइंग करोगे तो इसका जो आ, सो, आ, क्या बोलते हैं आ, इसका जो हार्वेस्टिंग का टाइम है वो अराउंड नवंबर टू दिसंबर हो जाएगा अगर ऑप्शन में अक्टूबर टू नवंबर है नवंबर दिसंबर की जगह पे ता, ता, तो आप तो आप बो भी लगा सकते हो बोरो जो है नवंबर दिसंबर में सोइंग होगा इसका मतलब इसका हार्वेस्टिंग चला जाएगा ऑलमोस्ट अप्रैल के महीने में ठीक है ना मार्च अप्रैल अप्रैल मई के महीने में ठीक है इसका हार्वेस्टिंग चला जाएगा ठीक है तो बेसिकली ये ये इन तीनों के जो है क्या है सोइंग टाइम और हार्वेस्टिंग के टाइम है जो आप याद रख सकते हो ठीक है तो ऑस्क्रॉप जो है सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट होता है तो अब आप इजिली बता पाओगे ऑस्ट क्रॉप सोइंग कब होता है हा मजनू सनम एंसर कमॉन देखो सो so, ऑस् क्रॉप की अगर बात करेंगे ठीक है तो ऑस क्रॉप का अभी मैंने आपको बताया कि इसका जो सोइंग है आप कब कर सकते हो यहां पर अप्रैल में या देखो यहां पर एक चीज और ठीक है यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां मई जून ऑप्शन में है ओके तो अगर मई जून ऑप्शन में होगा रुक जा, रुक जा, रुक जाओ 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 मुझे पता है अभी बी बोल दोगे सब ठीक है अगर मई जून ऑप्शन में होगा तो आप मई जून भी लगा मई जून लगाना क्यों मई जून लगाओगे क्योंकि इसका जो सोइंग है ना ये थोड़ा सा बारिश के स्टार्टिंग में होता है ठीक है तो जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट है उनको समझ में आ जाएगा कि अगर मई जून ऑप्शन में है तो मई जून लगाऊंगा जो नॉन एग्रीकल्चर स्टूडेंट है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे ठीक है अगर ऑप्शन में मई जून है तो मई जून ही लगाइएगा ये पहला प्रायोरिटी है क्यों क्योंकि जब

सर मैंने मेल किया था कोई जवाब नहीं मिला रंजीत मिल जाएगा कल ठीक है छुट्टी था ना तो शायद किसी ने देखा नहीं होगा ठीक है चलिए सर डी जून जुलाई इज द राइट आंसर ठीक है डी जून जुलाई इज द राइट आंसर अमन क्रॉप इज हार्वेस्टेड इन अमन क्रॉप कब हार्वेस्ट किया जाता है मार्च अप्रैल अप्रैल में सितंबर अक्टूबर या नवंबर दिसंबर अमन क्रॉप इज हार्वेस्टेड इन

दिसंबर के महीने में कब की जाती है नवंबर दिसंबर के महीने में मसूरी वेराइटी ऑफ राइस हैज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम डैश इनटू अवर कंट्री मसूरी वेराइटी ऑफ राइस जो है वो कहां से इंट्रोड्यूस किया गया है बताइए थाईलैंड श्रीलंका फिलीपींस मलेशिया देखो सो द राइट आंसर हियर इज डी दैट इज मलेशिया क्या होगा डी दैट इज मलेशिया मलेशिया जो है यहां पर आपका मसूरी वैरायटी ऑफ राइस के लिए पॉपुलर है ओके okay. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नॉन ट्रेडिशनल एरियाज ऑफ राइस डैश भाई नॉन ट्रेडिशनल राइस के जो एरियाज है वो कौन कौन से हैं थाईलैंड श्रीलंका फिलिपींस मलेशिया या फिर क्या और जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा था ठीक है फिजियोलॉजी क्लास हो गई नहीं थी, ठीक है, आके करा के चले गए ओके नॉन ट्रेडिशनल एरियाज ऑफ राइस की अगर मैं बात करूं द राइट आंसर हियर इज पंजाब एंड हरियाणा पंजाब एंड हरियाणा ऐसे स्टेट है जहां पर राइस को इतना ज्यादा कंज्यूम नहीं किया जाता है ज्यादातर रोटी कंज्यूम किया जाता है राइस के कंपेरिजन में ठीक है नेक्स्ट सीडलिंग्स विल बी रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग विद इन डैश डे दे। जो डेपोक में जो डेपोक ग्रो होते हैं वो कितने दिन में रेडी हो जाते हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए और मैं इस क्लास के लास्ट में आपको एक बता दूंगा कि कौन से प्लेलिस्ट में से आप क्रॉप प्रोडक्शन के और भी ज्यादा क्वेश्चन देख सकते हो लेकिन क्या है ना कि इस प्लेलिस्ट में ये ज्यादातर एग्रीकल्चर कोर एग्जाम्स को फोकस करता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो नहीं आएंगे एग्जाम में ठीक है ना जो कि थोड़े से डेप्थ में होगा लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको संकल्प के प्लेलिस्ट के बारे में बता दूंगा जिसमें पिछले कुछ दिनों में इकोनॉमिक्स और क्रॉप प्रोडक्शन ही हुआ है वहां पर बहुत क्लियरली आपको दिख भी जाएगा लिखा भी है क्रॉप प्रोडक्शन तो आप चाहो तो उसको टू या थ्री के स्पीड पे या फॉरवर्ड कर करके कर क्वेश्चन को देख सकते हो ठीक है डेपोक्सलिंग मैम नहीं है केमिस्ट्री पैथोलॉजी की मैम नहीं है फिजिक्स के सर नहीं है ठीक है ना तो वो सब्जेक्ट्स मैराथन में नहीं होंगे मैराथन में ही जो है लास्ट एंड करूँगा

कॉपर या नन ऑफ दीज द राइट आंसर हियर विल बी डी दैट इज नन ऑफ ठीक है ना सो so, दीजा देख लो कॉपर देख लो देख लो ठीक है या यहां पर कोई भी नहीं होता है तो किसके वजह से होता है ये होता है एच टू एस या हाइड्रोजन सल्फाइड की टॉक्सिसिटी के वजह से ठीक है क्लियर ओके नेक्स्ट आज की क्लास अमरिक लास्ट क्लास है भाई परसों एग्जाम है ंगज द क्रियन ऑफ यूटिलिटी इनमें कौन सा जो है प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सचेंज ऑल ऑफ विच ऑफ दिफाइंड एज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी देखो अगर मैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी की बात करूं ठीक है किस चीज के बारे में क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी की अगर मैं बात करूं तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी बेसिकली वो

वजह से होता है मतलब बेसिकली जो लोग ग्लूटेन को हजम नहीं कर पाते हैं ना उनको सीलियक डिजीज़ होता है ठीक है जीन जो है वो मेज के प्रोटीन का नाम है लाइसिन और ट्रिप्टोफेन दो अमाइनो एसिड के नाम है ग्लूटेन व्हीट के प्रोटीन का नाम है इसीलिए जिनको सीलियक डिजीज होता है वो ब्रेड रोटी ये सारी चीज़ें नहीं खाते हैं कोई भी ग्लूटेन जिसमें पाया जाएगा उसको नहीं खाते हैं ठीक है नेक्स्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इंक्लूडेड अंडर जीनस ओराइज़ा। ओराइज़ा जो है वो राइस का यहाँ पर जीनस है ठीक है उसके अंदर कितने स्पीशीज पाए जाते हैं दस बाईस चौबीस तीस नंबर ऑफ स्पीशीज इंक्लूडेड अंडर जीनस ओराइज़ा। देखो जीनस और की अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो टोटल यहाँ पर पाए जाते हैं 24 स्पीशीज. कितने स्पीशीज पाए जाते हैं 24 स्पीशीज याद रखिएगा इसमें इस से कौन सा टर्म है जो ये बताता है कि हम एक इंसान से दूसरे इंसान को गुड्स ट्रांसफर करते हैं प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्शन एक्सचेंज ऑल ऑफ देंसर प्लीज तो यहां पे अगर बात करेंगे हम क्या करते हैं यहां पर एक्सचेंज करते हैं एक्सचेंज करने का जो प्रोसीजर है जहां पर हम बाइंग और सेलिंग करते हैं इससे हम क्या करते हैं कि हमारे जो गुड्स है उसके एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं एक्सचेंज इज द राइट आंसर इन्फ्लुसेंस इन राइस इज कॉल राइस में इन्फ्लुएंसेंस क्या होता है जितने भी मेजर क्रॉप है सबके इन्फ्लुसेंस का नाम आपको पता होना चाहिए ठीक है राइस वीट मेज एंड आपका शुगर केन ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है शुगर केन में एरो कहा जाता है मेज में मैं एक बार लिख देता हूं यहां पर ठीक है सारे के सारे ताकि एक बार क्लियर हो जाएगा अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा राइस के इन्फ्लोरेसेंस को कहा जाता है पैनिकल वीट के इन्फ्लोरेसेंस को कहा जाता है स्पाइक शुगर केन के इन्फ्लोरेसेंस को कहा जाता है एरो एरो ठीक है उसके बाद मेज में दो इंोरसेंस होते हैं मेज में एक मेल होता है एक फीमेल होता है मेल फीमेलोर को कहा जाता है टैसल, मेल को कहा जाता है टैसल फीमेल इंफ्लोरसेंस को कहा जाता है सिल्क अगर आपको एग्जाम में पूछे क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज मतलब एक ऐसा स्टेज जहां पर हमें क्रॉप में पानी देना ही चाहिए वो कौन सा है तो राइस के केस में क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज राइस के केस में इसको हम बूटिंग कहते हैं या लेट पैनिकल इनिशिएशन कहते हैं ये एक ऐसा स्टेज है जहां पर राइस के फूल के नीचे एक पत्ती निकलता है और उस पत्ती का पत्ती का जो निकलने का टाइम होता है उसे हम बूटिंग कहते हैं उस पत्ती को कहते हैं बूट लीफ क्या कहते हैं बूट लीफ आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई आप जो है जूता अपने में पहनते हो मतलब बॉडी के एंड में पहनते हो तो जो फूल होता है फूल जहां पर खत्म होता है फॉर्मेशन होना वहीं पर एक पत्ती निकलता है जो कि पहला पत्ती होता है या फर्स्ट लीफ होता है जिसको हम बूट लीफ या फ्लैग लीफ कहते हैं ठीक है उसी तरह अगर मैं वीट की बात करूं ऑलरेडी आप में से किसी ने यहां पर एंसर दिया है एग्री इंडियन वेरी गुड इसे हम कहते हैं सी आर आई क्राउन रूट इनिशिएशन जो आपका प्लांट होता है ना मान लो ये आपका व्हीट का प्लांट है ठीक है ये सॉयल है ये रूट्स है तो जहां पर ये रूट और शूट पोर्शन अलग होता है वहीं पर एक जो है आ, एक व्हाइट कलर का रूट देखने को मिलता है और इस व्हाइट कलर के रूट को हम कहते हैं क्राउन रूट क्या कहते हैं क्राउन रूट कहते हैं ये क्राउन रूट सोइंग के 21 दिन बाद देखने को मिलता है 21 आफ्टर सोइंग ठीक है इसी को हम कहते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन सिमिलरली अगर मैं मेज की बात करूं तो इसमें दो स्टेजेस है एक है टैसिलिंग एंड सिल्किंग ठीक है ना सो so, बहुत सिंपल है टैसल निकलने का जो स्टेज होता है उसे टैसलिंग कहते हैं सिल्क निकलने का जो स्टेज होता है उसे सिल्किंग कहते हैं लेकिन मान लीजिए एग्जाम में बोथ नहीं आया है आपको कोई एक चूज करना है तो क्या करोगे अगर ऐसा है तो आपको टैसलिंग चूज करना है क्यों क्योंकि दोनों फ्लावर में से पहले फॉर्मेशन टैसल या मेल फ्लावर का होता है जो प्लांट के ऊपर होता है जिसको हम टर्मिनल इंफ्लोरसेंस कहते हैं टर्मिनल मतलब एक उप, एक उप छोर है उसे टर्मिनल कहा जाता है टर्मिनल इंफ्लोरेंस टैसल होता है टैसल पहले डेवलप होता है ठीक है जिसको और और इस फेनोमेना को कहा जाता है प्रोटेंड्री क्या कहा जाता है प्रोटेंड्री कहा जाता है प्रोटेंड्री एक ऐसा फेनोमेना है जहां पर मेल जो इन्फ्लोरेसेंस से या जो मेल ऑर्गन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पहले डेवलप होता है वहीं पे अगर मान लीजिए कोई प्लांट में पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होगा तो उसे कहा जाता है प्रोटोगाइनी -तो क्या कहा जाता है प्रोटोगाइनी प्रोटोगाइनी एग्जाम में में अगर का पूछे तो बाजरा आप लिख सकते हो जनरली एग्जाम्स गया उसके बाद देखो शुगर केन का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो है एरो लेकिन शुगर केन का जो क्रिटिकल इिगेशन स्टेज है उसे हम कहते हैं फॉर्मेटिव स्टेज क्या कहते हैं फॉर्मेटिव स्टेज जहां पर प्लांट डेवलप कर रहा होता है ठीक है ये मोस्टली एग्जाम में आता है ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स क्रॉप ये चारों और इसी के चीजें आते हैं इसके अलावा जब मैं बता ही रहा हूं तो थोड़े और चीजें बता देता हूं लिख लीजिए प्लीज ठीक है देखो नेक्स्ट आता है कॉटन कॉटन की अगर बात करेंगे तो कॉटन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स याद रखिएगा जैसे कि सबसे पहला है चिपिंग क्या है चिपिंग देखो चिपिंग इन कॉटन क्या होता है कि हम ना जो वीड्स होता है उसको उखाड़ने की बजाय काट देते हैं अब ये, प्र, ये जो है इफेक्टिव नहीं है इसलिए आज के समय में इसको यूज नहीं किया जाता है इससे क्या होता है हम वीड को काट देते हैं उखाड़ने की बजाय जिससे हमें समय कम लगता है लेकिन वो वीड दोबारा से वहां पर ग्रो हो जाता है नेक्स्ट है टॉपिंग टॉपिंग जो है आपके कॉटन के साथ साथ बाकी क्रॉप्स भी हो सकता है ये टॉपिंग को हम चना में चना में या ग्राम में क्या कहते हैं भाई हम कहते हैं इसे निपिंग

चना में एक और चीज याद रखिएगा चना में दो तरह के एसिड पाए जाते हैं एक होता है, दूसरा होता है।, 90 96 पाया जाता है जबकि ऑक्सैलिक एसिड जो है पांच से दस परसेंट पाया जाता है अगर आप कभी कंफ्यूज हो गए की कौन सा कितना परसेंट है तो देखना अल्फाबेटिकली एम पहले आता है वो बाद में आता है इसलिए एम का परसेंटेज ज्यादा होगा बात खत्म ठीक है ओके ये आपके क्रॉप प्रोडक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं हाँ वेरी गुड सिवा मस्टर्ड का जो है, उसको इनको मस्टर्ड का फ्रूट को इन्फ्लोरेसेंस नहीं मस्टर्ड का फ्रूट एग्जाम में आता है और उसे हम कहते हैं सिलिकुआ क्या कहते हैं भाई सिलिकुआ वहीं पे मस्टर्ड का जो फ्लावर होता है या इंफ्लोरसेंस होता है उसे हम कहते हैं रेसिम क्या कहते हैं रेसिम अब ये जो रेसिम है ना ये मस्टर्ड में ही नहीं बल्कि और बहुत सारे क्रॉप में यूज किया जाता है ऐसा नहीं है कि ये मस्टर्ड का कोई खास चीज है रेसिम एक इंफ्लोरसेंस का अरेंजमेंट है बेसिकली ठीक है सनफ्लावर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर इसे कहा जाता है हेड जो जो फ्लावर आप देखते हो उसे हेड कहा जाता है हेड इज अ टाइप ऑफ कैपीट्यूला कैपीट्यूला या कैपीट्यूलम ठीक है वर्ड एक और क्रॉप में भी यूज किया जाता है जिसका नाम है सैफ्लावर क्या है सैफ्लावर सैफ्लावर को कहा जाता है बैस्टर सैफ्रॉन क्या कहा जाता है बैस्टर्ड सैफ्रॉन कहा जाता है अब ये बैस्टर्ड सैफ्रॉन क्यों कहा जाता है सैफ्लावर के जो पेटल्स होते हैं ठीक है सैफ्लावर के जो पेटल्स होते हैं वो ना सूखने के बाद सैफ्रॉन जैसे दिखते हैं इनमें सैफ्रॉन जैसा कलर होता है इसलिए इसको कहा जाता है बैस्टर्ड सैफ्रॉन क्योंकि ये सैफ्रॉन के साथ एडल्ट्रेशन किया जाता है क्या किया जाता है एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट किया जाता है ठीक है बाकी अगर ऑयल सीड क्रॉप के बारे में बात करेंगे तो मस्टर्ड भाई मस्टर्ड में ना दो चीजें पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसको

अवेलेबल uh, करा दिया जाएगा तो इसलिए इसका एक uh, improved या प्लांट यूज uh, किया जाता है कनाडा वगैरह में जो कि कहते हैं कैनोला कैनोला का एक डबल जीरो वैरायटी है जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है ठीक है इसमें की मात्रा काफी कम होती है ठीक है नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो ऑयल सीड के बारे में बात कर रहे हैं तो क्यों ना एक एक करके देख ही लेते हैं ठीक है सो यहां पर अगर बात करेंगे किस चीज को चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए ऑयल सीड के बारे में बात कर लेते हैं तो ऑयल सीड का अच्छा सारे किंग और क्वीन भी देख लेते हैं सारे क्या दो ही आते हैं भाई देखो आपका जो ऑयल सीड का किंग है वो है ग्राउंडनट क्या है ग्राउंड नट जबकि क्वीन है सेसमम क्या है भाई सेसमम ठीक है अब ग्राउंडनट जो आपका किंग है उसमें क्या होता है कि इसमें इस ग्राउंडनट में, इस में प्रोटीन का कंटेंट भी काफी अच्छा होता है बाकी प्लांट्स के कंपैरिजन में ठीक है ग्राउंडनट एंड सोयाबीन में प्रोटीन का कंटेंट काफी अच्छा होता है ठीक है ना यहां पर अगर बात करेंगे तो प्रोटीन कंटेंट तो होगा बैस्टर सैफ्लावर कहते हैं इंस्ट्रूमेंट है, नहीं उसके टेक्निक्स होते हैं उसको चेक करने के ठीक है जो कि नॉर्मल मतलब क्या बोलते हैं लैब वाले टेक्निक्स होते हैं जहां पर हम पता कर सकते हैं कि ये सही में आ, है या सैफ्लावर है ठीक है फोर्टी टू परसेंट जो है यहां पर में होता है जनरली प्रोटीन कंटेंट पर अगर बात करोगे तो पच्चीस छब्बीस तक आपको मिल जाएगा ठीक है पर फिर भी पच्चीस छब्बीस इज नॉट अ बैड नंबर ठीक है ना ओके ऑन बुक बुक के हिसाब से फोर्टी टू याद रखना लेकिन मार्केट में अगर आप जाके सोयाचंग का पैकेट खरीदोगे तो फिफ्टी परसेंट प्रोटीन आपको मिलेगा ठीक है सौ ग्राम का पैकेट आएगा पचास ग्राम का पैकेट आएगा सौ ग्राम में पचास लिखा होगा कि हर सौ ग्राम में आपको पचास ग्राम प्रोटीन मिलेगा ठीक है सोयाबीन एकमात्र प्लांट प्रोटीन है सोयाबीन एकमात्र प्लांट प्रोटीन है जिसे कहा जाता है कंप्लीट प्रोटीन क्या कहा जाता है कंप्लीट प्रोटीन देखो कंप्लीट इनकम्प्लीट क्या होता है पता है अगर सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है एक प्रोटीन में हमें पता है प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने हुए रहते हैं तो उसे हम कंप्लीट कहते हैं अगर सारे प्रेजेंट नहीं है तो उसे इनकम्प्लीट कहा जाता है इस टर्म्स में अगर देखेंगे, तो ग्राउंड हो जाते हैं लेकिन सोयाबीन जो है अक्सर आपने देखा होगा ग्राउंडनट को अगर ओपन करोगे तो उसके अंदर कभी कभी सीड्स नहीं होते हैं ये इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उसमें ना कैल्शियम की कमी हो जाती है जिसकी वजह से सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है ठीक है तो उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते ये क्यों होता है कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होता है और सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट को अप्लाई कर सकते हैं CO SO4 dot 2H2O ठीक है इसको अप्लाई कर सकते हैं इससे कैल्शियम क्या, क्या, सही हो जाएगा और कितना चाहिए 200 से 250 के जी 200 से 250 के जी पर हेक्टेयर

इसका फ्लावर है और इसका जो फ्लावर है ना वो येलो कलर का होता है किस कलर का होता है येलो कलर का होता है ठीक है तो ये फ्लावर ना ऊपर होता है ये फर्टिलाइज होने के बाद क्या होगा कि ये फ्लावर जो है वो नीचे जाएगा ठीक है ना नीचे जाएगा ओके तो आप, आप बोलोगे कि सर ग्राउंडर तो नीचे ही होता है जी हाँ बिल्कुल होता है तो होता क्या है पहले ये फर्टिलाइज हो जाएगा फर्टिलाइज होने के बाद ये ऐसा नुकीला सा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा फ्लावर के जो पेटल्स हैं वो झड़ जाएंगे इसी को हम कहते हैं पेग क्या कहते हैं पेग जब ये पेग सॉइल के अंदर घुसना चालू होता है इसी प्रोसेस को कहते हैं पेगिंग ठीक है पैकिंग कितने दिन बाद देखने को मिलता है सोइंग के 50 से 55 दिन बाद सोइंग से 50 से 55 दिन बाद जो है ये पेगिंग का जो क्या बोलते हैं पेगिंग का जो प्रोसेस है या पेगिंग का जो फेनोमेना है वो यहां पर देखने को मिलता है हाँ एक और चीज ध्यान रखिएगा अगर एग्जाम में पूछे कि हाईएस्ट ऑयल कंटेंट किस में होता है हाईएस्ट ऑयल कंटेंट ससम में होता है जिसके वजह से इसको कहा जाता है क्या चीज यहां पर आपका क्वीन ऑफ ऑयल सीड ऑलमोस्ट सिक्सटी टू सिक्सटी का ऑयल कंटेंट आप देख सकते हो कई जगह पर फिफ्टी टू सिक्सटी भी लिखा होगा तो गलत नहीं होगा और एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि पचपन से साठ और साठ से पचपन जो है वो दोनों आएगा हाँ बिल्कुल इसको ये गाइनोफोर होता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद और यही गाइनोफोर को हम कहते हैं पेग क्या कहते हैं पेग कहते हैं ठीक है ना चलो आ, ये हो गया हमारा तो सेसमम को कहा जाता है क्वीन ऑफ ऑयल सीड सेसमम के ना बहुत सारे नाम है तिल ठीक है ना जो तिल होता है बहुत सारे नाम है और आई बेट कि सबको तिल का लड्डू खाना बहुत पसंद होगा भाई मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है ठीक है और स्पेशली चीनी की जगह गुड़ वाले तिल के लड्डू ओ हो हो ठीक है तो ओहोम की अगर बात करेंगे इसको कहा जाता है बटर ऑफ मिडिल ईस्ट क्या कहा जाता है बटर ऑफ मिडिल ईस्ट भाई जो मिडिल ईस्ट कंट्री है ना जो अरब के देश है वहां पर सैसमम से बहुत सारे आइटम्स बनाए जाते हैं जैसे हमारे यहाँ घी बनाया जाता है दूध से बिल्कुल उसी तरह यहां पर एक घी की तरह का आइटम है मतलब सॉलिड फैट बनाया जाता है सेसमम से इसीलिए इसे कहा जाता है बटर ऑफ मिटीलिस्ट ठीक है हम जैसे बटर लगा के खाते हैं तो ये सेसमम ऑयल से इस तरीके का एक क्लेरिफाइड फैट बनाते हैं जिसको वो लगा के खाते हैं प्लस यहाँ पर एक चटनी जैसा आइटम बनता है जिसको कहते हैं तहिनी क्या कहते हैं तहिनी कहते हैं जो कि आप लोगों ने सवर सोर्मा खाया होगा सबने मेरे ख्याल से ठीक है भाई शौरमा तो वैसे नॉनवेज होता है लेकिन इंडिया में तो हर चीज़ का वेज वर्जन मिलता है और बड़ा बड़ा टेस्टी भी होता है ठीक है तो पनीर या कैबेज का शोरमा सबने खाया ही होगा अगर आप नॉनवेज नहीं खाते और नॉनवेज वालों ने भाई चिकन वगैरह खाया ही होगा ठीक है तो उसमें ना एक सेसमम का पेस्ट डाला जाता है जिसको तहीनी कहते हैं ठीक है थीके? और एक चिकपी का आइटम बनता है एक चिकपी का आइटम बनता है ठीक है इसे क्या कहते हैं एनी उसको कहते हैं हमस हमस कहते हैं, ठीक है। है। तो ये दोनों ही ही चीज अरब के देशों में बहुत ज़्यादा फेमस है। साथ ही साथ हिंदू माइथोलॉजी में हिंदू माइथोलॉजी में ठीक है हिंदुत्व में इसको अमरत्व का सिंबल बताया गया है सिंबल ऑफ इमोटैलिटी सिंबल ऑफ इमोटैलिटी क्या बताया गया है सिंबल ऑफ इमोर्टैलिटी बताया गया है ठीक है सो हिंदू माइथोलॉजी में क्या बताया है सिंबल ऑफ इमोटैलिटी बताया गया है इसमें एंटी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ये खराब नहीं होता है इसीलिए इसे क्वीन ऑफ ऑयल सीड कहा जाता है इसमें तीन एंटी पाया जाता है जिसको कह आप बस एक का नाम याद रखो बाकी दोनों अपने आप याद हो जाएगा आप सेन याद रखो बाकी दोनों क्या है एक है सेसा सेसमोल आधा हो गया तीसरा है सेसमिन ये लो ठीक है डन तो आप बस एक ही याद रखो सुल्लिन और आपको बाकी दोनों अपने आप जो है वो याद हो जाएगा ठीक है ना ओके हैं है। वही है वही है एग्री इंडियन जी पूरे देश भर में वही चीज है बस इसका नाम बदल जाता है ठीक है ना ओके आप तिलकुट कहो ठीक है तिल के लड्डू कहो ओके हाँ दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है तिलकुट ज्यादा क... छोड़ो खाने पे नहीं जाएंगे तिलकुट ज्यादा खस्ता होता है ठीक है लड्डू थोड़े से जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं ओके <laughs> बाकी है तो सेम ही चीज और बहुत ही बढ़िया लगता है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ओके और कौन सा क्रॉप रहा सोयाबीन सोयाबीन भाई सोयाबीन की अगर मैं बात करूं ना वर्ल्ड में लार्जेस्ट शेयर इन वेजिटेबल ऑयल वर्ल्ड में जो जो मैं लिख रहा हूं उसको लिख लीजिएगा ठीक है ना वेजिटेबल ऑयल ठीक है इसके नाम भी है भाई येलो ज्वेल क्या कहा जाता है येलो ज्वेल कहा जाता है ठीक है क्यों क्योंकि इसका जो ऑयल है ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है पहला दूसरा पुअर मैं प्रोटीन पोर मैनस प्रोटीन क्यों पोर मैनस प्रोटीन इसका जो प्रोटीन होता है ना एक्चुअली बहुत सस्ता होता है मेरे ख्याल से 15 या 20 रुपए का होता है इसका 100 ग्राम का पैकेट 100 ग्राम में 50 ग्राम प्रोटीन मिलता है कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो 20 ग्राम में 50 ग्राम प्रोटीन दे पाए सबसे ज्यादा प्रोटीन नॉनवेज आइटम में मिलता है ठीक है आप आप अगर चिकन की बात करोगे चिकन की बात करोगे तो 100 ग्राम चिकन में आपको ऑलमोस्ट 28 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलता है ठीक है ओके 100 ग्राम चिकन में और ये 100 ग्राम चिकन सॉरी सौ, 22 ग्राम के प्रोटीन आसपास आपको मिलता है ठीक है कच्चे चिकन में और ये कच्चा चिकन का जो प्राइस होगा आ, दिस विल बी अराउंड आई गेस डिपेंड करेगा 25 से 30 रुपए अलग-अलग जगह पे ठीक है ना 25 से 30 रुपए में 22 ग्राम प्रोटीन ठीक है 20 रुपए में 50 ग्राम दूध की बात कर लेते हैं दूध की अगर बात करोगे रफली सौ एम में अगर आपको चार ग्राम प्रोटीन मिल रहा है तो सौ एम का जो प्राइस है वो होगा मेरे ख्याल से सेवन फाइव थर्टी फाइव सात रुपए के आसपास ठीक है ना किसी में भी किसी में भी इसके जितना जो है आ, क्या नहीं मिलता है ईजिली अवेलेबल और चीप प्रोटीन नहीं मिलता है ठीक है हाँ वो अलग बात है इसको आप सोया चाप में कन्वर्ट करके दो सौ ढाई का खाओगे तो वो क्या ही कौन करेगा ठीक है तो ये जो प्लेन प्रोटीन होता है इसलिए इसको अरमैन प्रोटीन कहा जाता है ठीक है और क्योंकि इसको पोअरमैंस प्रोटीन कहा जाता है इसलिए इसका एक इसी, इसी के वजह से दूसरा नाम पड़ा है जिसको कहते हैं वंडर क्रॉप वंडर क्रॉप क्यों कहते हैं एक तो इतना ज्यादा ऑयल का इतनाबिलिटी है ऊपर से एक ऑयल सीड प्लांट होने के बावजूद इसका जो प्रोटीन का अवेलेबिलिटी है है ये बहुत ही अच्छा है। और इसका जो प्रोटीन की क्वालिटी है वो भी अच्छी है चलो थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं अंकित जी परेशान हो गए हैं उसके बाद जो है हम फिर से थ्योरी पे जाएंगे ठीक है ना चलो वैसे तो मैंने बता दिया बहुत सारी चीजें आप लोगों को सो डैश रेफर्स टू द शेयरिंग ऑफ वेल्थ दैट इज प्रोड्यूस एमोंग द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखो um, मैंने ये, ये, ये वाला मैं समझा देता हूं मान लो आपने एक काम किया है ठीक है मान लो आपने एक काम किया है ओके और उस काम में आपको क्या हुआ कि चार लोगों की मदद लगी है क्या हो थी? चार लोगों की मदद लगी है ठीक है अब चार लोगों की मदद लगी है इसका मतलब इसका जो भी प्रॉफिट आएगा आप चार लोगों में बांटोगे तो बिल्कुल उसी तरह इकोनॉमिक्स में कोई भी काम करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है ठीक है उसमें उसके हिसाब से हम जो है अपने प्रॉफिट को यहां पर क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर एक और चीज जान लो इकोनॉमिक्स में कुछ चीजें हैं जैसे कि लैंड लेबर कैपिटल मैनेजमेंट तो याद रख लेना वैसे तो बहुत रेयर सिनेरियो है वैसे आपका इस ये नॉर्मल इकोनॉमिक्स में भी आ सकता है जो जीके जीएस वाला पोर्शन है ना जी वाला पोर्शन है उसमें भी ये आ सकता है ठीक है तो लैंड में आपको क्या मिलेगा अगर आप किसी का लैंड यूज कर रहे हो चाहे अपना ही लैंड क्यों ना यूज कर रहे हो लैंड को यूज करने के लिए आपको रेंट देना पड़ता है अगर एक फार्मर है जिसका अपना लैंड है हम एमएसपी कैलकुलेट करते वक्त जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन करते हैं सी वन सी उसमें हम लैंड के रेंट को इंक्लूड करते हैं भले ही वो किसी का अपना लैंड हो लेबर को दिया जाता है वेज क्या

इतना कुछ मैनेज करके आपके थाली पे अगर आपको खाना पहुंचा पा रहा है तो इससे बड़ा मैनेजर कोई है ही नहीं दिस इज थिंकिंग। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस बासमती राइस का टेस्ट वेट की बात करते हैं टू ग्राम ट्वेंटी वन ग्राम फिफ्टीन ग्राम से फोर्टी ग्राम्स मैंने थोड़ी देर पहले बताया शायद आंसर कम ऑन ठीक है so, सो टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस की अगर बात करूंगा तो द राइट आंसर इज 21 ग्राम नॉर्मल राइस जो है वो 25 ग्राम का होता है, का होता है का है नॉर्मल राइस 25 ग्राम का व्हीट फोर्टी टू ग्राम्स यही दो तीन आते हैं राइस राइस रा, 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 बासमती राइस व्हीट और फैलेरिस माइनर राइस का 25 ग्राम बासमती का 21 ग्राम हल्का होता है खाने में अच्छा लगता है व्हीट का 42 ग्राम और फैलेरिस माइनस का माइनर का 2 ग्राम नंबर ऑफ सब स्पीशीज इंक्लूडेड अंडर जीनस ओराइजा के अंदर तो 24 स्पीशीज है लेकिन ओराइजा सटाइवा के अंदर कितने सब स्पीशीज है के अंदर आपको जो सब स्पीशीज मिलेंगे वो होंगे तीन एक होगा आपका इंडिका दूसरा होगा जपोनिका तीसरा होगा जावानिका इंडिका ट्रॉपिकल क्लाइमेट का क्रॉप है ठीक है थोड़ा सा लंबा होता है ठीक है और पतला होता है और इसके जो सीड्स होते हैं वो भी लंबे और पतले होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं चिपकते नहीं है जबकि जापोनिका का प्लांट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है इसके सीड थोड़े से हल्के से मोटे होते हैं और ये चिपकू चिपकू से होते हैं जबकि जवानिका जो है वो बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है जिसकी वजह से इसको वाइल्ड राइस भी कहा जाता है वाइल्ड राइस या बालू राइस ठीक है या ट्रॉपिकल का भी कहा जाता है जवानिका को ठीक है ओके फ्रेग्रेंस किसकी वजह से होता है बासमती राइस में बताओ भाई जो बासमती राइस महकता है वो किस वजह से महकता है एनी क्या वो चीज है एनी वैसे तो हॉर्टिकल्चर भी है आपका तो ऑनियन गार्लिक राइस जहां पर कुछ कंपाउंड्स होते हैं सर्टन खुशहाली मैं करंट अफेयर्स का इतना दिन से बोल रहा हूं आपको कि करंट अफेयर्स की क्लास 10 मिनट का होता है ये बुक भी आप ऑर्डर कर सकते हो कर एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के लिए छोटी सी किताब है मेरे पूरे साल की मेहनत है ठीक है आप इसको भी ऑर्डर कर सकते हो आप फ्री में भी क्लासेस देख सकते हो यार सुबह रोज़ सुबह दस बजे एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के क्लासेस होते हैं आप अगर पिछले पाँच महीने का क्लास एक दिन भी बैठ के देखते ना तो भी आप इजीली देख लेते क्योंकि एक क्लास पाँच या दस मिनट का ही होता है ठीक है अब बताओ पिछले छह महीने के जो करंट अफेयर है उसको कवर करने का टाइम भी नहीं होगा आंसर हम्म एनी वन पायराजिन तो पटेटो में होता है एनीथिंग एल्स एसिटाइल पायरोलिन का नाम सुना है एसिटाइल पायरोलिन मैं बोल रहा था इतने दिन से कि एक बार आशीष गौतम सर या आशुतोष सर इन दोनों के वीडियोस भी देख लीजिए करंट अफेयर्स के इनके मैं एक काम करोगे आशीष गौतम सर या आशुतोष सर इन दोनों में से या तो अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन या तो एस एस सी अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के चैनल में जाके उनका कोई एक छः महीने का करंट अफेयर का वीडियो देख लो ठीक है या तो उनका कोई मैराथन देख लो या तो कोई छः महीने का वीडियो देख लो आपका एग्जाम सॉर्टेड है आपको कोई कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आई एम डैम श्योर वो दोनों मतलब बहुत अच्छे टीचर हैं ठीक है एंड uh, छे छ महीने का वो करंट अफेयर कराते हैं बहुत क्लैरिटी के साथ कराते हैं ठीक है क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं भाई ठीक है uh, क्या बोल रहा था मैं हाँ एसिटाइल पायरोजिन ठीक है ना एसिटाइल पायरोन सो टू एसिटाइल वन पायरोन इज बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेग्रेंस और द अरोमा और द सेंट इन द बासमती राइस चलो लेट्स गेट बैक टू आर टॉपिक पेन कहां चला गया बातों तो बात करने हाँ, ये रहा पॉकेट में में ठीक है so, सो तीन हो गए इन ट्रांजिशनल जोन बिटवीन रूट रूट एंड शूट शूट पर और अलग होते हैं हैं उसे क्या कहते अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ठीक हाँ, है, है, है आपका जनरली फ्रेग्रेंस या बासमती राइस में देखने को मिलता है Answer. So, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उसे क्राउन रूट कहते हैं ठीक है क्राउन रूट जो अलग होता है और 21 दिन के अंदर ये देखने को मिलता है अच्छा क्राउन रूट ना एक सेकेंडरी रूट है ये प्राइमरी रूट नहीं है प्राइमरी रूट आपका नॉर्मल जो सीड रूट है ना वही प्राइमरी रूट है ठीक है नेक्स्ट सूट ऑफ राइस इज कॉल्ड राइस के शूट को क्या कहा जाता है राइस के शूट को क्या कहा जाता है राइस का जो शूट है आपको दिखता होगा कि लीव्स ऊपर सारे अलग हैं लेकिन अगर आप प्लांट में नीचे जाओगे तो आपको ये जॉइंटेड स्टेम मिलेगा जॉइंटेड स्टेम या जॉइंटेड शूट मिलेगा इसको हम कहते हैं कलम क्या कहते हैं भाई कलम कहते हैं ठीक है नेक्स्ट फेवरेबल कंडीशंस फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ राइस भाई राइस के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमें कैसे क्लाइमेटिक कंडीशन की जरूरत है सोचो जरा आप कौन से महीने में आप राइस ग्रो जनरली ग्रो होता है उस महीने में कैसा क्लाइमेट रहता है बताइए बताइए कमॉन सो फेवरेबल कंडीशन की अगर बात करेंगे राइस आप खरीफ सीजन में ग्रो करते हो जून जुलाई के महीने में भाई तड़पती हुई गर्मी तो होगी ही होगी ठीक है लेकिन साथ ही साथ जो हवा है उसमें उमस काफी ज्यादा होगा इसका मतलब ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होगा और साथ ही साथ यहाँ पर जो क्लाइमेट है ना वो वार्म क्लाइमेट होगा तो इसका मतलब वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विल बी द राइट आंसर ना 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 अभी तो मैंने कहा तड़पती गर्मी ठीक कड़क सॉरी कड़कती गर्मी ठीक है ना ओके हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विल बी द राइट आंसर ठीक है क्या होगा भाई हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विल बी द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट तो गलती से वार्म एंड ह्यूमिड मत लगा के आ जाना गलत हो जाएगा खैरा डिजीज इन राइस राइस में जो खैरा डिजीज है ठीक है वो किसके वजह से होता है मैंगनीज की वजह से आयरन की वजह से जिंक की वजह से या सल्फर की वजह से किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है ठीक है ना बताओ अगर एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए तो स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा क्या होता है ना कभी कभी आपने देखा ऊपर खायरा डिजीज़ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है ठीक है ये मैंने पर्सनली कोई एग्जाम में गलती किया था मुझे याद नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से सेमिस्टर एग्जाम था मेरा ठीक है बैक इन बैक डूरिंग माई ग्रेजुएशन डेज तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू खरीफ डिजीज इन राइस इज़ करेक्ट ठीक है तो मैंने ना देखा नहीं और ए में लिखा था कि इट इज ड्यू टू द टॉक्सिसिटी ऑफ जिंक और मैंने ए में ए लगा के चला आया मेरा वहाँ पे गलत हो गया क्वेश्चन ठीक है तो इट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक ठीक है ना जिंक के, के वजह से होता है कुछ इस तरीके का दिखता है द राइट आंसर इज दिस सी ठीक है आइडिया ऑफ सुपर राइस वाज गिवन बाय सुपर राइस का आइडिया किसने दिया था जीएस एस खुश रिकेन निशीना यून लॉन्ग ने वाइए दिस क्वेश्चन शुड बी सर क्यों भाई क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है ना आज तक जितने भी एग्जाम मैंने दे दिए ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पक्का आया है ठीक है आइडिया ऑफ सुपर राइस की अगर बात करेंगे तो राइट आंसर इज जी एस खुश ठीक है क्या है जी एस खुश ओके ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक टर्म्स हैज नॉट बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज इनमें से कौन सा इकोनॉमिक्स का टर्म है जो ग्रीक लैंग्वेज से नहीं आया है ठीक है माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स या मार्केट बताओ आंसर बताओ भाई मेरा दूसरे क्लास का भी टाइम होने वाला है कमॉन आप में से कितने लोग बैंकिंग का एग्जाम बैंक का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या बैंक का एग्जाम देने वाले हो आप में से कितने लोग जो है बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या बैंक का एग्जाम देने वाले हो बताना जरा मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स आया है ग्रीक वर्ड से जो कि है माइक्रो माइक्रो सी की जगह के हो जाता है मैक्रो भी ग्रीक से आया है मैक्रो इकोनॉमिक्स आया है इकोनॉमिकस ये भी ग्रीक है मार्केट आया है लैटिन शब्द से जो कि है मार्केटस क्या है भाई मार्केटस कर रहे हो तैयारी एफ ओ बाकी नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कोई नहीं कर रहे हो कोई नॉन एग्री स्टूडेंट नहीं है जब आप बैंकर बन जाओगे ना IBPS के की बैंकिंग की बात कर रहा हूं जब आप पीओ बन जाओगे पीओ के बाद आपका प्रमोशन होगा तो आ, उसमें ना प्रमोशनल एग्जाम्स होते हैं जे आई आई बी सी बहुत सारे पेपर्स होते हैं ए बी एफ एम होता है ए बी एम होता है ठीक है आपका बी आर बी एल होता है ठीक है पेपर्स अलग अलग पेपर्स होते हैं सी ए आई आई बी में ठीक है इनमें एक इलेक्टिव पेपर होता है और उस इलेक्टिव पेपर में एक पेपर होता है रूरल बैंकिंग रूरल बैंकिंग वाला चीज में पढ़ाता हूं ठीक है तो जब बैंकर बन जाओगे और जब प्रमोशनल एग्जाम दोगे अगर मैं उस टाइम तक पढ़ा रहा हूंगा तो हम दोबारा मिलेंगे ठीक है रूरल बैंकिंग में ओके okay? चलो आगे बढ़ते हैं ओके नेक्स्ट सो डी मार्केट इज द राइट आंसर ओके हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन द टर्म्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स भाई माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स किसने टर्म किया था आंसर माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स किसने टर्म किया था आर फिशर रैगनर फ्रिस्ट जेम एडम स्मिथ या लियोनल रॉबिन्स देखो सो so, यहां पे ना मैं जरा स्पीड से ये बता दूंगा क्योंकि ये सारी चीजें जो है या तो आपको पता है या तो नहीं पता है इसमें सोचने वाली कोई चीज है नहीं सो एडम स्मिथ जिनको हम फादर ऑफ of... ऐसी गलती कैसे कर सकते हो संदीप सामल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी ठीक है ओके सो हु द फॉलोइंग कॉइन द टर्म्स माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स रैगनर फ्रिश इन द ईयर 1933, ठीक है ना रैगनर फ्रिश इन द ईयर 1933, मैंने यहां पे ऑप्शन एक्चुअली चेंज नहीं किया है गलत डाल दिया है गलती से ठीक है तो कितने लोग जो है ऑप्शन देख के एडम स्मिथ बोल दिए द राइट आंसर इज दिया आर एफ फिशर जो है स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारा काम किए हैं जेम द मॉडर्न फादर ऑफ फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स लियोनल रॉबिस इज एसोसिएटेड विथ द

ठीक है सो so, डिवीजन की अगर बात करें देखो प्राइस थ्योरी को समझने के लिए हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझना पड़ेगा किसको माइक्रो इकोनॉमिक्स को उसके बाद थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा जल्दी करते हैं गाइस वरना फिर क्वेश्चन छूट जाएंगे जो कि मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं साढ़े चार बज गया है थोड़ी देर में दो साढ़े तीन बज गया है थोड़ी देर में दूसरा क्लास भी है ठीक है विच डिविजन ऑफ इकोनॉमिक्स इज नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जब आप पूरी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ोगे तब आप समझ पाओगे सॉरी जब आप पूरी तरह से थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को समझना चाहोगे तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट विच डिविजन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालाइजेज द बिहेवियर ऑफ स्मॉल डिसीजन मेकिंग यूनिट सच एज अ फर्म और एन इंडस्ट्री और ए कंज्यूमर ध्यान देना स्मॉल डिसीजन मेकिंग यूनिट देखो कभी भी अगर कोई डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उस डेफिनेशन में एक शब्द होता है जो डेफिनेशन के टर्म के बारे में बता देता है आपको पूरे डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत जनरली नहीं पड़ती है ठीक है ओके तो यहां पर स्मॉल वर्ड आया है स्मॉल वर्ड का मतलब क्या है भाई माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द राइट आंसर खत्म बात ठीक है लेकिन मैंने यहाँ पे मैक्रो लिखा है सो आई एम सॉरी फॉर दैट ठीक है विच डिविजन ऑफ इकोनॉमिक एनालिस एग्रीगेट एग्रीगेट मतलब कुछ बड़ा एंटायर इकोनॉमिक बड़ा ठीक है तो आंसर होगा मैक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स ठीक है देखो जरा इसका सही लिखा है हाँ इसका सही लिखा है मैंने ठीक है पिछले दोनों का गलत लिखा था कौटिल्य द ग्रेट इंडियन स्टेट्समैन चाणक्य के नाम से आपने आप जानते हो गे नेम्ड इज बुक ऑन स्टेट क्राफ्टैश डैश ठीक है जो उन्होंने इकोनॉमिक्स पे किताब लिखी थी उसका नाम क्या है अर्थ इकोनॉमिक लाइफ इन द एपिक एंड दुराणिक एज अर्थ सूत्र अर्थशास्त्र या बोध सी एन डी एंसर कमौन ओके सो द ग्रेट इंडियन स्टेट्समैन इन्होंने लिखा था अर्थशास्त्र क्या लिखा था अर्थशास्त्र इज द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट द वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय जो वेल्थ डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स का ये किसने दिया था जे एम किनिस एडम स्मिथ एल्फ्रेड मार्शल लियोलेन रॉबिल्स या रैगनर फ्रिश वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स देखो इकोनॉमिक्स के ना अलग अलग डेफिनेशन है वेल्थ मतलब वेल्थ से एसोसिएटेड जो डेफिनेशन है वो यहां पर दिए थे कौन एडम स्मिथ हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ठीक है बस देखते जाओ वेलफेयर डेफिनेशन मतलब इकोनॉमिक्स uh, में वो चीजों को हमें पढ़ना चाहिए जो इंसान के बेटरमेंट या इंसान के अच्छाई के लिए यूज किए जाते हैं जैसे कि इकोनॉमिक्स में हमें अल्कोहल को इकोनॉमिक्स में काउंट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इंसान के भलाई के लिए नहीं है ठीक है ना ये वेल्थ जरूर है लेकिन ये वेलफेयर नहीं है ठीक है और ये हमारा जो डेफिनेशन है ये दिए थे एल्फ्रेड मार्शल ठीक है क्या है एल्फ्रेड मार्शल द ग्रोथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इज बेसिकली द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी जो आपका इकोनॉमिक्स है वो कहता है

ठीक है सो so गाइज 48 एट क्वेश्चन मैंने करा है इसमें ऑलमोस्ट और 40 क्वेश्चन हैं जो कि ईजी होगा अब एक्सट्रीमली सॉरी मुझे सोचा था मुझे लगा था कि मैं करा दूंगा एक घंटे में लेकिन मैं एक घंटे में करा नहीं पाया ठीक है तो मुझे अभी नेक्स्ट क्लास में जाना भी है तो मैं क्या करूँगा कि इसका जो पी है ना वो आपको प्रोवाइड कर दूँगा पी डी एफ कहाँ प्रोवाइड करूँगा देखिए आपको एक काम क्या करना है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाइए अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाइए ऊपर एग्रीकल्चर कैटेगरी चूज कर लीजिएगा ठीक है और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा कम्युनिटी का कम्युनिटी ओपन कीजिए और यहाँ पर एक्सप्लोर ग्रुप में जाइए और एग्रीकल्चर बाय संदीप सामल को ज्वाइन कर लीजिए मैं थोड़ी देर में इसमें पूरा पी डाल दूंगा ठीक है जहाँ से आप बाकी सारे जो हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक्स को उसको आप चेक कर सकते हो ठीक so, है सो टोटल क्वेश्चन हैं मैंने जिसमें से फोर्टी एट जो है वो करा दिए हैं अगर कोई डाउट होगा तो इसी कम्युनिटी में डाल दीजिएगा मैं रात में जो है उसके आंसर्स दे दूंगा कल भी एक बारी चेक कर लूंगा ठीक है इस कम्युनिटी पे आप अपने डाउट्स अपने क्वेश्चंस भी जो है पोस्ट कर सकते हो ठीक है और अगर आप लोगों को एग्री करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हो कि इस बुक को किचेस कर सकते हो अब इस बुक को आपके घर तक तो पहुंचने में छह सात दिन लगेगा लेकिन इसके साथ इसका ई e बुक आपके अकाउंट में हो जाएगा जिसको आप पढ़ के एग्जाम में जा सकते हो ये छोटा सा बुक है जिसमें आपको एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स नाबार्ड के सब्सिडी जितने भी नाबार्ड के नॉर्म्स जिसके वे, जिसके बेसिस पे आपको सब्सिडी वगैरह मिलता है जीआई टैक्स ईयर एंड रिव्यू सारी चीजें बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे तो ये बुक आपके काम आएगा अगर आपको जनरल करंट अफेयर्स आपका मतलब थोड़ा सा डाउट है तो आप क्या करो कि आशुतोष सर या फिर यहां पर जो हमारे आशीष गौतम सर हैं उनका कोई छः महीने का करंट अफेयर जो है वो आप देख लो एक बारी ठीक है और उसके बाद लास्ट मोमेंट यहाँ पर तैयारी के लिए आप सी डब्ल्यू सी के टेस्ट सीरीज या कंप्लीट ई बुक जो है यहाँ पर परचेज कर सकते हो इन केस यू वांट ठीक है आपको दोनों का लिंक जो है आपको मिल जाएगा ऑल कोर्सेज में जाइए एग्रीकल्चर में जाइए एग्रीकल्चर में आपको सी डब्ल्यू सी का कैटेगरी चूज करना है और ये देखिए सी ऑब्वियसली बैच का तो कोई काम नहीं है ये आपका टेस्ट सीरीज है ये आपका ई बुक है आप अगर चाहो तो परचेज़ कर सकते हो ठीक ठीक है और यहां पर आपको आपका आ, क्या कहते हैं करंट अफेयर्स का बुक भी मिल जाएगा सिंपली यहां पर पल्स अगर आप सर्च कर दोगे अगर आप जाके पल्स सर्च करोगे तो आपको एग्री पल्स नाम का करंट अफेयर्स का किताब मिलेगा एग्रीकल्चर का लेकिन ये है अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहते हो तो आप यहां पर वाई कोड का यूज कर सकते हो वन में ऑर्डर कर सकते हो आप ठीक है सर नेट के लिए कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है एग्रोनॉमिका अमरिक जी थोड़ा सा वेट कीजिए बहुत जल्दी आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे खबर मिलेंगे ठीक है तो मिलते हैं गाइज एक और सेशन में टिल देन टेक केयर बाय बाय स्टे सेफ़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन एंड टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय